अब अपन बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कम से कम दस नंबर से लेकर पंद्रह ऑनेस्टली बता दू नाइंटी परसेंट ऑफ द बच्चे इस चैप्टर को ढंग से अटेम नहीं कर पाते हैं तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बहुत वाइड है बहुत डाइवर्सिफाइड है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको गिनवाना शुरू करता हूं अब देखे सब लोग अब सब लोग मेरे साथ ध्यान देंगे यहाँ पे अब जो हुआ इतिहास था वर्तमान में जिएंगे हम वर्तमान ये कहता है कि हमें मार्जिनल कॉस्टिंग करना है जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हो ना तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके अंदर इजी चीज भी है इसके अंदर मुश्किल चीज भी है इसके अंदर मीडियम चीज भी है इसके अंदर एवरेज चीज भी है हर तरीके का ये चैप्टर है इससे आप जैसा क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में क्या क्या कवर है पहले मैं आपको वो बताता हूँ पहली चीज कभी कभी इंस्टीट्यूट आपसे इसमें पांच नंबर पर पूछ लेता है बेसिक फॉर्मुलेस के ऊपर क्वेश्चन जिन, लो, जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है वो जानते हैं कि इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेस है और फॉर्मुला बेस है ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर दूसरी चीज कभी कभी इंस्टीट्यूट इसमें क्या करता है इंस्टीट्यूट एक तो देखो बेसिक फॉर्मुलेस पे क्वेश्चन तो पूछता ही है प्लस बहुत बार डेटा को कॉम्प्लेक्स कर देता है और आपको दो पीरियड का डेटा देता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछता है या तो आपको दो साल का डेटा दे देगा दे दो महीने का डेटा दे देगा दे दो क्वार्टर का डेटा दे देगा दे उस पर क्वेश्चन पूछेगा अभी पहले सुन लो फिर एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स आपको कराऊंगा तीसरी चीज इंस्टीट्यूट आजकल जो नई चीज पूछ रहा है इसमें वो है सेल्स मिक्स के ऊपर क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके के सेल्स मिक्स बना के देगा उसपे क्वेश्चन पूछेगा चौथी चीज इस पर इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है कॉस्ट के ऊपर आपको बताएगा ही नहीं कि कितनी कॉस्ट कॉस्ट है है कितना वेरिएबल है, क्या है और फिर बोलेगा जी मार्जिन कॉस्टिंग लगाओ पांचवी चीज जो इस चैप्टर की खासियत है वो है प्राइसिंग डिसीजन ये चैप्टर हेल्प करता है किसी भी प्रोजेक्ट के किसी भी ऑर्डर के किसी भी चीज के प्राइस को डिसाइड करने के लिए तो सेलिंग प्राइस का डिसीजन लेने के लिए प्राइसिंग के लिए ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल होता है जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो इंस्टीट्यूट आजकल मजे ले रहा है उसका नाम है कॉन्स्टेंट बेस्ड क्वेश्चन ये वो टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हर बच्चा अटक जाता है अगर मैं बात करूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत टफ है एज कंपेरिजन टू अदर्स क्योंकि सिक्स में ना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है और कॉमन सेंस आज की जनरेशन में कॉमन बचा नहीं है इसलिए बच्चा अटक जाता है अगर लॉजिक्स आते हो कॉमन सेंस आते हो तो छठा पॉइंट करना बहुत आसान है बट क्या करें कॉमन सेंस कॉमन नहीं है ना पॉइंट नंबर कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग अभी तक आपने किसी भी चैप्टर में इतने पॉइंट्स नहीं सुने होंगे मेरे मुंह से बट क्या करूं इस चैप्टर में है दोस्त इसके अलावा इस चैप्टर से कभी कभी आपको क्या करता है बजटरी कॉस्टिंग प्लस मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछता है जैसे इस बार एग्जाम में पूछा था इस बार जो पेपर में आया था डेट इज बजटरी कॉस्टिंग प्लस मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस बिसाइड दिस इसके अलावा क्वेश्चन में क्या आता है पेपर में आता है इन डिफरेंस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन कि दो तीन ऑप्शन के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट बता दो एंड द मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन का मतलब हो गया कि जहां पे इंस्टीट्यूट किसी भी चीज को मिक्स करके कोई भी नई चीज पूछ लेता है दिस इज मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल दस टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में करने हैं और इसके ऊपर ना बहुत चीजें डिपेंड करती है क्योंकि जब बजटरी के क्वेश्चन पूछेगा तो भी मार्जिनल मिक्स करेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन पूछता है तो भी कभी कभी मार्जिनल कॉस्टिंग मिक्स कर देता है कहीं पे भी इस टॉपिक को मिक्स कर सकता है वो तो आपको ये टॉपिक आना बहुत जरूरी है अगर इस टॉपिक के अगर मैं इस टॉपिक के आपको बोलूँ की क्या चीज मुश्किल है तो ये एक पार्ट है जो मैं कहूंगा थोड़ा सा मुश्किल है Otherwise, ये बाकी चीजें जितनी है ना वहां पे अगर आप थोड़ा स्लो पेस पे चलोगे ना आराम से तसल्ली से तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा सिर्फ एक यही चीज है जो मुश्किल है इवन जो मैं आपको इस बार का क्वेश्चन भी बता रहा हूँ ना एग्जाम का जो बजटरी कॉस्टिंग प्लस मार्जिनल कॉस्टिंग का था वो भी बहुत ईजी था बट द प्रॉब्लम इज कि हम उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें हमें पता नहीं लगता इसलिए हमें कष्ट होता है तो इसीलिए हम क्या करेंगे एक एक करके एक एक करके इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम अपने पहले कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे फिर हम क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे तो आज की क्लास विल बी मोर ऑन द कंसेप्चुअल साइड जहां पे हम कंसेप्ट समझ रहे होंगे जहां पे हम छोटे 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 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे बेबी बेबी स्टेप्स ले रहे होंगे और चलना सीख रहे होंगे और कल की क्लास वो क्लास होगी जहां पर हम बिल्कुल जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं ना कोर क्वेश्चन वो करेंगे देखो एक छोटी सी बात याद रखना एक छोटा जो बच्चा होता है ना वो पहले बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ता है पहले वो चलना सीखता है एक बार उसे चलना आ जाता है ना उसके बाद उसे दौड़ने में टाइम नहीं लगता और एक बार वो दौड़ना शुरू करता है तो फिर वो रुकता नहीं फिर आपको उसका हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है उसको बोलने के लिए कि बेटा तू भाग या चल तो इसीलिए हम भी इस चैप्टर को उसी अप्रोच से करेंगे आज बहुत सोचा है उसके बाद ही अप्रोच डिसाइड करिए कि पहले आपको एक छोटे बच्चे की तरह कदम लेना सिखाते हैं आज आपको मैं चलना खड़े करके चलना सिखा दूंगा और कल से दौड़ना सिखा दूंगा तो कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे आज कंसेप्चुअल क्लास है कोई भी क्लास को छोड़ना मत लास्ट तक बने रहना थोड़ी सी मेहनत लगेगी आज आप लोगों की आज परफेक्ट प्रैक्टिस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी चाहो तो बुक को साइड में रख दो आज बहुत बेसिक स्टेप से काम चलेंगे करेंगे ठीक है जी चलो सिर्फ अपने पास अपनी नोटबुक लेके बैठना कैलकुलेटर लेके बैठना पानी वगैरह कुछ है तो लेके बैठना क्योंकि आज की क्लास बहुत हैवी है ठीक है इज रेडी फॉर इट पहले ही बता दिया दिया भैया डिस्क्लेमर डाल है क्लास हैवी होगी हल्की नहीं होगी बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं सब तैयार है भाई जल्दी, जल्दी जल्दी बोल दो यार कालो बहुत बढ़िया दो ही बच्चों ने बोला बाकी लोग अभी चार्ज होने में टाइम लगेगा देखो आज की क्लास ढंग से अटेंड कर लो कल मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आज की क्लास में पूरी अटेंशन चाहिए मुझे आप लोगों की ठीक है आज जोश नहीं आज मुझे होश चाहिए बस टॉपिक नंबर वन आज हम लिखेंगे भी पढ़ेंगे भी करेंगे भी इस क्वेश्चन को तसल्ली से चलिए पहली बात करता हूं जी बेसिक फॉर्मुलेस की मैंने आपको कितने टॉपिक्स बोले हमने दस टॉपिक्स बोले जहां पे लिखना होगा मैं लिखने का समय दूंगा अभी बस मेरे साथ तसली से सुनना क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना और देखना क्या है ठीक है चलिए जरा देखो जब मैं बात करता हूं इस चैप्टर की तो मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा मतलब होता है वेरिएबल कॉस्टिंग जब आप मार्जिनल कॉस्ट को बोलते हो तो मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा मतलब होता है जी वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि दो तरीके की कॉस्ट होती है एक होती है फिक्स कॉस्ट एक होती है वेरिएबल कॉस्ट ऑल एक दो तीन और होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है अप कॉस्ट होती है उसमें थोड़ी देर पे आऊंगा बट यहां पर जब हम बात करेंगे हम बात करेंगे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है द चेंज इन द कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है एक यूनिट बनाने का खर्चा दिस इज वेरिएबल कॉस्ट ठीक है तो वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है ध्यान से सुनना वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो दो फीचर्स को सेटिस्फाई करती है जो पर यूनिट में फिक्स होती है और अगर मैं टोटल लेवल पे बात करूं तो इट चेंजेस चेंज इन आउटपुट चेंज इन आउटपुट हो सकता है आप में से किसी को लग रहा होगा सर बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं बट डोंट वरी जो चीज बता रहा हूं कुछ सोच के ही बता रहा हूं क्या कहा मैंने मैंने दो चीजें कही मैंने कहा जो पर यूनिट में फिक्स होती है जो पर यूनिट में सेम रहेगी जो कभी भी चेंज नहीं होने वाली जब तक क्वेश्चन आपको ना बोले बट अगर मैं टोटल लेवल पे बात करूं टोटल कॉस्ट की बात करूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा कॉस्ट भी मेरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी भी सेम प्रपोर्शन में इन सेम प्रपोर्शन फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए मैंने कहा एक पेन बनाने के लिए मैंने कहा एक पेन बनाने के लिए दस रुपए का प्लास्टिक लगता है टेन रुपीज का क्या लगता है प्लास्टिक लगता है और दूसरे शब्दों में आई विल से मेरा जो मटेरियल लगता है जिसको मैं डायरेक्ट मटेरियल बोलूंगा वो कितने रुपए लगता है टेन रुपीज ठीक है कह सकता हूं तो क्या मेरा ये कहना ठीक होगा कि अगर मुझे फोर्टी पेन बनाने हैं तो मेरे फोर्टी में टेन चार लगेगा कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि सर अगर एक पेन बनाने में दस रुपया लगता है तो चालीस पेन बनाने में चार सौ रुपया लगेगा अब अभी मेरी बात से एग्री कर रहे हो जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बोलोगे सर ये बढ़ेगा कैसे याद रखना इस चीज को अब अगर आप यहां पे ध्यान दो यहां पे अगर आप ध्यान दो किसी चीज को तो मैंने कहा दस पर पेन चालीस पेन थे तब भी दस पर पेन था एक पेन है तब भी दस रुपए पर पेन है मानते हो बात बट अगर मैं टोटल लेवल की बात करूं एक पेन पे दस रुपए लगते थे चालीस 40 पे चार सौ लगते तो टोटल लेवल पे तो भैया बढ़ गई बट पर यूनिट की बात करोगे तो पहले भी दस रुपए पर यूनिट थी अब भी दस रुपए पर यूनिट है ये होता है जी वेरिएबल कॉस्ट का फीचर अभी कर लो जब बजटरी कॉस्टिंग कराऊंगा तो ये चीजें दोबारा नहीं कराऊंगा आपको बजेटरी कॉस्टिंग में भी इससे बहुत हेल्प हो जाएगी नेक्स्ट होती है मेरे दोस्त एक फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट वो होती है जो टोटल लेवल पे सेम होती है टोटल लेवल पे सेम रहती है फॉर वेरियस आउटपुट बट पर यूनिट लेवल पर चेंज हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल फॉर यू मैंने कहा मेरा रेंट का खर्चा है पचास हजार रुपए लगता है, मेरी जो है उसका रेंट है अगर मैं आउटपुट बनाऊं दस हजार यूनिट तो भी मुझे पचास हजार का ही रेंट देना है अगर मैं आउटपुट बनाऊ बीस हजार यूनिट तो भी मुझे पचास हजार का ही रेंट देना है ऐसा तो होगा नहीं कि अगर मैंने ज्यादा बनाया तो मुझे किराया ज्यादा देना पड़ेगा आप जिस घर में रहते हो मान लो आपने किराए पे घर लिया है तो किराया तो फिक्स ही रहेगा ना आप चाहे चार घंटे पढ़ाई करो छह घंटे पढ़ाई करो आठ घंटे पढ़ाई करो कितनी देर भी पढ़ाई करो तो एक ऐसी कॉस्ट वर्ड्स जो टोटल लेवल पर सेम होती है मतलब टोटल लेवल पे सेम है और जो पर यूनिट पे चेंज हो जाती है पर यूनिट निकाल के दिखाऊ पांच रुपया और ढाई रुपया पचास हजार लगते हैं दस हजार यूनिट के लिए तो एक यूनिट का पांच रुपया लगेगा और ये पर यूनिट पे चेंज हो गई ठीक है तो यहां से जो मैं नेक्स्ट चीज आपको कंक्लूड करना चाहूंगा वो ये है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट ऑलवेज यूज पर यूनिट कॉस्ट वाइल कंप्यूटिंग वेरिएबल कॉस्ट एंड always use per unit cost while computing and use total fixed cost while computing fixed cost at various level of output at various level of output क्या कहना चाहता हूं मैं क्वेश्चन बहुत बार क्या होगा आपको टोटल कॉस्ट नहीं देगा आपको हो के रखनी है। क्या? कि सर, कभी भी मुझे वेरिएबल कॉस्ट अगर अलग अलग लेवल पे निकालनी है कि दस हजार होगी बीस हजार होगी तीस हजार रुपए कितनी होगी तो मैं पर यूनिट कंसिडर करूंगा और अगर कभी भी मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है एट वेरियस लेवल दस हजार रुपये कितनी होगी बीस हजार रुपये कितनी होगी तो मैं पर यूनिट कंसीडर नहीं करूंगा मैं हमेशा टोटल कंसीडर करूंगा ये थंब रूल है ये इस इसपे आप गलती करोगे और 120 परसेंट करोगे जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे इसीलिए आज लिखवा रहा हूं उस समय फिर बताऊंगा जब क्वेश्चन में गलती कर रहे हो कि देखो मैंने आपको बताया था क्या वेरिएबल कॉस्ट में हमेशा पर यूनिट ही देखना है और फिक्स कॉस्ट में हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट देखना है याद रहेगी ये चीज आप लोगों को पहले मुझे ये बताओ ऊपर के पॉइंट तो देखो बहुत सिंपल थे ऊपर वाले में कुछ नहीं था ये तो बेसिक आपको सिर्फ रिवाइज कराने के लिए था जो मेन पॉइंट था वो मेरा ये था कि जब भी आपको कर, अलग अलग लेवल पे कॉस्ट यूज करनी है तो वेरिएबल कॉस्ट पे हमेशा पर यूनिट यूज करना नहीं तो बैंड बच जाएगी और फिक्स पे हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट यूज करना इतने ठीक है तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं मैंने कहा ध्यान से सुनना सब लोग मैंने कहा द फॉलोइंग इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर और टेन थाउजेंड यूनिट्स क्या है जी हमने कहा सेलिंग प्राइस है जी एक सौ बीस रुपया माइनस वेरिएबल कॉस्ट है मेरे दोस्त नाइन्टी रुपया दिस इज माई पर यूनिट तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगा नेक्स्ट फॉर्मेट मेरा यही है इसी से मैं आपको एक नेक्स्ट फॉर्मेट भी करा दूंगा लगे हाथ ये आएगा थर्टी रुपीज पर यूनिट दिस इज माय पर यूनिट दिस इज माय पर यूनिट दिस इज माय पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट एफ मतलब फिक्स कॉस्ट वो है जी दस रुपये पर यूनिट तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है ट्वेंटी रुपीज पर यूनिट मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होगी वो ऐसे होगीबल कॉन्ट्रीब्यूशन से घटाओ फिक्स कॉस्ट इसका कहा जाएगा जी प्रॉफिट ठीक है इतनी बार समझ आती है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इसल टू कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओगे आएगा प्रॉफिट क्वेश्चन ने आपसे पूछा कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट एंड पर यूनिट प्रॉफिट एट ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स अगर मैं इसी डेटा सेट को ले लूं और आपको बोलूं कि बीस हजार यूनिट पर प्रॉफिट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा सवाल ये आ गया ध्यान से देखना सब लोग दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल मैं आप लोग को आज बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा पहला एग्जांपल यह है कि मैंने आपको दस हजार यूनिट का डेटा दे दिया कि जी मेरे पास सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस मतलब एक यूनिट को बेचने पे कितने रुपए मिलेंगे वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए मिलेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन तीस रुपए फिक्स कॉस्ट दस रुपए प्रॉफिट है जी बीस रुपये पर यूनिट ठीक है इतनी बात क्लियर है चलो अब आ जाओ मैंने कहा ये सारा डेटा दस हजार यूनिट का है अगर मुझे बीस हजार पे बनाना होगा तो क्या होगा वो देखो मैंने कहा अगर मेरा दस हजार यूनिट पे मैं टोटल लेवल की बात करूं तो क्या बनता तो मैं बोलता सुनना ध्यान से सब लोग एक सौ रुपये पर यूनिट है तो दस हजार यूनिट पे कितना हो जाएगा जी एक सौ में दस हजार लाख रुपया ये आ जाएगा नौ लाख रुपया ये आ जाएगा तीन लाख रुपया ये आ जाएगा एक लाख रुपया ये आ जाएगा मेरे पे टू लाख रुपीस ये दस हजार यूनिट पे अगर मुझे बीस हजार यूनिट पे बनाना हो तो क्या होगा सब लोग ध्यान से देखो सेलिंग प्राइस मान लो सेम है एक सौ बीस इंटू में बीस हजार कितना आ जाएगा चौबीस लाख रुपया मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे देखना मतलब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मुझे जो मतलब है वो इससे मतलब है तो मैं बोलूंगा नब्बे रुपए पर यूनिट इंटू में बीस हजार यूनिटल टू अठारह लाख रुपया ठीक है तो ये आ गया जी छह लाख रुपया मैंने बोला था फिक्स कॉस्ट आपको पर यूनिट पे नहीं देखना आपको टोटल लेवल पे देखना है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मुझे किससे मतलब है मुझे इससे मतलब है कितना आएगा जी पांच लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया अगर मुझे पर यूनिट निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा तीस रुपए ये हो जाएगा पांच रुपए और ये हो जाएगा पच्चीस बात समझ आती है सब लोगों को इसमें किसी को कोई समस्या है तो पहले पूछो तो जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि जी जब आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करोगे तो आप पर यूनिट की बात करोगे जब आप फिक्स कॉस्ट की बात करोगे तो आप टोटल की बात करोगे आप पर यूनिट की बात नहीं करोगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल लेवल पे सेम होगी अगर मैं दस रुपये पर यूनिट बना दू उसको भी तो बीस हजार रुपये दस रुपये पर यूनिट के हिसाब से दो लाख रुपये हो जाते हैं मतलब आपने फिक्स कॉस्ट बढ़ा दी क्वेश्चन ने तो कभी बोली ही नहीं थी ये बहुत बेसिक सी गलती है जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं तो आपको यह याद रखना है कि दिस इज नब्बे दिस इज एक लाख आपको इसको कंसिडर करना है ये वेरिएबल कॉस्ट को और इसको टोटल पे आ, मतलब वेरिएबल कॉस्ट आप पर यूनिट पे कंसिडर करेंगे और फिक्स कॉस्ट आप टोटल पे कंसिडर करेंगे ये बात सब लोगों को समझ आ गई कोई ऐसा है जिसको इस पॉइंट पे डाउट हो आगे सुनिए अब फॉर्मूला नंबर वन फॉर्मलेस की बात कर रहा हूं आपसे देखो मार्जिनल कॉस्टिंग को एक दूसरे शब्दों में वर्ड कहा जाता है जिसका नाम है पीवी एनालिसिस पीवी एनालिसिस मार्जिनल कॉस्टिंग में जब आप एनालिसिस करते हो तो उसे पीवी एनालिसिस कहा जाता है क्यों कहा जाता है बताता हूं पॉइंट नंबर वन हम निकालते हैं जी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मैं ऊपर स्टेटमेंट में देखूं अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकला कॉन्ट्रीब्यूशन निकला सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा करेक्ट तो मैंने ये निकाला कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मुझे टोटल लेवल पे चाहिए तो इट इज सेल्स रुपीज में माइनस वॉल्यूम सॉरी वेरिएबल कॉस्ट अगर मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए तो मैं करूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट मतलब सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक तरीका यह होगा दूसरा तरीका होगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में टोटल यूनिट्स क्या किया मैंने दिखा देता हूं मैं आपको देखिए ऊपर मैंने कहा अगर मुझे पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए मिनट कर जस्ट uh, अगर मुझे पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए तो मेरे पे थर्टी रुपीज पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है थर्टी रुपीज पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आया एक तरीका तो था एक सौ बीस में से नब्बे रुपए घटा दो तीस रुपए आ जाएगा दूसरा तरीका है ये तीन लाख ,00 जो आया है डिवाइडेड बाय दस हजार कर दो तो आ जाएगा जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना यही मैंने आपको लिख के दिया है फॉर्मूला नंबर थर्ड पीवी वी रेशो जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो फॉर्मूला नंबर थर्ड पीवी वी रेशो ये बहुत जगह यूज होने वाली है आपकी इसको कहा जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और दूसरे शब्दों में कहा जाता है कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो यह बोलता है प्रॉफिट और वॉल्यूम की रेशो प्रॉफिट मतलब यहां पे कंट्रीब्यूशन की बात करता है वॉल्यूम मतलब यहां पे सेल्स की बात करता है तो पीवी वी रेशो निकालने का एक तरीका होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स In two hundred or contribution per unit upon sales per unit in two hundred or कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड अब ये क्या निकली पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूं वैल्यू उसके बाद फिर इसपे और फर्दर चर्चा करेंगे देखिए अभी सब लोग यहां पे देखिएगा प्लीज लिखने पे ध्यान ना दें अभी एक बार समझने पे ध्यान दें क्योंकि ये फॉर्मूला ना 90 परसेंट जगह यूज होने वाला है पीवी का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम मतलब सेल्स इनटू में हंड्रेड तो या तो टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू हंड्रेड कर लो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इनटू हंड्रेड कर लो दोनों तरीके से कर लो जैसे करना है सेम आंसर आएगा ये परसेंटेज में आती है याद रखिएगा दिस इज इन परसेंटेज नेक्स्ट चीज है कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अभी ऊपर हमने निकाला था तो आप इस तरीके से कर लो तो भी सेम ही आएगा अगर मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में पीवी रेशो निकालनी हो नाउ इफ दिस इज द क्वेश्चन और मुझे इसमें पीवी वी रेशो निकालनी हो तो कितनी आएगी कोई बताएगा मुझे अगर मुझे पीवी वी रेशो निकालनी है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं पीवी वी इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है तीस हजार सॉरी तीन लाख अपॉन बारह लाख इंटू में सौ स्क्वल टू पच्चीस टका अगर मैं पर यूनिट पे निकालना चाहूं अपॉन एक सौ बीस इंटू सौ पच्चीस टका मैं फिक सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके निकालना चाहूं बारह लाख माइनस नौ लाख तो तीन लाख बटे बारह लाख इंटू सौ पच्चीस टका किसी भी तरीके से कर लो आपका सेम ही आने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है क्या सब लोग को पीवी रेशो क्या होती है ये समझ आता है क्या सब लोग इतना क्लियर है ठीक है तो पीवी रेशियो में हमें एक चीज अगली और समझनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ध्यान से देखना देखिए अब जो चीज बताने जा रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगी देखो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू हंड्रेड माइनस पीवी रेशो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या कह रहा हूं मैं ध्यान से समझाता हूं बहुत प्यार से देखना इसे मैंने कहा भाई अगर सेल्स सौ रुपया है वेरिएबल कॉस्ट सत्तर रुपया है तो पीवी रेशो कितना कंट्रीब्यूशन कितना होगा जी थर्टी रुपया तो अगर मैं ये कहूं पीवी वी रेशो अगर तीस परसेंट है तो वेरिएबल कॉस्ट की रेशो सत्तर परसेंट होगी वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू हंड्रेड क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो कि सुनना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत जगह यूज होगी पीवी रेशियो अगर तीस परसेंट है तो वेरिएबल कॉस्ट सत्तर परसेंट होगी क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो ठीक है एग्री करते हैं सब लोग चलो बहुत अच्छी बात है लेट मी गिव अनदर एग्जाम्पल टू यू सर ये होता है मतलब यश जी मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप लेट मी टेक अनदर एग्जांपल फॉर यू मैंने कहा मेरे पास पीवी रेशियो रेशो फोर्टी परसेंट है देखना ध्यान से अब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट छह लाख रुपए है आप लोग मुझे बताओ सेल्स कितनी होगी एंड कंट्रीब्यूशन कितना होगा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं होता क्या है ये चीज छोटी छोटी चीजें ना बड़े बड़े क्वेश्चन के पार्ट होते हैं तो अगर आपको छोटी छोटी चीजें समझ आ जाए तो काम बन जाता है अब मैं इसे कैसे करूंगा वो ध्यान से देखो अब मेरे करने का तरीका देखना प्लीज सब लोग आपको ये बहुत यूजफुल होने वाला है मैंने कहा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अब ध्यान से देखिएगा सब लोग प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मिस हो जाएगा बैंड बच जाएगी चालीस परसेंट ये है तो क्या मेरा ये कहना ठीक होगा कि अगर ये सौ रुपए है तो ये चालीस रुपए होगी और ये साठ रुपए होगा क्या मेरा ये कहना ठीक है मैं अज्यूम कर रहा हूं ये अगर सेल सौ रुपए है कंट्रीब्यूशन चालीस रुपया होगा वेरिएबल कॉस्ट साठ रुपया होगा करेक्ट अब मुझे गिवन क्या है मैंने कहा भाई मुझे गिवन क्या है क्या गिवन है देख लेते है? मुझे गिवन है कि ये छे लाख रुपए है साठ पे छह लाख चालीस पे कितना होगा चार लाख सौ पे कितना होगा दस लाख कैसे निकाला सर साठ पे छह लाख है सौ पे कितना होगा सर लाख साठ पे है तो साठ से डिवाइड किया सौ से गुणा किया लाख साठ से डिवाइड किया चालीस से गुणा किया ठीक है इतनी बार समझ आती हो क्या आपको मेरा करने का काम तरीका समझ आया ये बहुत जगह यूज करने वाला हूं मैं हो सकता है आज अगर आज समझ लोगे ना क्वेश्चंस में बहुत मदद हो जाएगी तो बड़े ध्यान से देख लो फिर बता देता हूँ एक बार और जो आज क्लास में कराऊंगा ना आज ही है मेन क्लास तो कल तो बस सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस की क्लास है आज जितनी चीजें क्लास में कराऊंगा आप लोगों को अगर आपने उस पर कमांड ले ली आप मार्जियल कॉस्टिंग का दुनिया जहान का कहीं का भी क्वेश्चन उठा लेना बन जाएगी सौ साठ चालीस ये मैंने अज्यूम किया कि अगर ये सौ है ये चालीस हो जाएगा ये साठ हो जाएगा तो मैंने कहा साठ पे छह लाख है मतलब छ पे साठ पे छह लाख है तो सौ पे कितना होगा दस लाख चालीस पे कितना होगा चार लाख इस तरीके से मैं इसे निकाल सकता हूं ठीक है इतनी बात समझ आ गई मैंने कहा चलो अच्छी बात है अगला एग्जाम्पल देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन बना रहा हूं एक लेवल बढ़ाने लग रहा हूं आपके लिए मैंने कहा पीवी वी रेशियो है चालीस परसेंट ठीक है वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख रुपया ठीक है जी अगली बात हमने कहा बहुत अच्छी बात है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है सौ रुपया ठीक है फिक्स कॉस्ट है दो लाख रुपया आपसे पहली रिक्वायरमेंट मेरी है कैलकुलेट प्रॉफिट दूसरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट प्रॉफिट If सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय टेन परसेंट तीसरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट सेल्स इफ प्रॉफिट शुड बी अब आप बोलोगे सर आपने अभी डिजायर्ड प्रॉफिट का तो फॉर्मूला बताया नहीं आप ये कैसे अभी से करा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है करा दूंगा चिंता क्यों कर रहे हो Calculate selling price per unit if profit should be is the luck. Calculate sales volume. if selling price increases by 20% and same level of profit is required i'm sorry and profit increases by 20% over current level and the last point छह रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की छह रिक्वायरमेंट आपको डिजायर प्रॉफिट का जितना भी कंसेप्ट है निकालने निकालने वाला भी concept है, sales volume निकालने वाला जितना जितना भी भी है है सब एक ही बार में close करा देगा लास्ट पॉइंट है इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय ट्वेंटी परसेंट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय टेन परसेंट आई एम सॉरी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस बाय टेन परसेंट कैलकुलेट सेल्स वॉल्यूम टू हैव थ्री लैक प्रॉफिट एक क्वेश्चन करेंगे छह पॉइंट सॉल्व करेंगे एंड बिलीव मे दिस थिंग आफ्टर दिस क्वेश्चन आपका कंट्रीब्यूशन टू सेल्स वाले सारे फॉर्मले क्लोज हो जाएंगे आपका डिजायर्ड प्रॉफिट वाले सारे फॉर्मुले क्लोज हो जाएंगे आपका सेल्स वॉल्यूम निकालने वाले सेल्स प्रॉफिट सॉरी सेलिंग प्राइस निकालने वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे फॉर्मले वाइज सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचेगा तो फॉर्मुले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये क्वेश्चन बना डाला तो आपकी लाइफ झींगा डाला ठीक है अब सब लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो प्लीज मेरे साथ देखते चले अपनी तरफ से ना करें कुछ अगर किसी बच्चे को आता है कंसेप्ट तो कर लेना नहीं तो मेरे साथ देखते चलना ठीक है मैं एक काम करूं मैं जरा इस क्वेश्चन को एक जगह लिख के रख लूँ आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को लिख लेंगे एक बार सो डेट मैं स्क्रीन आगे ले जाऊंगा ना तो चैलेंज नहीं होगा एक बार इस क्वेश्चन को लिख लो सब लोग प्लीज चलो अब सब लोग यहां देखो मैंने क्वेश्चन हटा दिया है क्वेश्चन नहीं लगा रहा मैं मैंने हम लोगों ने आई बिलीव क्वेश्चन लिख लिया होगा अब हम सॉल्यूशन बनाते हैं सब लोग यहां देखिएगा प्लीज सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन ने दिया था मैंने कहा वर्किंग नोट नंबर वन पहले मैं बेस डेटा देता हूं कि क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया क्वेश्चन ने बोला है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ज इक्वल टू प्रॉफिट ठीक है मैंने कहा ठीक है ये मेरे पे डेटा है पहले मैं करंट का डेटा सॉल्व करता हूं तो मैंने लिखा था आपके लिए कि जी पीवी रेशियो चालीस परसेंट है ये चालीस है तो अगर ये सौ होगा तो ये साठ होगा ये चालीस होगा मैंने कहा ठीक है क्वेश्चन ने बोला फिक्स कॉस्ट ये टोटल है दिस इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है छह लाख रुपया ये है जी दो लाख रुपया ये है जी सौ रुपया ये क्वेश्चन ने दिया है मुझे ठीक है तो आप में से कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट सौ रुपये है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चालीस रुपये होगा वेरिएबल कॉस्ट साठ रुपया होगा कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं मुझे जल्दी से बताओ यस और नो लिख के अगर ये सौ रुपए है तो ये चालीस रुपए होगा ये साठ रुपए होगा सब लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं मैंने कहा ठीक है सर कैसे आया वो भी बताओ मैंने कहा लो बच्चे मैंने कहा पीवी रेशो क्या होता है मैंने बोला कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अपऑन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू में सौ रुपया होता है ये चालीस परसेंट है ये मुझे पता नहीं है ये सौ रुपया है तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा चालीस रुपया आ जाएगा सौ से सौ कट जाएगा चालीस बच जाएगा ठीक है अब यूनिट्स की बात करो कितनी यूनिट्स होंगी अब ध्यान से देखना अब क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन ने दिया है साठ रुपए पर यूनिट है और टोटल खर्चा छह लाख है तो कितनी यूनिट्स हो जाएंगी दोस्त छह लाख डिवाइडेड बाय साठ इज टू दस हजार कह सकता हूं क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो मैंने यूनिट्स कैसे निकाला मैंने यूनिट्स ऐसे निकाल दिया ठीक है अब अगर मुझे सेल्स निकालनी है तो क्या करूंगा सर मैं बोलूंगा दस हजार यूनिट मैंने बेची है मैं बोलूंगा दस हजार यूनिट मैंने बेची है एक यूनिट मेरे कितने रुपए की है सौ रुपए की है तो ये आ जाएगा जी दस लाख रुपया ये आएगा दस हजार यूनिट है एक यूनिट साठ रुपए की है तो यहां पे कितना आएगा दस हजार इंटू चालीस चार लाख रुपया ये बचेगा जी दो लाख रुपया क्योंकि माइनस होगा माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो कितना आ गया जी दस हजार यूनिट पे आपने बीस रुपए के हिसाब से दो लाख रुपए कमा लिया क्या पहला क्वेश्चन पहला पार्ट समझ आ गया सब लोगों को क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी प्रॉफिट निकालो हो गया सब लोगों का क्लियर दिस इज पार्ट नंबर वन सबको क्लियर है किसी को कोई डाउट नहीं है अगले पे बढ़ू मैंने कहा चलो ठीक है अच्छी बात अब अगली चीज ध्यान से देखना पॉइंट नंबर टू सेमी डेटा सेट यूज कर लेते आ, मैंने कहा सेल्स पर यूनिट लिखो यहां पर चलो नीचे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको इसको कॉपी कर लेता हूं बस पॉइंट नंबर टू आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं नीचे देखिए सब लोग अब ध्यान से देखना प्लीज मैंने कहा सर क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा दस परसेंट से अभी सेलिंग प्राइस कितना है सर अभी बेटा सेलिंग प्राइस है सौ रुपए तो जैसे ही टेन परसेंट से बढ़ाऊंगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एक सौ दस रुपया ठीक है मैंने कहा ठीक है सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी साठ क्या वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी मैं बोलूंगा नो चेंज क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला अगर क्वेश्चन बोलता तो मैं चेंज करता क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो मैं चेंज नहीं करूंगा मैंने कहा ठीक है सर 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 आउटपुट आउटपुट का बताओ कितना था था बेटा अभी हमने निकाला था, दस यूनिट क्या इसमें कोई चेंज चेंज होगा आप बोलोगे सर, नो चेंज, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो मतलब वही आउटपुट है सर फिक्स कॉस्ट कितनी थी दो लाख रुपए क्या अभी भी वही रहेगी हाँ बच्चे अभी भी वही रहेगी हर पार्ट इंडिपेंडेंट होता है आपको हर पार्ट को इंडिपेंडेंट तरह डील करना पड़ता है मैंने कहा ठीक है तो देखो एक सौ दस रुपए का सेल्स प्राइस है साठ रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है पचास रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा जी दस हजार यूनिट पे एक सौ दस रुपये के हिसाब से ग्यारह लाख रुपए, दस हजार यूनिट पे साठ रुपये के हिसाब से छह लाख रुपया ये आ जाएगा पांच लाख रुपया फिक्स कॉस्ट में हमने कहा कोई चेंज नहीं है तो सेम रहेगा यह आ जाएगा तीन लाख रुपया अगर आप यहां से पीवी रेशो निकालना चाहो वैसे तो क्वेश्चन ने बोली नहीं है फिर भी मैं आपके लिए निकाल रहा हूं पांच लाख अपॉन ग्यारह लाख इंटू में सौ कितना आएगा जी पांच लाख डिवाइडेड बाय ग्यारह लाख इंटू में सौ पैंतालीस परसेंट तो अगर आप ध्यान दो तो मेरी पीवी रेशो चेंज हो गई क्यों चेंज हो गई क्योंकि मेरे सेलिंग प्राइस में चेंज हो गया तो कभी भी आपके सेलिंग प्राइस में चेंज होता है कभी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज होता है तो आपकी पीवी रेशो चेंज हो जाती है दिस इज वन पॉइंट जो आपको लिखना होगा क्या कभी भी यहां पे आप नोट करोगे वेन एवर देअर इज चेंज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट And variable cost per unit, then PV ratio changes. Output will not affect PV ratio. आप 10,000 unit बेचो, 20,000 unit बेचो, 30,000 unit बेचो, 50,000 unit बेचो, 1 लाख unit बेचो, 5 लाख unit बेचो. PV रेशो में चेंज नहीं होगा बट अगर आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे चेंज कर दिया तो आपकी पीवी रेशो में चेंज हो जाएगा क्या आपको दो पार्ट समझ आ गए कोई ऐसा है जिसको इन दो पार्ट में डाउट है हमने बोला सेल्स बताओ सेल्स बताओ अगर प्रॉफिट कितना है तीन लाख रुपया मैंने कहा ठीक है चलो अब यहां से मैं आपको दो चीजें कराऊंगा एक तो टेबल से कराऊंगा फिर आपको फॉर्मूला याद कराऊंगा चलिए अब एक चीज बताइए मुझे क्वेश्चन ने बोला सेल्स बताओ मतलब वो सेल्स वॉल्यूम पूछ रहा है या सेल्स वैल्यू पूछ रहा है कुछ भी पूछ सकता है आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता तो मैं दोनों ही निकाल दूंगा मुझे नहीं पता उसने सेल्स का वॉल्यूम पूछा है या सेल्स का वैल्यू पूछी है तो जो भी होगा मैं दोनों निकाल के दे देता हूं आपको एग्जाम में भी कभी आ जाए कि सेल्स पूछा है नहीं बता रहा कि भैया रुपीज में बताओ क्वांटिटी में बताओ तो आप दोनों निकालना मैंने कहा ठीक है एक चीज बताओ क्या मेरा सेलिंग प्राइस सेम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ चेंज करने के लिए नहीं बोला है तो सेलिंग प्राइस सौ रुपये रहेगा वेरिएबल कॉस्ट साठ रुपए रहेगा ये चालीस रुपया आएगा इतनी बात समझ आती है सब लोगों को मैंने कहा ठीक है यह छे लाख छह लाख को अभी छोड़ो क्योंकि क्वांटिटी मुझे नहीं पता आई डोंट नो द आउटपुट सेल्स पूछी है ना या तो वैल्यू पूछेगा या क्वांटिटी पूछेगा मेरे पे तो दोनों ही नहीं है तो मैं टोटल निकाल नहीं सकता मैंने कहा अच्छी बात है मरने दो फिक्स कॉस्ट कितनी दी है दो लाख अच्छी बात है प्रॉफिट कितना दिया है जी तीन लाख बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन खत्म हो गया बोलो कैसे अब बताओ अगर फिक्स कॉस्ट दो लाख रुपया है प्रॉफिट तीन लाख रुपया है कंट्रीब्यूशन कितना होगा दोस्त कहना से पांच लाख रुपया होगा पांच लाख रुपए में से दो लाख घटाओगे तभी तीन लाख आएगा क्या मेरी बात से एग्री करते हैं सब लोग कैन से आउटपुट कितना होगा एक यूनिट पे चालीस रुपए कमाते हो टोटल पांच लाख रुपए कमाया है एक यूनिट पे चालीस रुपए कमाते हो आप तो ये आ जाएगा एक लाख बारह हजार पांच सौ आना चाहिए आई ये आ गया बारह हजार पाँच आउटपुट यहां पे भी बारह सौ रहेगा यहां पे भी बारह पाँच रहेगा सेल्स कितनी हो जाएगी बारह पांच सो इंटू में सौ रुपया बारह पांच सो इंटू मै साठ रुपया ठीक है भाई एग्री करते हो बात को क्वेश्चन खत्म हो गया दिस इज कॉल्ड डिजायर्ड प्रॉफिट तो आपका एक फार्मूला यहां से आता है जिसका नाम है डिजायर्ड प्रॉफिट फार्मूला कि कभी आपको क्वेश्चन बोले कि डिजायर्ड प्रॉफिट पे सेल्स बताओ डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब आपको ये बता रखा है कि कितना प्रॉफिट चाहिए आपसे पूछा गया है सेल्स बताओ तो आप क्या करोगे सर हम करेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इससे मेरी सेल्स यूनिट आ जाती है और यहीं पे साथ साथ लगे हाथ में आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूं अगर सेल्स की वैल्यू निकालनी हो तो इट इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको फॉर्मूला समझा भी देता हूं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपने पांच लाख कैसे निकाला दो लाख और तीन लाख को जोड़ा तो दो लाख प्लस तीन लाख आपने यूनिट कैसे निकाली बारह हजार पांच लाख को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया यही तो लिखा है मैंने और थोड़ी ना कुछ लिखा है दिस इज माई फोर्थ फॉर्मूला कभी भी सेल्स यूनिट निकालनी है तो ऐसे निकाल लेना वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकाल लेना सेल्स वैल्यू निकालने का एक तरीका और है वो भी बता देता हूं सर एक छोटी सी चीज है ना क्या सर आउटपुट मेरे पास है सेलिंग प्राइस मेरे पास है वैल्यू कैसे निकलेगी बहुत क्लियर कट बहुत क्लियर कट सर सेल्स वैल्यू निकालना चाहते हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू में सेल्स क्वांटिटी काम खत्म बताओ जी बराबर हो गई चीज पॉइंट नंबर थर्ड समझ आता है सब लोगों को कोई ऐसा है जिसको पॉइंट नंबर थर्ड में डाउट हो इज एवरी वन क्लियर विद पॉइंट नंबर थर्ड करेक्ट चलो अगले पॉइंट पे चलता हूं लेके पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट नंबर फोर्थ था अगर प्रॉफिट तीन लाख रुपए है क्वेश्चन ने पूछा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ना एक छुपा हुआ राज है आपको वो बस वो छुपी हुई कहानी ढूंढनी है आपका काम खत्म हो गया क्वेश्चन ने बोला ध्यान से सुनना चलो मैं आपके लिए पहले टेबल बना देता हूं फिर लिखते हैं देखो जरा मैंने कहा फिक्स कॉस्ट सेम है कोई चेंज नहीं है बहुत बढ़िया प्रॉफिट तीन लाख है मैंने कहा बहुत बढ़िया ये आ गया जी पांच लाख मैंने कहा बहुत बढ़िया अब मुझे एक चीज बताओ क्वेश्चन ने भाई मांगा है सेलिंग प्राइस अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालू अब क्या मैं सेम कंट्रीब्यूशन ले लू अब बात सुनना मेरी ध्यान से क्या मैं सेम कॉन्ट्रीब्यूशन ले लू अगर मैं सेम कॉन्ट्रीब्यूशन ले लू सेम फिक्स कॉस्ट ले लू तो सेलिंग प्राइस भी सेम आ जाएगा। फिर क्वेश्चन क्यों सेलिंग प्राइस आपसे मांग रहा है? क्वेश्चन चाहता क्या है पहले वो समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर क्वेश्चन चाहता है कि आप मुझे सेलिंग प्राइस बताओ अगर मुझे तीन लाख रुपया कमाना है क्या मैं ये कहना चाहता हूं क्वेश्चन कहता है कि आप दस हजार यूनिट बेचते हो आप सेलिंग प्राइस में क्या चेंज करोगे ताकि आप पांच लाख रुपए कमा लो सुनिए ध्यान से जरा देखो क्वेश्चन ने बोला सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा डेट मींस आउटपुट सेम रहेगा क्वेश्चन ने बोला नहीं आउटपुट में कोई चेंज है मैंने कहा अच्छी बात है क्वेश्चन ने वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंज बोला नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहेगी तो अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी छह लाख रुपया कंट्रीब्यूशन पांच लाख है वेरिएबल कॉस्ट छह लाख है तो सेल्स कितनी आ जाएगी ग्यारह लाख रुपया दस हजार यूनिट ग्यारह लाख रुपये पे बेचोगे तो सेल्स आ जाएगी एक सौ दस सेलिंग प्राइस आ जाएगा एक सौ दस रुपया और ये आ जाएगा पचास रुपया दोबारा से ध्यान से देखना ऊपर से निकल जाएगा नहीं तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला यहाँ पे बहुत बार गलती हो जाती है है बहुत सिंपल सी बात अगर समझ आ जाए क्या पूछ रहा है वो कह रहा है मुझे तीन लाख रुपया कमाना है मैंने कहा कमा ले दोस्त मैंने थोड़ी ना रोका बट उसने बोला आप मुझे सेलिंग प्राइस बताओ मतलब मैं दस हजार यूनिट बेचना चाहता हूं कितने रुपए पे बेचूंगा कि मैं तीन लाख रुपए कमा लूंगा क्वेश्चन बोल रहा है मैं दस हजार यूनिट बेचना चाहता हूं और दस हजार ही बेचूंगा आप मुझे बताओ कितने रुपए पे बेचूं कि तीन लाख रुपए कमा लो तो मैंने कहा ठीक है भाई तीन लाख कमाना चाहता है दो लाख की फिक्स कॉस्ट है तो ये आ जाएगा मेरा पांच लाख अब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट थी साठ रुपया अगर वेरिएबल कॉस्ट साठ रुपए है दस हजार यूनिट पे तो ये छह लाख आ जाएगा सेल्स कितनी हो जाएगी ग्यारह लाख ग्यारह लाख में से छह लाख घटाओगे तो ही तो पांच लाख आएगा दस यूनिट ग्यारह लाख में बेचते हो एक यूनिट कितने में बेचोगे एक सौ दस रुपए पर आ गया पचास इतना समझ आता है पांचवा पार्ट पांचवा पार्ट यह है कि जी सेलिंग प्राइस बढ़ गया है बीस परसेंट से मैंने कहा ठीक है प्रॉफिट बढ़ गया है बीस परसेंट से मैंने कहा बहुत अच्छी बात है वेरिएबल कॉस्ट अभी भी साठ रुपए पर यूनिट है फिक्स कॉस्ट अभी भी दो लाख रुपया है मैंने कहा ठीक है सेलिंग प्राइस पहले सौ रुपए था अब कितना हो जाएगा सौ प्लस बीस परसेंट एक सौ बीस प्रॉफिट करंट लेवल से बीस परसेंट बढ़ गया करंट में मैं दो लाख ,00 रुपया कमाता था अब मैं बीस परसेंट ज्यादा कमा रहा हूं मतलब मैं दो लाख चालीस हजार रुपया कमा रहा हूं क्या इतनी बात समझ आ गई सब लोगों को अगर इतना समझ आ गया है तो काम खत्म सेल्स वॉल्यूम निकालना है मैं टेबल नहीं बना रहा सीधे फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा इस बार आपको सेल्स वॉल्यूम क्या होता है डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी फॉर्मला लिखवाया था मैंने आपको डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है दोस्त मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए दो लाख चालीस हजार चालीस हजार डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो फिक्स कॉस्ट कितनी है दोस्त दो लाख रुपया डिवाइडेड बाय दिवा� कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक सौ बीस रुपए माइनस साठ रुपये ये कितना आ जाएगा चार लाख चालीस हजार डिवाइडेड बाय साठ सेवन थ्री 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 और अगर मुझे सेल्स वैल्यू निकालनी है मैं सेवन थ्री 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 यूनिट बेच रहा हूं एक यूनिट एक सौ बीस रुपए की है तो कितने रुपए की बिकेगी आठ लाख अस्सी हजार रुपए आप चाहो तो आ, टेबल बना के कर लो टेबल बना के भी मैं आपको दिखा देता हूं आपकी श्रद्धा के लिए नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मुला लगा के कर लो एग्जाम में देखो टाइम बहुत कम होता है इसलिए मैं टेबल प्रेफर नहीं करता बोलता नहीं कभी एग्जाम में लगा लो टेबल में बोलता हूं सिर्फ रफ में लगा लो टेबल ऑफ रफ में लगा लोगे तो भी काम चल जाएगा मैं यहां पे फटाफट आपके लिए सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को आंसर सेम ही आने वाला है देखो ये दो लाख चालीस हजार रुपया है ये दो लाख रुपए है ये चार लाख चालीस हजार रुपया हो गया मैंने कहा ठीक है ये साठ रुपये है ये एक सौ बीस रुपये है तो ये साठ रुपया हो गया तो यहां से आ गया सेवन थ्री 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 यूनिट तो यहां पे आ जाएगा सेवन थ्री 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 यूनिट इंटू सिक्स ये भी आ जाएगा चार लाख चालीस हजार रुपया तो ये आ जाएगा आठ लाख अस्सी हजार रुपया कैसे सेवन थ्री 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 यूनिट इंटू में एक सौ बीस जल्दी बताओ इतना क्लियर है लास्ट क्वेश्चन और कराना है मुझे बस ऐसे क्वेश्चन पांच नंबर में आपसे बहुत पूछ लेता है तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए हमेशा रेडी रहना है याद रखिएगा। इतना क्लियर है सब लोगों को ठीक है एक लास्ट पार्ट और देख ले इज एवरी वन क्लियर ना? लास्ट पार्ट और करा रहा हूं मैं आपको ठीक है लास्ट पार्ट हमने बोला सेलिंग प्राइस बढ़ गया है बीस परसेंट से वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई है दस परसेंट से आपको वॉल्यूम निकालना है जब प्रॉफिट कितना है जी प्रॉफिट है तीन लाख रुपया मैंने कहा ठीक है फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन ने कितना दिया है जी दो लाख रुपया अब अब ध्यान से देखो एक छोटी सी चीज सब लोग ध्यान से देखना मैंने आपको बोला था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर बात करना टोटल पे नहीं बोला था ना तो इसीलिए जैसे यहां पे था आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी साठ पर यूनिट दस परसेंट कम हो गई है तो हो गया फिफ्टी फोर रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस सेलिंग सौ रुपए पर यूनिट था बढ़ गया बीस परसेंट तो एक सौ बीस रुपया हो गया सेल्स वॉल्यूम निकालनी है कैसे निकलेगा सीधा साधा फॉर्मूला सर डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो मैंने कहा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे तीन लाख रुपया मुझे प्रॉफिट चाहिए फिक्स कॉस्ट मेरे पास दो लाख रुपया है डिवाइडेड बाय 120 बीस माइनस में फिफ्टी फोर ये आ गया मेरे पास सेवन फाइव सेवन फाइव यूनिट्स ठीक है इतनी बात समझ आती है सब लोगों को कोई ऐसा है जिसको इसमें डाउट हो एक लास्ट पॉइंट इसमें और ऐड कर रहा हूं आप लोगों के कंफर्ट के लिए पॉइंट नंबर सेवन वैसे तो मैंने दिया नहीं था बट बता रहा हूं मान लो सेलिंग प्राइस बढ़ जाए 20 परसेंट से मान लो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाए 10 परसेंट से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए 30 परसेंट से प्रॉफिट चाहिए तीन लाख ,00 रुपया तो क्या करूंगा ध्यान से सुनो ऑल दो मैंने पॉइंट लिखा नहीं था एक पॉइंट एडिशनल ऐड कर रहा हूं आपके कंफर्ट के लिए देखो सेलिंग सेल्स आपकी बीस परसेंट से बढ़ गया मतलब सेलिंग प्राइस जो था सौ रुपये था बीस परसेंट से बढ़ गया एक सौ बीस रुपया हो गया वेरिएबल कॉस्ट दस रुपये से कम हो गया तो याद रखना किसमें लेनी है याद रखना किसमें लिखता हूं दोबारा से पर यूनिट की बात करना तो साठ रुपया थी दस परसेंट कम हो गई आ गया चौवन रुपया फिक्स कॉस्ट याद करो मैंने किस पे बोली थी टोटल पे पर यूनिट नहीं बोली थी कभी भी टोटल पे तो जब ये बोल रहा है तीस परसेंट बढ़ी है तो आप करोगे दो लाख प्लस तीस परसेंट दो लाख साठ हजार रुपया अब आप सेल्स का वॉल्यूम निकाल लो डिजायर्ड प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट अपॉन डिजायर प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट अप 120 सौ बीस माइनस फिफ्टी फोर एक बीस माइनस फिफ्टी फोर एट फोर एट फोर यूनिट ये पार्ट मैंने सिर्फ आपको एक ही रीजन से कराया ये रीजन था उसका नहीं तो मैं नहीं कराता अब ये लाइन अब आप लिंक कर पाओगे जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि हमेशा याद रखना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे बताता है चेंज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे चेंज बताता है फिक्स कॉस्ट टोटल पे चेंज बताएगा तो कभी भी वो बोल रहा है दस परसेंट बढ़ रहा है बीस परसेंट बढ़ रहा है पच्चीस परसेंट कम हो रहा है जो भी हो रहा है होने दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज करना फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज करना यही मैंने उस समय आपको पॉइंट लिखवाया था क्योंकि अगर यहां पे आप गलती कर जाते और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे चेंज कर देते तो इंस्टीट्यूट उठा के आपके नंबर को टक टक काट देता ठीक है आपके आंसर्स दो डेसिमल में आएंगे हमेशा दो डेसिमल में आएंगे बट यूनिट्स राउंड ऑफ करनी पड़ेगी आपके सारे आंसर्स दो डेसिमल में होंगे पर यूनिट वगैरह सब दो डेसिमल में आएंगे यूनिट्स को राउंड ऑफ कर देना यूनिट्स डेसिमल में नहीं होती क्यों अगर मुझे कैलकुलेटर बेचना है तो मैं इसको आधा करके नहीं बेच सकता ऐसा नहीं कह सकता कि जी ये ऑन का बटन आप रख लो ये एमआरसी आर मैं रख लेता हूं ये चार का बटन आप रख लो वो नहीं कर पाएंगे ठीक है इतना समझ आ गया भाई सब लोगों को चार फॉर्मुले क्लियर हो गए अब पांचवा फॉर्मुला बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद मेरे फॉर्मुले वाला पार्ट खत्म हो जाएगा अब हम फिर उसके बाद से प्रैक्टिस वाले पार्ट पे आएंगे पॉइंट नंबर टू पे आ जाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मैं अभी पहले करा रहा हूं आपको पार्ट नंबर वन इसके बाद हर एक में एनालिसिस है एनालिटिकल है जो हम एक एक करके करेंगे पॉइंट नंबर पांच इसीलिए मैंने इस पर इतना समय भी लगाया ब्रेक इवन पॉइंट अब आप लोगों से मेरी ये एक्सपेक्टेशन है आप लोग मुझे ये बताओ ब्रेक इवन पॉइंट का भैया मतलब क्या होता है जब सलमान खान को कैटरीना छोड़ के गई ऐश्वर्या छोड़ के गई वो होता है या कोई बिजनेस जब कुछ भी नहीं कमाता उसे ब्रेक इवन कहा जाता है सर जब सलमान खान को छोड़ गई चीरो हो गया ब्रेक इवन हो गया उस बेचारे का ब्रेक ही वन ब्रेक हो गया वो ब्रेक हो गया बिल्कुल क्या वो ब्रेक ही वन हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन बिल्कुल सही नो प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब दूसरे शब्दों में होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस इक्वल टू जीरो क्या सब लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं फॉर्मुला लिखवाने से पहले एक एग्जाम्पल कराता हूं उसके बाद फॉर्मुला लिखवाता हूं एग्जाम्पल मैंने कहा सेलिंग प्राइस है जी सौ रुपया वेरिएबल कॉस्ट है जी साठ रुपया फिक्स कॉस्ट है जी दो लाख रुपया ब्रेक इवन पॉइंट को अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो मैं यह भी नहीं बोलूंगा मैं आपको इसके लिए थोड़ी डेफिनेशन चेंज करता हूं मैं बोलता हूं लेवल ऑफ सेल्स एट विच पी इज इक्वल टू एल इज टू जीरो लेवल ऑफ सेल्स जहां पे ना तो मैंने कुछ कमाया ना कुछ कमाया खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल गुनगुनाएंगे आएंगे बस वही चीज है और कुछ नहीं है लेवल ऑफ सेल्स जहां पर ना तो कुछ कमा रहे हो ना गवा रहे हो सेल्स कैन बी इन यूनिट्स कैन बी इन वैल्यू वो सेल्स की यूनिट जहां पे कुछ नहीं कमा रहे बस खाली हाथ आते हो खाली हाथ जाते हो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है मैंने कहा ठीक है सर बहुत बढ़िया मुझे समझ आती है बात अब टेबल बनाऊ जरा सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट ठीक है अभी मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं समझाया, करेक्ट चलो मैंने कहा प्रॉफिट कितना चाहिए भाई चीरो चाहिए आप मुझे ब्रेक इवन सेल्स की यूनिट बताना चाहते हो तो मैंने कहा प्रॉफिट कितना चाहिए चीरो चाहिए अच्छी बात है फिक्स कॉस्ट कितनी है दो लाख तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा दो लाख बहुत अच्छी बात है सौ रुपया ये है साठ रुपया ये है चालीस रुपया ये होगा यूनिट कितनी आएगी दो लाख बटे चालीस आई से पांच हजार यूनिट पांच हजार यूनिट पे से वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी सर तीन लाख और सेल्स कितनी होगी सर पांच लाख कैसे निकली सर पांच हजार इंटू सौ काम खत्म तो फाइव थाउजेंड यूनिट के लेवल पर और पांच लाख की सेल्स पे ब्रेक इवन पॉइंट है नो प्रॉफिट नो लॉस करेक्ट एग्री करते हो मेरी बात को मैंने कोई मैथमेटिक्स नहीं कराई आपको मैंने सिंपल एक टेबल बना दी मेरा काम खत्म हो गया एक तरीका यह है करने का दूसरा तरीका और बता देता हूं अभी हमने एक फॉर्मुला पढ़ा था थोड़ी देर पहले एक डिजायर प्रॉफिट का फॉर्मुला पढ़ा था क्या पढ़ा था हमने हमने पढ़ा था कभी भी मुझे सेल्स निकालनी है तो मैंने बोला था डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहा था मैंने आप लोगों को और दूसरा बोला था वैल्यू निकालनी है तो डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी वी रेशो कहा था मैंने आप लोगों को मैंने कहा अच्छी बात है यहां पर डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होगा ब्रेक इवन पे प्रॉफिट होता है भैया जीरो माशा अल्लाह जीरो तो जीरो तो ये जीरो हो गया क्या बच गया फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स अपॉन पीवी रेशियो ये होता है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आप ऐसे निकाल लो ऐसे निकाल लो जैसे आपकी इच्छा करे वैसे निकाल लो चीज घूम फिर के ही आनी होती है कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आपको ब्रेक इवन पॉइंट समझ आता है सब लोगों को कोई ऐसा है जिसको ब्रेक इवन पॉइंट समझने में तकलीफ हो करेक्ट है जी एक एग्जाम्पल देता हूं और आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओगे प्लीज यस और नो जल्दी बताओ बताओगे तो मैं एग्जाम्पल दू नहीं तो ना दू क्या आप लोग मुझे कैलकुलेट करके दोगे ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये क्या होता है वो सुनो ध्यान से सौ रुपए का सेलिंग प्राइस है साठ रुपए की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है चालीस रुपये मैं कमाता हूं दो लाख रुपए का मेरा दो लाख ,00 नहीं लेते हैं थोड़ा चेंज कर लेते हैं डेटा को तीन लाख रुपए का मेरा फिक्स कॉस्ट है एक लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट है चार लाख ,00 का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है दस लाख ,00 की मेरी सेलिंग प्राइस है छह लाख ,00 का मेरा वेरिएबल कॉस्ट है कैसे आ रहा है डेटा मेरे को सब क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीजें दस हजार यूनिट है सौ यूनिट है इंटू दस हजार चालीस यूनिट है इंटू में दस हजार मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मुझे आ, मेरे को चाहिए आप लोगों से ब्रेक इवन सेल्स ब्रेक इवन सेल्स अगर कभी भी बोलेगा कभी भी क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स बोल रहा है डेट मीन्स वो आपसे रुपीज में निकलवाना चाहता है अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट बोलेगा तो आपको यूनिट और रुपीज दोनों में करना पड़ेगा बट अगर ब्रेक इवन सेल्स बोलेगा तो आपको रुपीज में तो करना ही करना है ये तो 120 परसेंट है मैंने कहा ठीक है ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलती है? मैंने बोला था फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो यहां पर मेरी पीवी रेशो कितनी आ रही है पीवी रेशो हो जाएगी चालीस बटे सौ में सो चालीस ठीक है मानते हो बात ये आ जाएगा तीन लाख अपॉन चालीस परसेंट इंटू में सौ चालीस परसेंट है ना तो ये हो गया आपका सात लाख पचास हजार रुपया ठीक है इतना क्लियर है सब लोगों को इसमें किसी को कोई समस्या अभी तक इज एवरी वन ओके विद दिस पार्ट चलो मैंने कहा अच्छी बात है अगर अब आप ध्यान से देखो तो मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी चीज दिखाता हूं मैंने कहा मैं दस लाख रुपए बेचता हूं दस लाख रुपए का सामान बेचता हूं दस लाख की सेल के दो हिस्से हो जाते हैं एक उतनी सेल जिसमें मैंने कुछ नहीं कमाया एक कि भैया एक तो है सेल्स साढ़े सात लाख रुपए और बाकी मोर देन ब्रेक इवन सेल्स है।, है मेरे पास ढाई लाख रुपया ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं एक बार में समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो हो सकता है दोबारा भी बतानी पड़े मैंने कहा दस लाख रुपए सामान बेचा है साढ़े सात लाख रुपए की जिसमें से ब्रेक इवन सेल है मतलब साढ़े सात लाख रुपए तक तो भाई मैं कुछ नहीं कमाता उसके जैसे ही सेल ऊपर जाती है मेरी कमाई शुरू होती है फिर सुनना दस लाख में से साढ़े सात लाख रुपए तक मैं कुछ नहीं कमाता साढ़े सात लाख रुपए से जैसे ही ऊपर जाऊंगा तब मेरा प्रॉफिट शुरू होता है साढ़े सात लाख रुपए तक मैं कुछ भी नहीं कमाता करेक्ट तो जितनी आपने ज्यादा सेल्स करी है इसे कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी This is MOS, और दूसरे शब्दों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब वो सेल्स सेल्स जिसके ऊपर आप एक्चुअल में प्रॉफिट कमाते हो देखो ब्रेक इवन कोई भी इंसान काम धंधा शुरू करता है पहले वो थोड़ा सामान बेचेगा, बेचेगा फिर बेचेगा फिर बेचेगा फिर वो एक ऐसे लेवल पे आता है जहां पर उसका प्रॉफिट जीरो हो जाता है मतलब उसको अब कोई नुकसान नहीं है उसे अपने सारे खर्चे रिकवर कर लिए उसके बाद वो प्रॉफिट कमाना शुरू करता है मानते हो बात तो वो यूनिट का लेवल जहां तक उसने अपने सारे खर्चे रिकवर किए हैं उसे कहा जाता है जी मार्जिन ब्रेकिवन सेल और बाकी जो उसने बेचा है उसे कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या मेरा यह कहना ठीक होगा अभी मैंने कोई फॉर्मुला नहीं लिखा कोई मैथमेटिक्स पे नहीं गया मैं सिंपल एक चीज पूछ रहा हूं एक चीज बताओ साढ़े सात लाख रुपए तक तो मैंने कुछ नहीं कहा मैंने सिर्फ अपने खर्चे को रिकवर किया तो क्या मैं ये कहूं इस लेवल पे भैया मैं जो भी कमाऊंगा वो सारा मेरा प्रॉफिट होगा यस और नो साढ़े सात लाख रुपए तक तो जो मैं कमाता हूं जितना भी मैं कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा वो मेरी फिक्स कॉस्ट के लायक ही होगा मैं सिर्फ अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर सकता हूं बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करूं तो इस पर मैं जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन कमाऊंगा वो सारा मेरा प्रॉफिट होगा कैसे निकाल के दिखा देता हूं देखो एक छोटी सी बात देखो अगर मान लो आपकी सेल्स दस लाख रुपया है आपकी पीवी रेशो चालीस परसेंट है तो क्या मेरा यह कहना ठीक होगा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो दस लाख इंटू चालीस परसेंट चार लाख रुपया होगा ठीक है यहां पे भी तो यही आया यही आया था चार लाख ठीक है अब ब्रेक इवन सेल्स पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉन्ट्रीब्यूशन में मेरी देखो अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूं चालीस परसेंट कितना है तीन लाख रुपया आता है ये किसके इक्वल होगा ये मेरी फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा यहां पर जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है ये फॉर्मुला थोड़ा सा बहुत बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है बट फिर भी हम इजी करने की कोशिश करेंगे नहीं तो फॉर्मुला लास्ट में याद करा दूंगा मैं आपको ये मेरा किसके इक्वल होगा प्रॉफिट के इक्वल होगा देख लो मेरी जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो तीन लाख रुपए आ रहा है फिक्स कॉस्ट तीन लाख रुपया आ रहा है और प्रॉफिट एक लाख रुपया आ रहा है क्या कहना चाहता हूं मैं मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सुनना मेरी बात ध्यान से हिंदी में लिखता हूं ब्रेक इवन सेल्स पे जो कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है जाता है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है तभी तो ब्रेक इवन आएगा ना भाई ब्रेक इवन कब आएगा जब जितना कंट्रीब्यूशन कमाया फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा माइनस करोगे जीरो हो जाएगा यहां पे लिख रहा हूं एमओएस पे जो कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है चाहता है वो प्रॉफिट के इक्वल होता है क्या आपको ये बात समझ आती है सब लोगों को देखो जिसको समझ आ जाए नहीं आया नहीं तो याद करनी है तो याद कर लो तो है तो भाई यही यही रहेगा और कुछ कर नहीं सकते ठीक है पहले समझने पे ध्यान लगाना लिखने पे थोड़ी देर में ध्यान लगाना पहले समझ लो चीजों को समझ आ जाएगी ना हो जाएगा काम मैं कह रहा हूं जो भी इसके दो हिस्से कर लो टोटल सेल के ब्रेक इवन सेल्स और एमओएस अगर मैं ये बोलूं कि ब्रेक इवन सेल्स 75% परसेंट है दस लाख में से साढ़े सात लाख मतलब 75% परसेंट तो एमओएस कितनी होगी 25% परसेंट दस लाख में से ढाई लाख दस लाख में से साढ़े सात लाख मतलब सेवेंटी अगर ब्रेक इवन सेल्स है तो रिमेनिंग सेल्स क्या होंगी एमओएस विच इज पच्चीस परसेंट ब्रेक इवन सेल्स पे जो आप कॉन्ट्रीब्यूशन कमाते हो वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है एमओएस पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन कमाते हो वो प्रॉफिट के इक्वल होता है ये आपको दो तीन फॉर्मुलेज लिखवा में लिखवाऊंगा उनमें यूजफुल होंगे हमेशा तो यहां से मेरे जो फॉर्मलेज बन के आए हैं मैं आपको फॉर्मलेज लिखवा देता हूं सारे मैंने कहा एमओएस इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस एमओएस सॉरी ब्रेक इवन सेल्स इट कैन बी इन रुपीस इट कैन बी इन यूनिट्स किसी में भी हो सकता है एमओएस दूसरे शब्दों में होता है हंड्रेड माइनस ब्रेक इवन सेल्स परसेंटेज ब्रेक इवन सेल्स परसेंटेज होता है सेल्स अपॉन टोटल इन टू हंड्रेड तो अगर दस लाख में साढ़े सात लाख ये है तो मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट ये है तो एमओ एस पच्चीस परसेंट होगा फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स इन टू पीवी रेशो प्रॉफिट इज इक्वल टू एमओ एस इन टू पीवी रेशो ये चार चीजें मुझे लिखवानी थी आपको दीज आर माई लास्ट फॉर्मलेज इसके अलावा मुझे आपको और कोई फॉर्मुलेस लिखवाने नहीं है दीज आर सफिशियंट लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फॉर यू ये एग्जाम्पल लिखना नहीं है आपके पास सिर्फ तीस सेकेंड होंगे जवाब देने के लिए केबीसी की की हॉटशीट पे आप लोग बैठे हो टकाटक मुझे आंसर देना बस मैंने कहा टोटल सेल्स है तीस लाख रुपया ब्रेक इवन सेल्स है बीस लाख रुपया पीवी रेशो है थर्टी परसेंट आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा आप सब लोग मुझे ये बताइए प्रॉफिट कितना होगा फिर इन ब्लैंक्स जल्दी से लिखना नहीं है कुछ क्या मेरा ये कहना ठीक होगा अगर ये बीस लाख है तो एमओएस कितना होगा जी दस लाख रुपया और अगर एमओएस दस लाख रुपया है तो पीवी रेशियो से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो तीन लाख रुपया मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा क्या सब लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो बहुत सिंपल सी बात है कोई दिक्कत नहीं है चलो एक एग्जाम्पल और लेता हूं आपके लिए मैं एग्जाम्पल नंबर टू मैंने कहा मान लो मैंने आपको प्रॉफिट दिया है छह लाख रुपया और मैंने आपको एमओएस दिया है ठीक है, और मैं आपको फिक्स कॉस्ट देता हूं एक मिनटों को सोचने दो तो थोड़ा सा सोच के दूंगा ना इतनी जल्दी नहीं दूंगा पांच लाख रुपए पांच लाख तो कम हो जाएगा पंद्रह लाख रुपया आप मुझे ब्रेक इवन सेल्स बताओ मैंने आपको प्रॉफिट दिया मैंने आपको एमओएस दिया आप लोगों को मैंने पीवी रेशियो दिया आप मुझे ब्रेक इवन सेल्स बताइए दो मिनट लगा लो सब लोग आराम से कोई दिक्कत नहीं है फिर मुझे बताओ ब्रेक इवन सेल्स साठ लाख आ रही है नहीं आ रही बस जिसकी साठ लाख आ गई वो ठीक है जिसकी नहीं आई है ये वहां गड़बड़ है क्या मैं ये कह सकता हूं? मैंने कहा प्रॉफिट कितना है भाई छह लाख रुपया मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स मुझे नहीं पता ये बीस परसेंट है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया मेरे पास थर्टी लाख रुपीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी वन थर्ड है टोटल सेल का वन थर्ड टू मार्जिन जब टोटल थर्टी लैखल टू सिक्स क्या आपको ये चीज समझ आती है सब लोग को देखो क्वेश्चन है ऐसे ही घूमेगा आपके लिए जब मुझे इतना समय लगा आपको सोच के क्वेश्चन बनाने के लिए तो आई तो कितना सोच के क्वेश्चन बनाता है सोचिए जरा इतना आसान थोड़ी ना देगा जीवन को क्या आप लोग को ये चीज समझ आती है सब लोगों को इसमें किसी को कोई समस्या हो तो पहले पूछो मेरे साथ इज एवरी वन क्लियर विद दिस पार्ट कोई ऐसा है जिसको इसमें कष्ट हो पक्का सब लोग क्लियर है कोई ऐसा है जिसको इसमें कष्ट है बेसिक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर थर्ड एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में इस बार वेरिएशन करूंगा आपके लिए मैंने कहा मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स थी है ब्रेक इवन सेल्स नहीं बोलता मैं आपको मैं बोलता हूं आ, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है मान लो मेरे पे साठ लाख रुपया ठीक है वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो दी है मेरे पास एट्टी परसेंट मैंने कही भी ठीक है और मैंने आपको बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट आप मुझे प्रॉफिट बताइए मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और रखा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मैंने कहा मैंने आपको फिक्स कॉस्ट निकाल के दे दी मैंने कहा अच्छी बात है ले लो मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे दी मैंने आपको एमओएस दे दिया और मैंने आपसे पूछा मुझे प्रॉफिट बता दो बोलो सर क्या मजे ले रहे हो आप हमसे क्यों मजे ले रहे हो आप हमसे एग्जाम्पल नंबर थर्ड इसका इस क्वेश्चन को करते हैं फिर ये कंसेप्ट हमारा क्लोज होता है अब तक मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन में दिया है मैं वहीं से सॉल्व करूंगा मैं कहीं भी कोई भी चीज घर से नहीं लाऊंगा बेटा वैष्णवी जी मैंने क्या किया मैं दिखा बताता हूँ आपको आपको ये समझ नहीं आया ना कि कहाँ से शुरू करें तो बच्चे देख जा एक बार ध्यान से सब लोगों का जिनका बीस लाख आया आंसर इज करेक्ट बीस लाख निकालने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं आप एमओएस से भी निकाल सकते हो ब्रेक इवन सेल से भी निकाल सकते हो टोटल सेल से भी निकाल सकते मैंने तो हो मैंने कहा देखो जब वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो दी है अस्सी परसेंट तो पीवी रेशियो रेशो होगी बीस परसेंट यहाँ से मुझे समझ आ गया एम अगर पच्चीस परसेंट है तो ब्रेक इवन सेल्स पचहत्तर परसेंट होगी ये समझ आ गया फिर मैंने कहा क्वेश्चन ने फिक्स कॉस्ट दे रखी है तो मैं ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेता हूँ अपॉन पी वी रेशो ये मैंने निकाल लिया तो मेरे पे देखो ब्रेक इवन सेल्स आ गई ब्रेक इवन सेल्स टोटल सेल्स का है मैंने यहाँ से टोटल सेल्स निकाल ली प्रॉफिट क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो टोटल सेल चार करोड़ की है उस पर बीस परसेंट का पी वी रेशो है तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया माइनस मैंने फिक्स कॉस्ट कर दी मेरा प्रॉफिट आ गया काम खत्म वैश्वी जी जो क्वेश्चन देगा ना आपको वहीं से शुरू करना है बेटा ये प्रॉब्लम हर बच्चे को आती है कि सर शुरू कहाँ से करें तो उसका तरीका क्या है जो क्वेश्चन डेटा दे रहा है वहां से देखो हम क्या निकाल सकते हैं और वो चीजें निकाल दो फिर आपको अपने आप रस्ते बनने शुरू हो जाएंगे ये बेसिकली क्या होता है जैसे अगर आपने देखा हो जो जैसे घर में मम्मी या जब वो बनती है ना स्वेटर अगर आप एक धागा पकड़ के खींचो दो ढंग से तो पूरी की पूरी स्वेटर खुल जाती है कॉस्टिंग के क्वेश्चन में भी यही है आपको ना बस वो धागे को पकड़ना है और धागा भी क्या पकड़ोगे जो दिख रहा है बस वो पकड़ लो आपको ये दिख रहा था इससे क्या बन सकता है बस वो पकड़ लिया करते हुए चले गए कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पहुंच जाओगे आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं वैष्णवी जी बात समझ आती है बेटा ठीक है चलिए गाइस अपन लोगों ने देखो पहला पार्ट कंक्लूड कर दिया है आई गेस वी आर डन विद द बेसिक फॉर्मुलेज नाउ हमें बेसिक समझ आ गया है अब एक सवाल मेरे पे आया है सर बीईपी और बीएस सेम होता है तो मैं इसके जवाब ये बोलूंगा जब आप बीईपी की बात करते हो तो बीपी इज इक्वल टू बी एस जनरली बट जनरली जब आप बीपी की बात करते हो तो आप यूनिट्स की बात कर रहे होते हो जब आप बीई एस की बात कर रहे हो तो तो आप सेल्स वैल्यू की बात कर रहे होते हो तो दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यूनिट एंड दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वैल्यू तो अगर आप क्वांटिटी में निकाल रहे हो तो बीपी बोलते हो जब आप वैल्यूज में निकाल रहे हो तो आप एस बोलते हो मैं आपको हमेशा यही रिक्वेस्ट करूंगा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है सिर्फ बीपी या बीएस छोड़ दिया तो आप क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में निकाल के आना कभी भी क्वेश्चन में ऐसा है कि आ, आपको नहीं बता रहा क्लियर नहीं हो रहा आपको कि क्वांटिटी में निकालना है या वैल्यू में निकालना है तो आप दोनों में निकाल के आना चलेगी ये चीज बीपी जनरली यूनिट्स की बात करता है बीई आपका वैल्यू की बात करता है ठीक है इज एवरी क्लियर विद दिस मच पार्ट सपो क्लियर है यहां तक नेक्स्ट कंसेप्ट इज टू पीरियड डेटा अब ये क्या नया बवाल है ये नया क्या कष्ट है मैं आपको ये समझाता हूं होता क्या है ध्यान से देखना कंसेप्ट नंबर टू पीरियड डेटा बहुत बार क्वेश्चन क्या करता है मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगा एक एग्जांपल भी कराऊंगा उससे बिल्कुल टकाटक बन जाएगा होता क्या है बहुत बार क्वेश्चन आपको डेटा देता है बट डेटा एक साल का नहीं देता डेटा दो साल का देता है और दो साल का डेटा देता है और आपसे कोई नई चीज पूछता है कहा ठीक है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन दो साल का डेटा देता है देखो मैंने कहा कोई कंपनी है जिसका ये फर्स्ट क्वार्टर है एक उसका सेकंड क्वार्टर है ठीक है इसने क्या किया है इसने सेल्स करी है यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो ये यूनिट बेची है इसने सोलह हजार यूनिट यहां पर बेची है यहां पर इसने चालीस हजार यूनिट बेची है मैंने कहा ठीक है यहां पर इसको लॉस हुआ है और एक में इसे प्रॉफिट हुआ है यहां पर इसे आठ हजार आठ हजार मतलब कैलकुलेटर देना जरा एक लाख अट्ठाईस हजार का यहां पे नुकसान है और यहां पर इसे प्रॉफिट हो रहा है तीन लाख बीस हजार रुपए का क्वेश्चन ने बोला है जो सेलिंग प्राइस है बहुत बार क्वेश्चन आपको इस तरीके का डेटा देगा क्वेश्चन क्या करेगा आपको दो साल की सेल्स देगा आपको दो बार के प्रॉफिट्स देगा और आपसे बोलेगा कि भैया अब आप मुझे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के दो आप मुझे बताओ कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है एक तरीके से क्वेश्चन आपसे चाहता है क्या चाहता है कि आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट ये पूरा बना के दो ये क्वेश्चन आपसे चाहता है मैं फिर बताता हूं ध्यान से सुना क्वेश्चन क्या करेगा बहुत बार आपको दो पीरियड का डेटा देगा चाहे वो क्वार्टर के दो क्वार्टर दे सकता है दो महीने दे सकता है दो साल दे सकता है कुछ भी दे सकता है आपको सेल्स दे देगा आपको प्रॉफिट लॉस दे देगा आपको आपको सेलिंग सेलिंग या या तो पे सेल्स सेल्स दे दे देगा यूनिट प्राइस दे दिया पूछेगा कि भैया ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ कैसे बनाओगे ऐसे क्वेश्चनों को तोड़ने का एक ही तरीका है जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा एक ही स्टेप पे टूट जाएगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही स्टेप पे बन जाता है अगर आप सिर्फ क्या कर लो ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप पीवी रेशियो कंप्यूट कर लो क्यों क्योंकि देखो सेल्स दे रखी है प्रॉफिट दे रखा है अगर कॉन्ट्रीब्यूशन निकल गया तो वेरिएबल कॉस्ट पे निकल जाएगी फिक्स कॉस्ट पे निकल जाएगी तो कभी भी क्वेश्चन इस तरीके का है दो साल का डेटा है दो पीरियड का डेटा है तो कुछ मत करना सिर्फ पीवी वी रेशो कैलकुलेट कर देना पहले स्टेप पे अगर पीवी रेशो कैलकुलेट हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा दिस इज माई कंसेप्ट नंबर टू अब ऐसे केसेस में पीवी रेशो कैसे निकलती है अब मैं आपको वो बताता हूं पीवी वी रेशो इज कल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इन टू हंड्रेड यह फॉर्मूला था जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था क्योंकि मुझे यहां पर बताना था पीवी रेशो निकालने का एक तरीका और होता है विच इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू हंड्रेड कभी भी क्वेश्चन आपको दो पीरियड का डेटा दे रहा है तो कुछ मत करो प्रॉफिट का चेंज निकालो सेल्स का चेंज निकालो सौ से गुड़ा करो पीवी रेशो मिल जाएगी और एक बार पीवी रेशो मिल गई उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचेगा कैसे है मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं देखिए सब लोग दिस इज एग्जाम्पल को ब्रेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं वो क्या है कि सर हम क्या करेंगे हम पीवी रेशो कंप्यूट कर लेंगे अगर हमने पीवी रेशो कंप्यूट कर ली तो हमारा जीवन आसान अब पहले इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं इस डेटा को थोड़ा सा ठीक करते हैं पहले सेल्स निकालते हैं और प्रॉफिट की बात करते हैं अगर मैं कहूं पॉइंट नंबर फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स कितनी सोलह हजार यूनिट है एक यूनिट तीस रुपए की है तो चार लाख अस्सी हजार की सेल्स होगी सेकंड वाले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो आपने चालीस हजार यूनिट बेची है एक यूनिट तीस रुपए की है तो आपने बारह लाख रुपए की सेल्स करी है मैंने कहा ठीक है पीवी रेशो कैसे निकालूंगा वो देख लो मैंने कहा चेंज इन सेल्स सेल्स में कितना बदलाव हुआ सेल्स 12 लाख माइनस चार लाख अस्सी हजार आप चार लाख अस्सी हजार माइनस बारह लाख भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव वेगेटिव सारा हट जाएगा कोई टेंशन नहीं है इतना आ गया चेंज इन सेल्स चेंज इन प्रॉफिट प्रॉफिट कितने से चेंज हो गया अब यहां पे ध्यान देना एक लाख अट्ठाईस हजार से तीन लाख बीस हजार हो गया क्या कह रहा हूं मैं इफ दिस इज माई टाइम लाइन मैं मैथ समझा रहा हूं आपको अब मैं एल्जेबरा करा रहा हूं दिस इज जीरो दिस इज एक लाख अट्ठाईस हजार दिस इज तीन लाख बीस हजार यहां से यहां का चेंज कितना चेंज है कैन आई से फोर लैक फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज का चेंज है करेक्ट कह सकता हूं दूसरा तरीका क्या है तीन लाख बीस हजार माइनस में माइनस एक लाख अट्ठाईस इंटू में सौ कितना आ रहा है भाई कोई बताएगा मुझे सॉल्व करके कोई मुझे सॉल्व करके बताएगा क्या कितना आ रहा है कोई मेरे लिए इतनी मेहनत करके देगा एक बच्चे ने दिया है बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लो इट सिक्सटी टू परसेंट ठीक है जी चलो अब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं क्विकली दो मिनट लगना है मान लो सेल्स फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर पहले क्वार्टर में सेल कितनी है जी चार लाख अस्सी हजार रुपए दूसरे में कितनी है जी बारह लाख रुपए ये कितना आ जाएगा चार लाख अस्सी हजार इंटू में सिक्सटी टू पॉइंट टू परसेंट कितना दिया है एक लाख अट्ठाईस हजार ये कितना आ जाएगा एक लाख बारह लाख इंटू में सिक्सटी टू पॉइंट टू परसेंट यह आ जाएगा आपके पास कितना है तीन लाख बीस हजार क्या आगे मैं सॉल्व कर सकता हूँ आई गेस आगे हम सॉल्व कर सकते हैं सेल्स आ गई कंट्रीब्यूशन आ गया दोनों का डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट होगा कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट होगा इन दोनों का डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट होगा कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट होगा क्या बात समझ आती है सब लोगों को इसमें किसी को कोई समस्या देखो फिर बता रहा हूं जब भी क्वेश्चन आपके पास है दो साल का दो महीने का दो क्वार्टर का तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई करने का एक ही तरीका एक रूल पहले पीवी वी रेशो निकाल लो अगर पीवी रेशो बना ली उसके बाद क्वेश्चन जो बोलेगा बना लेना पहले से पीवी रेशो निकाल लो दैट्स इट इस क्वेश्चन की नब्ज मैंने बता दी है तो एग्जाम में कभी भी आएगा तो इस नब्ज को पकड़ लेना वो कहते हैं ना डॉक्टर वो नब्स को पकड़ के बताता है कि आपको क्या बीमारी है सेम वे में सिर्फ नब्स को पकड़ लेना और कुछ नहीं चाहिए डेट्स एट ठीक है इतना समझ आता है सब लोगों को इसमें कोई समस्या किसी को इसमें कोई समस्या किसी को इज एवरी वन क्लियर विद पार्ट भाई लिखना है या समझना है आप एक बार किसी को लिखना है तो लिख लो अपना सेकंड कंसेप्ट खत्म हो गया अब मैं थर्ड कंसेप्ट पे आऊंगा सीधा लीजिए पॉइंट नंबर टू खत्म अब मैं आता हूं आपके पास पॉइंट नंबर थ्री पे अब अपने ना सारे पार्ट ऐसे ही होते जाएंगे जल्दी जल्दी टाइम नहीं लगेगा सेल्स मिक्स आओ जरा पॉइंट नंबर थर्ड अब हम आ गए हैं जी सेल्स मिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन भी अच्छा है इवन ये ना लास्ट दो या ढाई साल पहले आरटीपी में आया था अब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि दो साल पहले जो आरटीपी में आता है ना वो जनरली ऐसा होता है कि आप पेपर में रिपीट हो जाता है होता क्या है दो साल के बाद वो पेपर में रिपीट हो जाता है बताया था मैंने आपको कुछ ऐसा हम कुछ कर रहे थे ऐसा आई डोंट रिमेंबर आप किसका क्वेश्चन देख रहे थे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देख रहे थे शायद दिसंबर नाइनटीन का क्वेश्चन आ गया था तो मुझे ना ये लगा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई इसको बड़े ध्यान से देखना देखो अब इसमें ना पहले मैं आपको तरीका समझाता हूं फिर मैं आपको दिखाऊंगा आईसीआई ने क्या एक जगह मजे ले रखा है इसमें ना आईसीआई ने एक जगह मजे भी ले रखे तो उससे दूसरी अप्रोच भी आती है तो हमें क्या करना है फाइनली वो वो भी बता दूंगा पहले ध्यान से समझो इसे होता क्या देखो सेल्स मिक्स का क्या मतलब होता है फॉर uh, एग्जाम्पल आप कोई भी कंपनी ले लो जैसे आप टाटा मोटर्स ले लो क्या टाटा मोटर एक ही गाड़ी बेचती है या एक ही तरीके की गाड़ी बेचती है वो कॉमर्शियल व्हीकल भी बेचते हैं वो पैसेंजर व्हीकल भी बेचते हैं सेम वे में अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान यूनि लिवर की भैया उसके तो प्रोडक्ट ही गिनती के पता नहीं बे इंतहा है वो साबुन बनाने से लेके ब्रश करने तक आपके ऑयल बनाने तक फेरे लव, गोरा बनाने की क्रीम से लेके सब कुछ बनाता है हिंदुस्तान यूनि लिवर करेक्ट सेम वे में बहुत सारी कंपनी के मल्टीपल 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 प्रोडक्ट होते हैं करेक्ट तो अब मल्टीपल प्रोडक्ट के केस में हमें क्या करना है अभी तक अगर आप ध्यान दो तो मैंने आपको बोला कि भाई मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना मैंने आपको बोला कि सर अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो क्या करना फिक्स कॉस्ट अपॉन कर देना मैंने कहा अच्छी बात है कर दो भाई अब मान लो आप चार प्रोडक्ट बनाते हो तो कौन से प्रोडक्ट का से डिवाइड करो एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट से तीन प्रोडक्ट से चार प्रोडक्ट से तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है मैं एक एग्जांपल देता हूँ एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ आएगा देखो जरा ध्यान से पहले मैं सेल्स मिक्स का क्वेश्चन बताता हूं कि किस तरीके का आता है फिर उसकी नब्ज बताता हूं कि आप किस चीज को पकड़ लो तो आपका क्वेश्चन टकाटक तक बन जाएगा देखो मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है ए एक प्रोडक्ट है बी दो प्रोडक्ट लेते हैं अभी के लिए मैंने कहा सेल्स की अगर मैं बात करूं तो दिस इज हंड्रेड रुपीज मैं पर यूनिट डेटा की बात कर रहा हूं दिस इज फिफ्टी रुपीज अगर मैं आपसे बात करूं वेरिएबल कॉस्ट की तो दिस इज सिक्सटी रुपीज दिस इज ट्वेंटी रुपीस तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा मेरे पास फोर्टी रुपीज एंड इज थर्टी रुपीज मैंने कहा जो मेरा ए और बी का सेल्स मिक्स है वो सेवेंटी परसेंट थर्टी परसेंट है मतलब अगर मैं सौ यूनिट बेचता हूं तो उसमें से सत्तर यूनिट में एक ही बेचता हूं थर्टी परसेंट यूनिट में बीकी बेचता हूं या दूसरे शब्दों में जो मेरी सेल्स की वैल्यू है अगर मैंने सौ रुपए की सेल्स करी है तो उसमें सेवेंटी परसेंट सेल्स किसकी होती है एक ही होती है थर्टी परसेंट सेल्स बी की होती है कुछ भी समझ लीजिए सेल्स मिक्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं मैं बता रहा हूं आपको इट कैन बी रेशो ऑफ सेल्स परसेंटेज इट कैन बी अब दोनों केसेस में क्या होता है अभी के लिए भूल जाओ बट मैंने आपको यह बोला सेल्स मिक्स का मतलब है कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंट बिकता है आप सेवेंटी थर्टी बोल रहे हो इट कैन बी ए और बी मिलाकर मतलब मैं इसका एग्जाम्पल से दे देता हूं आपको एक की क्वांटिटी है जी सात हजार फॉर एग्जाम्पल बी की क्वांटिटी है तीन हजार दिस कैन बी सेवन इज टू थ्री दूसरी रेशो हो सकती है सर एक की सेल्स वैल्यू है सात लाख बी की सेल्स वैल्यू है तीन लाख तो ये आ गया सेवन इंस टू थ्री मतलब ए की अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं फॉर एग्जांपल एक यूनिट सौ रुपए की है तो सात हजार यूनिट आपने बेची एक यूनिट पचास रुपए की है तो मतलब आपने कितनी यूनिट बेची होगी छह हजार यूनिट बेची तो सेल्स मिक्स दो तरीके से हो सकता है या तो ये तरीका हो सकता है या ये तरीका हो सकता है सेल्स मिक्स का मतलब होता है कि आप कितना किसको बेचते हो दिस इज सेल्स मिक्स तो अगर मैं ए और बी की सेल्स मिक्स की बात कर रहा हूं सेवेंटी थर्टी की बात कर रहा हूं तो मान लो मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं सेल्स वैल्यू की आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको यह चीज समझ आती है जो मैंने यहां लिखी है क्या आपको ये चीज समझ आती है सब लोगों को क्योंकि दोनों के केस में ट्रीटमेंट अलग होने वाला है सेल्स मिक्स मतलब जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है मल्टीपल प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उनकी जो परसेंटेज है कि कौन सी कितना बेच रहे हो डेट इज सेल्स मिक्स इट कैन बी क्वांटिटी की रेशो क्वांटिटी रेशो इट कैन बी वैल्यू की रेशो ठीक है मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है यही मैंने यहां पे लिखा था अब कीपिंग एवरीथिंग सेट असाइड इन सब को मैं एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए सेट असाइड कर देता हूँ इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ यहाँ पे आपके लिए चलो अब इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से देखना क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा ही मिलेगा आपको यहाँ पे दिया होगा जी फिक्स कॉस्ट दी होगी मान लो दस लाख रुपए क्वेश्चन आपसे चाहता है कि आप मुझे ब्रेक इवन पॉइंट बताओ वैल्यू में फॉर कंपनी तो आप सुम आउट करके पढ़ाया करिए एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लो सब लोग फिर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको सेल्स मिक्स के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको दो प्रोडक्ट दे रखे होंगे या तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा या सेल्स की वैल्यू दे रखी होगी कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में आपको रेशो दे देगा फिर आपको बोलेगा कि भैया कंपनी का ब्रेक बताओ या इंडिविजुअल प्रोडक्ट का ब्रेक पॉइंट बताओ तो हमें इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है क्वेश्चन में कोई दम नहीं है बट कैसे करोगे वो चेक कर लो एक बार बस मैं क्या करूंगा स्टेप नंबर वन कॉम्प्यूट इंडिविजुअल प्रोडक्ट पीवी रेशो मैंने कहा ठीक है पहले हमने क्या किया इंडिविजुअल प्रोडक्ट की पीवी रेशियो निकाली तो कितनी आएगी एक ही पीवी रेशियो निकालो एक ही पीवी रेशियो आएगी चालीस बटे सौ इन टू हंड्रेड चालीस परसेंट आपको भी इसी स्टेप बाय स्टेप ही करना है स्टेप बाय स्टेप करोगे जीवन में कोई मुश्किल नहीं है नहीं तो अटक जाओगे कहीं ना कहीं स्टेप नंबर टू कंप्यूट कंपनी पीवी रेशो कंपनी की पीवी रेशो क्या आएगी ठीक है जी अब कंपनी की पीवी रेशो कैसे निकलती है वो देखो <coughs> कंपनी की पीवी रेशो क्या होती है कंपनी की पीवी रेशो होती है ए बी कैसे निकालोगे वो देख लो पीवी रेशो इसकी कितनी है चालीस परसेंट सिक्सटी परसेंट वेट्स वेट्स मतलब परसेंटेजेस कि किसकी कितनी 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 परसेंटेजेस है जिसको आप प्रोडक्ट वेटेड एवरेज भी बोलते हो बेसिकली एक तरीके से वेट्स सेवेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा अट्ठाईस अठारह दोनों को जोड़ दो फोर्टी सिक्स परसेंट दिस इज कंपनी की पीवी रेशो स्टेप नंबर टू जब भी सेल्स मिक्स का क्वेश्चन है आप क्या करो कंप्यूट पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट की पीवी रेशो वो आपने निकाल ली यहां पे वो हमें आती है निकाल ली फिर आप कंपनी की पीवी रेशो निकालो कंपनी की पीवी रेशो होती है बेसिकली इन प्रोडक्ट की वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज कैसे निकालते हो आपने लिखा ए बी सी होता सी लिखता डी होता डी लिखता ई e होता ई e लिखता इनकी पीवी रेशो कितनी है चालीस टका साठ टका यहाँ पे लिखा वेट्स वेट्स कितने हैं टी और थर्टी सेवनटी परसेंट थर्टी परसेंट इट कैन बी सेवन इंस टू थ्री ऑल्सो अगर सेवन इंस टू थ्री होता तो क्या होता मैं वो भी बता देता हूं आपको इफ इट इज सेवन इंस टू थ्री इफ 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 तो आप क्या करते बी चालीस परसेंट है तीस साठ परसेंट है सेवन इंस टू थ्री का मतलब सात बटे दस तीन बटे दस आता आपका फिर भी वही क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है क्वेश्चन चाहे तो परसेंटेज की फॉर्म में दे दे क्वेश्चन चाहे तो रेशो की फॉर्म में दे दे जैसे हम हमेशा पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटते थे ना सेवन इज टू थ्री वन इज टू टू फोर इज टू फाइव जैसे क्वेश्चन बोलेगा कर लेना अपने को कोई टेंशन की बात नहीं है दिस इज कंपनी की पीवी रेशो इस तरीके से निकल जाएगी अगर परसेंटेज देगा तो भाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना अगर सेवन इंसू थ्री दे रहा है तो फोर्टी इंटू सात बटेटी इंटू तीन बटे आप कंबाइंड पीवी रेशो भी बोल लीजिए कंपनी पीवी वी रेशो भी बोल लीजिए जैसे आपकी जो इच्छा हो बोल लेना कहीं कोई दोहराए नहीं है क्या आपको दो स्टेप समझ आते हैं अब क्वेश्चन हो गया मेरा बस खत्म कुछ नहीं करना मुझे मैं बस आपको फिनिश करके दिखा रहा हूं इसे अब मैं आपको क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना जरा मैंने कहा देखो फिक्स कॉस्ट कंपनी लेवल पे होती है फिक्स कॉस्ट कभी ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोडक्ट की होगी हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर एक फैक्ट्री है उसके अंदर चाहे वो नहाने की साबुन बनाए चाहे वो ब्रश करने के लिए कोलगेट बनाए कोई और टूथपेस्ट बनाए बनेगा तो उसी फैक्ट्री के अंदर ना भाई बनेगा तो उसी फैक्ट्री के अंदर फिक्स कॉस्ट तो सबकी होगी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कभी नहीं होती कभी भी प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन कंपनी लेवल पे काम करवाता है स्टेप थ्री अगर आपको क्या निकालनी है ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सर फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अब यहां पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि जब फिक्स कॉस्ट कंपनी की है तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी किसका होगा भाई कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितनी ली थी मैंने दस लाख अपॉन पीवी रेशो फोर्टी सिक्स परसेंट इसको पीवी रेशो करो सॉरी कंपनी पीवी रेशो कितना आ जाएगा दस लाख डिवाइडेड बाय फोर्टी सो ये आ जाएगा कुछ इक्कीस लाख तिहत्तर हजार 21.74 लाख. थ्री पहले मैंने आपको बोला अगर कभी भी आपको सेल्स मिक्स दे रखा है कंपनी की फिक्स कॉस्ट दे रखी है फॉर्मुले में बोल रहा है चाहे बीईपी निकालो चाहे एमओएस निकालो चाहे प्रॉफिट निकालो कुछ भी करवाएगा कर लेना सब कुछ बट अब जो आप पीवी वी रेशो लेकर चलोगे ना वो आपको कंपनी की लेके चलनी है इंडिविजुअल बच्चों की नहीं लेके चलनी पूरी कंपनी की बात करो ए और बी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी लेवल पे काम करूंगा सारा तो एक बार मेरे पे कंपनी लेवल पे पीवी वी रेशो आ गई उसके बाद तो मुझे क्या करना है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंपनी पीवी वी रेशो ये आ गया क्या इतना समझ आता है सब लोगों को पहले मुझे ये बताओ फिर मुझे इसमें एक छोटी सी चीज और बतानी है फिर मेरा नाइनटी काम खत्म स्टेप नंबर फोर सर ये तो समझ आ गई ब्रेक इवन पॉइंट कंपनी लेवल पे इतना होगा ये कंपनी लेवल की सेल है अगर क्वेश्चन बोलता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कितनी सेल करूंगा तो वो भी बता दो हाउ मच स्टेप फोर क्या है हाउ मच इंडिविजुअल प्रोडक्ट विल बी सोल्ड प्रोडक्ट विल बी सोल्ड एट बीपी लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे मतलब अगर 21 लाख चौहत्तर हजार की सेल है इसमें ए कितना बेचोगे बी कितना बेचोगे आप बताओ क्या होना चाहिए थोड़ा लॉजिकली सोचना क्या मैं कह सकता हूं सत्तर तीस की रेशो में बांट लू अगर मैं सौ रुपया भी बेचूंगा तो भी सत्तर तीस की रेशो में बेचूंगा बेचूंगा अगर मैं इक्कीस चौहत्तर भी बेचूंगा तो भी मैं किस रेशो में बेचूंगा सेवनटी थर्टी की रेशियो में बेचूंगा तो क्या मेरा ये कहना ठीक होगा ए और बी कितना कितना होना चाहिए ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन फोर लैक इंटू में सेवेंटी परसेंट ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन फोर लैक इंटू में थर्टी परसेंट फिफ्टीन पॉइंट टू टू देखो यहां पे ना राउंड ऑफ का थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा तो वो हमें देखना पड़ेगा एग्जाम में जनरली राउंड ऑफ की थी वैसे फर्क नहीं आएगा बट फिर भी मैंने राउंड ऑफ का आ सकता क्या इतना समझ आ गया सब लोगों को क्या इतना समझ आता है या नहीं आता पहले बताओ अब कुछ लोगों के दिल में सवाल आ रहा होगा सर आपने तो पीवी रेशो ले ली क्यों ना हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले ले उसके ऊपर भी आऊंगा थोड़ी देर में अभी पहले बताओ पीवी रेशो समझ आती है मैंने आपको बोला इंडिविजुअल प्रोडक्ट की पीवी रेशो निकाल लेना उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना सॉल्व कर देना काम खत्म टक, डन अब मेरे दिल में जब मैंने पर्सनली ये चीज देखी थी तो मेरे दिल में एक सवाल आया था मैं आपको बताऊं क्या है? सर चलो ठीक है मान ली बात सर क्या प्रूफ कर सकते हैं कि यह ब्रेक इवन होगा ऑल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे बट आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए ब्रेक इवन क्या होता है जहां पर मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाए मानते हो बात मानते हो बात कि जहां पे मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाए क्या हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इस लेवल पे प्रॉफिट जीरो हो जाएगा लेट्स क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा ये से मैं से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नहीं बोलेगा कभी इस तरीके से ना आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं है मैंने कहा मुझे चेक करना है क्या आंसर ठीक है या नहीं है मैंने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं चेक कैसे करूंगा एट ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ये हमें पता है क्यों क्योंकि फिक्स कॉस्ट माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू जीरो होता है कैसे चेक करेंगे चलो ए का मैंने कितना सामान बेचा पंद्रह पॉइंट दो दो लाख बेचा बी का मैंने कितना बेचा सिक्स पॉइंट फाइव टू लाख बेचा ए पे मेरा कंट्रीब्यूशन अगर मुझे निकालना हो तो 40 परसेंट और 60 परसेंट अगर मुझे ए का कंट्रीब्यूशन निकालना है तो 40 परसेंट कर दूं, इसका 60 परसेंट कर दूं। क्वेश्चन नहीं बोलेगा मैं फिर बता रहा हूं आपको यह सिर्फ मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताने लग रहा हूं कितना हो जाएगा ये दस लाख आ रही है क्या चेक कर लो दस लाख आ गया दिस इज जस्ट फॉर योर understanding कि कभी पेपर में आ जाए और आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि क्या आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा तो आप कैसे चेक करोगे आपने क्या किया मैंने कहा सर ठीक है मुझे सेल्स मैक समझ आ गया मुझे कंपनी की पीवी रेशो समझ आ गई मैंने कंपनी की पीवी रेशो पे ब्रेक इन पॉइंट पे निकाल दिया फिर मैंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर भी बांट लिया मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मेरा सवाल का आंसर ठीक है अगर मेरे को देखना है कि मेरे सवाल का जवाब ठीक है तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मेरी ब्रेक इन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन के इक्वल आ रही है नहीं आ रही है

ठीक है और थोड़ी देर में मैं फिर ये जस्टिफाई करूंगा कि हमने जो किया है वो गलत भी है <laughs> क्या मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ पहले बताओ इतना समझ आता है सब लोगों को अब मैं पांच में ये भी जस्टिफाई करता हूं कि जो हमने किया है वो गलत भी है पहले बताओ ये समझ आ गया अब यहां पे ना मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं देखो आईसीआई ने टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में एक आर टीपी इशू किया था उसमें आईसीआई ने ऐसे सॉल्व किया आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखोगे ना तो उसमें अलग तरीके से आईसीआई ने सॉल्व कर रखा है वो क्या किया है मैं आपको वो भी बता देता हूं उसको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कि वो भी ठीक है ये भी ठीक है वो भी ठीक है अब जिस वजह से आईसीआई ने ना दो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि एक जगह सॉल्यूशन अलग है दूसरी जगह सॉल्यूशन अलग है तो हमें क्या करना है पहले मुझे बताओ ये समझ आ गया फिर मैं आईसीआई ने दूसरी चीज क्या करी है मैं आपको वो दिखाता हूं अगर आप अपनी परफेक्ट प्रैक्टिस देखोगे ना तो एक क्वेश्चन दिखेगा आपको सेल्स मिक्स का इनिशियल में ही जहां पे ऐसे सॉल्व होगा फिर जब आप थोड़ा सा और आगे जाओगे लेट मी कोट द क्वेश्चन ऑल्सो अगर आप क्वेश्चन नंबर फाइव देखोगे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का तो आपको ऐसे दिखेगा जब आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखोगे तो आंसर दूसरे तरीके से दिखेगा तो मैं अब आपको सेकेंड मेथोडोलॉजी करा रहा हूं जो आंसर निकलती है ठीक है अब पहले वो भी समझ लो देखो जरा बट एक चीज बता दू सेल्स मिक्स में क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं वहां पे बस ये होगा दो के तीन क्वेश्चन कर देगा तीन कर देगा तीन के प्रोडक्ट कर देगा बट घुमा फिरा के आपसे यहीं पे कोई ना कोई चीज पूछेगा या तो ब्रेक इवन पॉइंट पूछ लेगा या आपसे सेल्स प्रॉफिट पूछ लेगा कोई भी फॉर्मूला लगवा लेगा ठीक है मेथड टू क्या कहता है मेथड uh, टू कहता है ये जो सेवेंटी और थर्टी की रेशियो है क्वेश्चन सिर्फ बोलता है सेल्स मिक्स की रेशियो है मुझे नहीं पता कि क्या है क्वांटिटी की रेशियो है क्या ये आपकी वैल्यू की रेशो है किस चीज की रेशो है आई डोंट नो तो एक जगह आईसीआई ने क्या किया आईसीआई ने कहा ठीक है आईसीआई ने कहा ये स्टेप वन भूल जाओ मुझे पीवी रेशो से कोई मतलब नहीं है आईसीआई कहता है कंपनी लेवल पे मैं आपको तरीका बता रहा हूं आप कैसे करोगे आप स्टेप नंबर वन लगाओगे कंपनी लेवल पे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो पर यूनिट तो आईसीआई ने कहा ठीक है निकाल लेते हैं आईसीआई ने कहा ये ए है ये बी है आप पीवी रेशो की बात मत करो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करो सब कुछ सेम ही होगा सिर्फ यहां मैं पीवी रेशो से बात कर रहा था यहां मैं कंट्रीब्यूशन से बात करूंगा जो मेरी रेशो है वो आ गई थी सेवन थर्टी परसेंट दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ट्वेंटी एट रुपीज नाइन रुपीज थर्टी सेवन रुपीज पर यूनिट ठीक है जी हमने कहा अच्छी बात है स्टेप टू अब आप break -even point जो निकालोगे आप सेल्स में नहीं निकालोगे आप यूनिट्स में निकालो मेथड वन में पीवी रेशो यूज होती है सेल्स वैल्यू यूज होती है मेथड वन में आप पीवी रेशो यूज करते हो और ब्रेक इवन सेल्स यूज करते हो यहां पर आप पीवी रेशो यूज करते हो और ब्रेक इवन पॉइंट यूज करते हो मैंने कहा ठीक है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैसे निकलता है यहाँ यूनिट्स में निकलता है सॉरी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या था फॉर्मूला कोई मुझे याद दिलाएगा मेरे को शायद कुछ ऐसा ऐसा याद आ रहा है कि मुझे फिक्स कॉस्ट को क्या करना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना होता है कुछ ऐसा ऐसा करना होता है अच्छा ठीक है फिक्स कॉस्ट कितनी है जी दस लाख रुपया डिवाइडेड बाय सैतीस रुपए कितनी यूनिट्स आ जाएंगी सत्ताईस हजार सताइस ठीक है स्टेप नंबर थ्री मैंने कहा सर ये तो कंपनी लेवल पर आ गई ना प्रोडक्ट लेवल पे बताओ ना क्या होगी मैंने कहा ठीक है भाई प्रोडक्ट लेवल पे निकाल देते ए का कितना होगा बी का कितना होगा मैंने कहा टू सेवन जीरो टू सेवन यूनिट है इसकी सेवेंटी परसेंट यूनिट होंगी इसकी कितनी यूनिट थर्टी परसेंट यूनिट होगी निकाल लो इन टू में सेवेंटी परसेंट इसको वन एट नाइन वन नाइन डिवाइडेड बाय टू सेवन जीरो टू सेवन इंटू में थर्टी परसेंट एट वन जीरो एट। सर ये तो यूनिट्स हो गई वैल्यू भी बता दो मैंने कहा ठीक है वैल्यू की बात कर लो भाई ए की वैल्यू की बात करूं तो वन एट नाइन वन नाइन इंटू में सौ रुपए की एक यूनिट है बी की बात करूं तो एट वन जीरो एट इंटू में पचास रुपए की एक यूनिट है ये आ जाएगा वन एट नाइन वन नाइन डबल जीरो और एट वन जीरो एट इंटू में फिफ्टी और जीरो फाइव फोर डबल जीरो क्या कह रहा हूं मैं ध्यान से देखना जब मेथड वन की बात कर रहे थे आप तो आप पीवी वी रेशो और ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हो जब आप मेथड टू की बात करते हो तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हो और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट की बात करते हो तो मैंने क्या किया मैंने कहा देखो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का तो दे रखा था कंपनी लेवल का निकालो कंपनी लेवल का ऐसे निकल गया इतना फर्क पड़ा पिछले वाले में मैं क्या कर रहा था भाई

वैल्यू भी बता दो मैंने कहा बेटा वैल्यू भी निकाल देता हूं इतनी यूनिट बेच रहा हूँ इतने रुपए की ये आ गया इतनी यूनिट बेच रहा हूं इतने रुपए की ये आ गया अब सवाल ये आ गया सर यहाँ कुछ आ रही है यहाँ कुछ आ रही है अब एक चीज और आएगी अब अगली चीज ये आएगी सर एक बार चेक तो करा दो क्या ये मैथड ठीक है या नहीं है मैंने कहा अगर ब्रेक इवन पॉइंट है तो वहां पे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा मानते हो बात एक बार जरा चेक कर लें कि इस मेथड से भी आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा अगर नहीं आ रहा होगा तो हम क्यों जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं और अगर आ रहा होगा तो हमारे लिए कष्ट है मानते हो बात तो चलो मैं लगे हाथ आपको चेक भी करा के दिखा देता हूं चलो लेट्स चेक इट आउट मैंने कहा चेक करते हैं चलो चेक करने के लिए मैंने कहा एक ही मैंने कितनी यूनिट बेची है वन एट नाइन वन नाइन डबल सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी इतनी यूनिट्स बेची है B की मैंने कितनी यूनिट बेची है एट वन जीरो एट एक यूनिट पे कितना कमाते हो दूसरी यूनिट पे कितना कमाते हो बताओ ए की एक, एक यूनिट पे कमाते हो चालीस रुपए बी की एक यूनिट पे कमाते हो तीस रुपया चालीस रुपया तीस रुपया कोई सॉल्व करके बताएगा यार तो आप में से कोई कैलकुलेटर का अगर महापंडित है तो बता दो यार जल्दी से मुझे जल्दी से बता दो कितना कितना आ रहा है वन एट नाइन वन नाइन इंटू में चालीस सेवन फाइव सिक्स सेवन फोर जीरो टू फोर थ्री टू फोर जीरो टू सिक्स जीरो आएगा दोस्त फोर जीरो ले लो सिक्स जीरो ले लो टोटल करो इसे कितना आ रहा है उरी बाबा ये का हो गया ये भी दस लाख आ गया ओहो ये तो गड़बड़ हो गई अब क्या करूं? तो कहने का मतलब यह है कि दोनों मेथड ठीक है तरीका समझ आया पहले ऊपर साठ है नीचे चालीस है अरे यार तुम लोग तो दिल पे ले गए भाई भावनाओं को समझा करो ना भावना के पीछे जाओ रियलिटी के पीछे क्यों जा रहे भावनाओं के पीछे जाओ अब देखो दोनों मेथड ठीक है सवाल ये आ गया हमें क्या करना है उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ आपको दोनों मेथड समझ आ गए कैसे करना है एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा क्या आप लोग कर पाएंगे सवाल ये है सबसे पहला चाहे मेथड कोई भी लगाया जाए मेथड वन मेथड टू डेट्स अ डिफरेंट थिंग क्या करना है वो बात की बात है इतना समझ आता है करना क्या है वो समझो देखो अब यहां पे ना थोड़ा सा ना डाइसीनेस है आ, मैं आपको ये बता दू कि कौन सा मेथड किस पे लगता है मेथड वन लगता है अगर आपको सेल्स वैल्यू की रेशो दे रखिये मेथड टू लगता है अगर आपको सेल्स क्वांटिटी की रेशो दे रखी है, तो आप चेक कर लेना सेल्स मिक्स में रेशो किस चीज की दी है अगर सेल्स वैल्यू की दी है तो मेथड वन लगाना सेल्स क्वांटिटी की दी है तो मेथड टू लगाना बट सर अगर आईसीआई बहुत चलाक निकले और सिर्फ ये लिख के छोड़ दे कि सेल्स मिक्स है और कुछ ना लिखे तो हम क्या माने ये तो कॉमेडी हो गई अगर आईसीआई मैंने आपको बोला कि अगर सेल्स वैल्यू की रेशियो है दोस्त तो मेथड वन यूज करके सॉल्व करना सेल्स क्वांटिटी की रेशियो है तो मेथड टू यूज करके सॉल्व करना नहीं तो आंसर गलत आएगा 120 परसेंट बट सर अगर 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 सिर्फ सेल्स मिक्स लिख के छोड़ दे तो क्या करें तो वैल्यू ले या क्वांटिटी ले आई विल से गो फॉर दिस पहले वाले के लिए मैं लिख देता हूं इफ ओनली सेल्स मिक्स इज गिवन इफ ओनली सेल्स मिक्स इज गिवन एंड नथिंग इज मैंशंट यूज मेथड वन क्यों कह रहा हूं ऐसा क्योंकि जो रिसेंट आरटीपी था उसमें आईसीआई ने मेथड वन लेके सॉल्व किया है इसीलिए मेरी भी एजम्शन यही है कि जब रिसेंटली आईसीआई सॉल्व करो क्योंकि आईसीआई ने मेथड मेथड बोला है, तो लगा लो ठीक है अदरवाइज अगर आप जब परफेक्ट प्रैक्टिस बुक देखोगे तो क्वेश्चन नंबर पांच में मेथड वन लगाया हुआ है क्वेश्चन नंबर इक्कीस में मेथड नंबर टू लगाया हुआ है दोनों तरीके के मेथड लगा रखे हैं आपको क्वेश्चन कराने के लिए बट फिर भी कभी सिर्फ सेल्स मिक्स दिया है नहीं दिया कि कैसे करना है

अगला है जी कॉस्ट वेरिएशन तीन टॉपिक समझ आ गए सब लोगों को अभी तक तीनों में क्या क्या कैसे कैसे करना है सब लोगों को क्लियर है ना अभी तक अभी तक चैप्टर मुश्किल तो नहीं लगाना भाई अभी तक चैप्टर आसान लग रहा है आप लोगों को इजी लग रहा है नहीं लग रहा बस ये बताओ डन किसी का जवाब नहीं आया वैसे बट चलो ठीक है मैं समझ गया कि आपको इजी नहीं लग रहा अभी तक डेटा फॉर प्रीवियस ईयर आपको कुछ ऐसा दिया है आ, हमें दिया है मान लीजिए ठीक है अब देखिए जरा मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके आगे इस एग्जाम्पल को कैसे बिल्ट करेंगे हम वो दिखाते हैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल है ज्यादा कुछ नहीं है और ऐसे क्वेश्चन के लिए ना कोई आपको फॉर्मुला नहीं चाहिए बस सिंपल लॉजिक चाहिए अगर आपको लॉजिक आता है ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं है हमने कहा मेटीरियल की अगर मैं बात करूं तो मेटीरियल लगा दस लाख रुपया लेबर लगा पांच लाख रुपया ओवरहेड्स लगा फैक्ट्री ओवरहेड लगा चार लाख रुपया सेलिंग ओवर लगा तीन लाख रुपया और एडमिन ओवर लगा दो लाख रुपया कितना हो गया टोटल दस पंद्रह उन्नीस बाईस चौबीस चौबीस है तो इसको पच्चीस कर देते हैं छह लाख ये ले लो ठीक है दिस इज योर टोटल परसेंटेज विच इज वेरिएबल हंड्रेड परसेंट एट्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट जीरो परसेंट हंड्रेड परसेंट ठीक है अभी सिर्फ देखते जाना आप सिर्फ तसल्ली से पहले डेटा सेट देख लो एक बार डेटा सेट आपको समझ आ जाएगा फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को बना देंगे कितना आ गया दस छह सोलह चार बीस पच्चीस लाख रुपया ठीक है जस्ट वन मिनट हमने कहा ओके सेलिंग प्राइस था आपका सौ रुपया पर यूनिट आपने यूनिट सेल करी थी और आपके पास आ, सेल्स दे रखी थी मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे आपके लिए थोड़ा सा यहां लिखता हूं मैं सेल्स थोड़ा तो बढ़ा देते हैं और ये प्रॉफिट था पांच लाख रुपया हमने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है और जो आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया था वो दिया था सौ रुपया ठीक है अब क्वेश्चन क्या कहने वाला है आपको वो सुनो आगे पहले क्या करेगा क्वेश्चन आपको ऐसे कॉस्ट का डेटा देगा उसके बाद क्वेश्चन आपको बोलेगा फॉर नेक्स्ट ईयर Selling price increased by 20%. Variable cost increased by 15%. Fixed cost increased by 30%. Compute sales level to get same uh, to get. परसेंट हायर प्रॉफिट चलो ये क्वेश्चन है मेरे आगे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो बताता हूं ध्यान से देखना सब लोग दिस इज माई फोर्थ वेरिएशन बहुत ईजी है अगर सिंपल सा आप थोड़ा सा लॉजिक सोचोगे ना तो बहुत आराम से बन जाएगा और अगर आप फॉर्मुला बेस्ड चलते जाओगे तो जिंदगी में घूमते रह जाओगे घूमते रह जाओगे घूमते रह जाओगे और वापस घूम फिर के वही आ जाओगे धरती गोल है ना एक जगह से चलना शुरू करोगे घूम फिर के वापस वही आ जाओगे तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी देखो क्वेश्चन ने क्या कहा आपको क्वेश्चन आपको ना मल्टीपल तरीके से कॉस्ट का डेटा देके घुमा सकता है क्वेश्चन ने बोला देखो पिछले साल का डेटा है कुछ ऐसा मटीरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड 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 सेलिंग एडमिन एक प्यारी सी बात मुझे बताओ आज तक मैं, अभी तक इस चैप्टर में मैंने आपको एक बार भी फैक्ट्री ओवरहेड एडमिन ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड कुछ बोला मैंने तो बोला सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट यही बोला मैंने एक बार भी फैक्ट्री ओवरहेड का नाम नहीं लिया सेलिंग ओवरहेड का नाम नहीं लिया एडमिन ओवरहेड का नाम नहीं लिया नहीं लिया ना आपको भी नहीं लेना जो बोलना नहीं जो अपना नहीं उसका नाम भी नहीं लेना क्या कहा जो अपना नहीं नहीं उसका नाम नहीं लेना बहुत सिंपल सी बात है इस चैप्टर में फैक्ट्री ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड एडमिन ओवरहेड मेरे अपने नहीं है मेरे अपने सिर्फ क्या है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दैट्स इट तो मुझे इनके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता नाम कुछ भी लो काम तो वही करना है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इतनी बात समझ जाती है फिर क्वेश्चन ने बोला इसमें से इतना परसेंट वेरिएबल है अगर इतना परसेंट वेरिएबल है आई एम सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया सॉरी इसको मैं चेंज करूं अगर इतना परसेंट वेरिएबल है तो बाकी क्या होगा मेरे भाई अगर मैं कह रहा हूं लेबर में 80% वेरिएबल है तो 20% क्या होगा भाई बताओ जरा फिक्स्ड होगा मानते हो सब लोग मेरी बात एग्री करते हो बस आपको सिर्फ फिक्स कॉस्ट निकालनी है आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है फिर क्वेश्चन ने बोला सेलिंग प्राइस से बढ़ गया मतलब 100 का जो सेलिंग प्राइस था बढ़ के एक कॉस्ट क्या पर यूनिट पे बढ़ाओगे या टोटल पे बढ़ाओगे आज का सवाल क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे बढ़ाओगे टोटल पे बढ़ाओगे क्वेश्चन ने कुछ लिख के दिया है नहीं लिख के दिया ना एंड बिलीव मी दिस थिंग मालूम है बच्चा क्या करेगा बच्चा ना इसकी ना पहले निकालेगा वेरिएबल कॉस्ट उसमें पंद्रह परसेंट एड करेगा काम खत्म और क्वेश्चन हो जाएगा टक टका टक टक गलत हमेशा एक चीज याद रखना वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है तो वो पर यूनिट पे बढ़ाएगी और जब वो फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है तो किस पे बढ़ाएगा पर यूनिट पे बढ़ाएगा टोटल पे बढ़ाएगा टोटल पे बढ़ाएगा मानते हो बात सब लोग मेरी चलो बहुत बढ़िया बस इतना सा काम था सेलिंग प्राइस आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी प्रॉफिट कितना चाहिए अभी पांच लाख है साठ परसेंट ज्यादा चाहिए बस आठ लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए इतना सा काम है और कुछ करना नहीं मतलब ये क्वेश्चन ना उसने सिर्फ आपको घुमाने के लिए इतना घुमा दिया क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपके लिए मोल्ड करता हूं। फिर आप कहोगे सर, बस इतना सा सवाल था। मैंने क्या किया मैं यहां पर ना आपके लिए इसे सॉल्व करता हूं थोड़ा सा मैंने कहा बच्चों एक बात सोचो क्या करना है एक बात सोचो सोचते हैं चलो मैंने कहा सर पहले क्यों ना एक काम करें इस डेटा को थोड़ा ठीक करें और वेरिएबल कॉस्ट अलग निकाल लें और फिक्स कॉस्ट अलग निकाल लें मैंने कहा ठीक है चलो बेटा आप बोल रहे हो तो कर लेते हैं ये वेरिएबल है ये कॉस्ट है ठीक है, है? मटेरियल में दस लाख में से दस हंड्रेड परसेंट वेरिएबल है कैन आई से दस का दस लाख वेरिएबल होगा मानते हो बात अच्छी बात है फिक्स कॉस्ट क्या होगा जीरो लेबर में छह लाख में से फोर एट्टी परसेंट वेरिएबल है तो कैन आई से चार लाख अस्सी हजार वेरिएबल होगा और एक लाख बीस हजार फिक्स होगा फैक्ट्री ओवरहेड में से चार लाख में से फिफ्टी परसेंट वेरिएबल है दो लाख वेरिएबल होगा दो लाख फिक्स होगा सेलिंग ओवरेड सारा का सारा वेरिएबल है निकाल लो भाई एडमिन ओवरहेड कुछ भी वेरिएबल नहीं है सारा फिक्स है क्या मेरा ये कहना ठीक होगा आप लोगों के लिए अगर मैं इसको टोटल कर दू दस लाख 14 लाख 16 लाख 190 लाख 190 लाख 80000 मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 224 520000 मेरा फिक्स कॉस्ट है पहले मुझे इतने में बताओ इतने में किसको समस्या है पहले मुझे इतने में बताइए इतने में किसको समस्या है इज एवरीवन क्लियर विद दिस मच पार्ट क्या किया है मैंने मैंने सिर्फ खर्चे को बांट दिया कुछ नहीं किया ओके okay. बढ़िया आप मुझे ये बता सकते हो सब लोग क्योंकि मुझे देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे चाहिए पर यूनिट कैसे निकलेगी जब मैं आउटपुट से डिवाइड करूंगा आउटपुट से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट आएगी आउटपुट कितना है कोई बता सकता है सोच के वेरिएबल और फिक्स तो मतलब है ना मेरे आउटपुट कितना आएगा नाम से फर्क नहीं पड़ता बेटा खर्चा तो है ही ना वेरिएबल और फिक्स की बात करूंगा ना ठीक है आउटपुट 30000 आएगा सब लोग एग्री करते हो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी भाई 1980000 30000 66 रुपीस पर यूनिट लो जी क्वेश्चन मेरा बन गया अब क्वेश्चन को देखे जरा ध्यान से अब मुझे बताना शुरू करो सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ गया पहले सेलिंग प्राइस 100 रुपए था आप सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120 रुपया. वेरिएबल कॉस्ट पंद्रह परसेंट से बढ़ गई. वेरिएबल कॉस्ट जो पहले 66 रुपीस थी, अब पंद्रह परसेंट से बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी? 75.90 पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट जो मेरे पास पहले कितने रुपए थी, कितने रुपए थी भाई? पांच लाख बीस हजार. पांच लाख बीस कितना आ जाएगी पांच लाख बीस हजार पे छह लाख छिहत्तर हजार मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए पांच लाख पहले था साठ परसेंट और चाहिए आठ लाख रुपया क्या चाहिए सेल्स का लेवल चाहिए सेल्स लेवल सेल्स कितनी सेल्स पे इतना प्रॉफिट कमाऊंगा सेल्स यूनिट कैसे निकलती है सर बहुत सिंपल फॉर्मूला डिजायर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सर डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है मुझे आठ लाख फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा छह लाख छिहत्तर हजार कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है बच्चे ये सेलिंग प्राइस ये वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन खत्म टाटा बाय बाय थ्री थ्री फोर सेवन जीरो यूनिट्स एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सब लोग के लिए क्विकली देख लीजिए एक बार मैं पूरी समरी एक बार क्विकली आपको बता रहा हूँ सब, सब लोग दोबारा से देख लो मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक बार क्विकली करा रहा देखिए जरा ठीक है जब जब भी जब भी क्वेश्चन इस तरीके का है क्वेश्चन आपको खर्चे का ब्रेकअप नहीं करके दे रहा तो आपको ब्रेकअप करना है क्योंकि ब्रेकअप नहीं करोगे तो बाहर नहीं निकलोगे बाहर नहीं निकलोगे तो पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे तो आपको ब्रेकअप तो दोस्त करना ही पड़ेगा तो मैंने बस ब्रेकअप कर दिया इस खर्चे का तो दस लाख में हंड्रेड परसेंट वेरिएबल है तो ये वेरिएबल हो गया ये लेबर हो गया ये फैक्ट्री ओवरहेड ये टोटल आ गया ठीक है ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है टोटल पे मैंने कहा मेरा आउटपुट कितना है भैया तीस हजार मैंने पर यूनिट निकाल लिया अब बोलो मैंने पर यूनिट क्यों निकाला क्योंकि ये जो इंक्रीज दिया है ना पर यूनिट पे होगा ये इंडिविजुअल पे नहीं होगा इंडिविजुअल पे तभी होता है अगर बोलता आउटपुट सेम है आउटपुट सेम है तो तो आप इंडिविजुअल पे कर देते बट वो अनएसएससी कंफ्यूज करने वाली बात है उस पर लगने से बढ़िया आप पर यूनिट निकालो पर यूनिट पे बढ़ाओ आगे बढ़ो तो मैंने एक किया डिवाइड किया पर यूनिट निकाला फिर मैंने कहा सेल्स इतनी है बीस परसेंट बढ़ाई इतनी हो गई वेरिएबल कॉस्ट इतनी है पंद्रह परसेंट बढ़ाई इतनी हो गई फिक्स कॉस्ट इतना है प्रॉफिट इतना है सेल्स यूनिट टक टका टक टक टका टक टक क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया ठीक है चलो अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं एक एक लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का आपके लिए कॉपी किया एक शीट और ऐड करी इसको पेस्ट किया इसको मैंने डिलीट किया वापस कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप कराने जा रहा हूं तो दस नंबर से नीचे आएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है टाइम इतना मिलेगा आपको करने के लिए देखो क्वेश्चन में मैं क्या चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में मैंने कहा मैंने कहा मटेरियल में इंक्रीज है जी दस परसेंट लेबर में इंक्रीज है जी पंद्रह परसेंट और किसी में इंक्रीज नहीं है फिक्स कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीज हो रहे हैं जी बीस परसेंट से एडमिन ओवरहेड इंक्रीज हो रहे हैं जी फिफ्टी परसेंट से क्वेश्चन में हल्का सा मैंने चेंज कर दिया बाकी सब डेटा सेम है मेरे लिए मैंने क्या कहा आपको अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो मटेरियल दस परसेंट से बढ़ रहा है लेबर पंद्रह परसेंट से बढ़ रहा है फिक्स ओवर फैक्ट्री ओवरहेड इतने से बढ़ रहा है एडमिन ओवरहेड इतने से बढ़ रहा है फॉर फिक्स कॉस्ट अब मैं क्या करूंगा वो देखो देखो अब ध्यान से सुनना सब लोग जब मेरे को सारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ानी थी तो मैंने पूरी वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट निकाला एक ही बार में बढ़ा लिया अब मैं क्या करूंगा वो बड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा मैंने कहा है कि मुझे मटेरियल 10 परसेंट से बढ़ाना है भैया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ानी है तो मुझे मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए लेबर को बढ़ाना है पंद्रह परसेंट से तो मुझे लेबर की पर यूनिट कॉस्ट चाहिए मानते हो बात जब मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूंगा तो तो मैं टोटल पे बढ़ा लूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं तो कैन आई से मुझे जैसे मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाली है मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी यहां पे निकालनी पड़ेगी तो मैंने कहा चलो भाई ऐसी बात है तो निकाल देता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी जैसे दस लाख रुपए है तीस हजार यूनिट है डिवाइड कर दो दस लाख डिवाइडेड बाय तीस हजार ये आ जाएगा तेतीस रुपये तैतीस ते पैसे ये आ जाएगा सोलह रुपये ये आ जाएगा आपके पास दो लाख डिवाइडेड बाय तीस हजार छह रुपए सड़सठ पैसे ये आ जाएगा दस रुपए ये है जो की पॉइंट है अगर आपको समझ आ जाए तो जिंदगी बहुत आसान है नहीं तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा ये थी आपकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट मैंने क्या कहा आ जाइए हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ छाट के अठारह क्वेश्चन रखे हैं अगर हम हमें ही लगता है कि अगर आप ये अठारह क्वेश्चन कर लेंगे तो बाकी जो थर्टी नाइन क्वेश्चन हैं आप उन्हें आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे तो इसीलिए कुछ छाट छाट के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात करूंगा क्या कह रहा है सोलह हजार यूनिट बेचूंगा तो दस रुपये पर यूनिट का नुकसान चालीस हजार यूनिट बेचूंगा तो आठ रुपए पर यूनिट का नुकसान क्या मैं डेटा को ऐसे लिख दू सेल्स और Profit. अगर मैं सोलह हजार पर यूनिट बेचता हूं तो मुझे टेन रुपीज पर यूनिट का लॉस है मतलब एक लाख साठ हजार रुपए का लॉस है एंड इफ द वॉल्यूम इज फोर्टी थाउजेंड यूनिट अगर सेल्स वॉल्यूम है फोर्टी थाउजेंड का तो प्रॉफिट आ जाएगा आठ रुपए का आठ रुपए का प्रॉफिट का मतलब होता है तीन लाख बीस हजार रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा चालीस हजार इंटू में आठ कैन आई से दिस इज पीरियड वन फॉर मी दिस इज पीरियड फॉर मी और सेलिंग प्राइस मुझे कितना दिया है है पर यूनिट क्या आप लोग को इतना समझ आता है जितना मैंने किया है पहले मुझे ये बताओ ठीक है अब मेरे को एक चीज और भी याद दिला दो जल्दी से याद दिलाना अगर इस तरीके का डेटा है तो मैंने आपको बोला था इसकी एक नब्ज है अगर आपने पकड़ ली तो काम खत्म हो जाएगा क्या थी वो नब्ज सर दुखती रख थी इसकी क्या पीवी रेशो याद आ रहा है कुछ और पीवी रेशो भी किस तरीके से निकलेगी इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता था याद है कुछ जल्दी बता सकते हो पीवी रेशो निकालने का भी एक तरीका होता था क्या होता था सर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स चेंज इन प्रॉफिट कितना है दोस्त एक लाख साठ हजार से तीन लाख बीस हजार हो गया तो तीन लाख बीस हजार माइनस अब एक लाख साठ हजार नेगेटिव है तो ब्लैकेट पर मैंने लिख दिया बट एक प्रॉब्लम हो गई यार सेल्स तो है ही नहीं अरे रे, रे क्वेश्चन ने तो मजे ले लिया आपसे ये क्वेश्चन तो आपसे मजे ले गया सेल्स तो दी ही नहीं है अब क्या करूं सेल्स तो दी ही नहीं है भाई कैसे निकालू सेल्स जल्दी बताओ मुझे मुझे तो देखो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा दिमाग चलना बंद हो गया सुबह से ना आराम नहीं किया ना इसलिए काम नहीं हो रहा दिमाग से अच्छा आप लोगों ने बता दिया चलो ठीक है सेल्स कैसे निकलेगी दोस्त ये सेलिंग प्राइस दे रखा है ये यूनिट दे रखी है सोलह हजार इंटू तीस और चालीस हजार इंटू तीस जी बारह लाख रुपया कितनी आ गई पीवी वी रेशियो मेरे को बताओगे एक बार बारह लाख चार लाख अस्सी हजार इंटू में सौ कितना आएगा भाई कोई बताएगा जल्दी से कैलकुलेट करके कैलकुलेटर साहब आप आ जाओ बच्चे तो लेट करेंगे यार कितना आ गया सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है अब क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या चाहिए क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या चाहिए भाई ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए मैंने कहा ठीक है क्या आप लोगों को इतना समझ आ गया जो मैंने अभी तक किया क्या आप लोगों के लिए ये पहला पॉइंट क्लियर है सब लोगों के लिए इतना क्लियर हो गया चलो बहुत अच्छी बात है अब देखो एग्जाम में अगर ऐसा चीज आएगी तो अपने को सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है आगे प्रोसीड क्वेश्चन ने बोला ब्रेक इवन पॉइंट बताओ मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ब्रेक इवन पॉइंट बताना है वो भी रुपईस में रुपईस का मतलब होता है वैल्यू में बताना है वैल्यू का मतलब हो गया फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो ठीक है भाई इतनी बात समझ आ गई अब ध्यान से देखना पीवी रेशियो अभी आपने निकाल के दी मुझे 66.67% मेरे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है अब मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है चलो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी वो देख लो बहुत सिंपल है मैंने बोला सेल्स कितनी है दोस्त सोलह हजार यूनिट पे तीस रुपया के हिसाब से माइनस वेरिएबल कॉस्ट इससे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इससे आ जाएगा प्रॉफिट ठीक है चालीस हजार यूनिट का लेवल ले लेते हैं ये नहीं लेते क्योंकि नेगेटिव का साइन है ना तो गड़बड़ कर सकते हो आप लोग तो चालीस हजार पे सेल कितनी है हमने लिखा था बारह लाख ,00 की सेल है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बारह लाख ,00 की सेल पे सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 12 लाख इन्टो में 66.67 परसेंट 8 लाख ,00 रुपए का मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया ठीक है 4 लाख ,00 की वेरिएबल कॉस्ट आ गई करेक्ट है जी प्रॉफिट कितने का था यहां पर 3 लाख 20 हजार का कैन आई से फिक्स कॉस्ट मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 4 लाख 6 हजार पहले ये देखो ये सबको क्लियर है अगर ये क्लियर है तो मेरा पहला पार्ट खत्म हो गया सात लाख बीस हजार एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पांच से छह नंबर का आएगा और मल्टीपल टाइम इस तरीके का क्वेश्चन आ रखा है तो अपना क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया अब दूसरी पार्ट की बात करते हैं अब अगली रिक्वायरमेंट देखो प्रॉफिट इफ सेल्स वॉल्यूम इज पचास हजार यूनिट मैंने कहा ठीक है चलो बढ़िया ये चालीस हजार यूनिट पे था सारा कुछ अगर मैं पर यूनिट निकालना चाहूं तो ये तीस रुपए आ गया ये दस रुपए आ गया ये बीस रुपए आ गया ठीक है क्वेश्चन ने बोला है पॉइंट नंबर टू में आप 50,000 यूनिट पे प्रॉफिट कैलकुलेट करो क्वेश्चन ने सेलिंग प्राइस में कोई चेंज बोला है आप बोलोगे सर नहीं बोला तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा तीस रुपया क्वेश्चन ने वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज बोला है आप बोलोगे सर नहीं बोला तो दस रुपया क्वेश्चन ने फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज बोला है आप बोलोगे सर नहीं बोला कितना रुपया चार लाख अस्सी हजार रुपया क्या मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं बिल्कुल निकाल सकता हूं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट आ जाएगा सेल्स कितनी है पचास हजार यूनिट बेची है एक यूनिट तीस रुपया की वेरिएबल कॉस्ट पचास हजार यूनिट बेची है एक यूनिट दस रुपया की कॉन्ट्रीब्यूशन पचास हजार यूनिट बेची है एक यूनिट बीस रुपया का बच रहा है तीस में से दस गया बीस बचा फिक्स कॉस्ट चार लाख अस्सी हजार प्रॉफिट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते कितना आ जाएगा तो प्रॉफिट विल कम अराउंड पांच लाख बीस हजार रुपया इतना समझ आता है सब लोगों को अभी मेरे साथ देख लो जो खुद बनाना चाहता है खुद बना लो क्वेश्चन को बट जिनको लगता है हल्का सा भी डाउट वो मेरे साथ देखते जाओ और कहीं भी कष्ट होना तो पूछते जाना नॉट होल्ड बैक ठीक है अगला पार्ट सेल्स यूनिट इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल्स की यूनिट है जी पचास हजार डिजायर प्रॉफिट मुझे पता नहीं है फिक्स कॉस्ट है मेरे पास चार लाख अस्सी हजार रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे पास कितने रुपए? बीस रुपए पर यूनिट यहां से आप डिजायर प्रॉफिट सॉल्व कर लो आपके पास क्या आ जाएगा पांच लाख बीस हजार आ जाएगा आप ऐसे नहीं करना चाहते थे तो एक तरीका और हो सकता था वो भी बता देता हूं आपने कहा सर सेल्स कितनी है पचास हजार इंटू में तीस रुपया सॉरी आप बोलते हैं सर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है पचास हजार यूनिट इंटू बीस रुपया माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है चार लाख अस्सी हजार ये प्रॉफिट आ जाएगा आप डायरेक्ट भी कर सकते थे आप बोलते हैं सर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज्क्ल टू प्रॉफिट आपको जैसे इच्छा करे वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है मुझे देखो ना स्टेटमेंट थोड़ी पसंद आती है तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता सिर्फ स्टेटमेंट में नंबर डालता जाता हूँ मेरा काम हो जाता है ठीक है चलो आगे बात करता हूँ पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड बहुत अच्छा है ध्यान से देखना पॉइंट नंबर कहता है मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन वे द कंपनी नीड्स टू क्लोज द प्रोडक्शन इफ अनफर्डेबल फिक्स कॉस्ट इज डेढ़ लाख रुपए पहले आप इस लाइन को पढ़ो सब लोग सब लोग अब यहां पे ध्यान देना बहुत अच्छा पार्ट है बहुत अच्छा पार्ट है ये एक ऐसी चीज है जो इंस्टीट्यूट नई क्रिएट करता है और कभी भी क्रिएट कर सकता है क्या है मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर द कंपनी नीड्स टू क्लोज द प्रोडक्शन इफ अन अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डेढ़ ये कह रहा है नीड्स नॉट टू क्लोज द बिजनेस मतलब उसे धंधा बंद नहीं करना पड़ेगा उसने कहा भैया मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो चार लाख अस्सी हजार रुपया है अब इसके उसने दो पार्ट कर दिया आपके लिए सुनना ध्यान से पहले समझ लो एक बार उससे बोला एक तो है जी डेढ़ लाख ये तो अनवॉइडेबल है मतलब लगेगी ही लगेगी इसका मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं बिजनेस करूं या ना करूं ठीक है बची कितनी तीन लाख तीस हजार दिस इज avoidable. Avoidable का मतलब है अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो इतने पैसे बचा लूंगा लाइन को बहुत ध्यान से सुनना एक एक वर्ड जो बोल रहा हूं एक बार में समझ आ जाएगा नहीं सुनोगे दोबारा से डाउट में पूछोगे सुनो ध्यान से क्वेश्चन ने कहा भैया चार लाख अस्सी हजार की फिक्स कॉस्ट है जिसके दो हिस्से हैं। एक है जी डेढ़ लाख रुपए जो अनवॉइडेबल है जो चाहे मैं बिजनेस करूं या ना करूं लगना ही लगना है दूसरा है जी तीन लाख तीस हजार अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो ये नहीं लगेगा ये मैं पैसे बचा लूंगा क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन आप कितना सामान बनाओगे ताकि आपको बिजनेस ना बंद करना पड़े आपको बिजनेस बंद करने की जरूरत ना पड़े अब बिजनेस कहां पे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखो अगर मैं इतना पैसा रिकवर कर सकता हूं बिजनेस से इतना मैं कमा सकता हूं तो तो मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा अगर मैं इतना भी नहीं कमा पा रहा तो आइडली मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए अगर आपको इकोनॉमिक्स में याद हो तो वहां पर हम बोलते थे कि भैया जो वेरिएबल पार्ट होता है और यू कैन से जो अवॉइडेबल कॉस्ट होती है अगर आप उतनी भी रिकवर नहीं कर पा रहे तो आपको बिजनेस बंद कर देना चाहिए तो अगर मैं क्या कह रहा हूं मैं फिर सुन लो अगर मैं इतना रिकवर कर सकता हूं इतना कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूं तो तो मुझे बिजनेस चलाना चाहिए बट अगर मैं नहीं कमा पा रहा तो मुझे बिजनेस कम कर देना चाहिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि अगर मैं बंद नहीं करूंगा तो मेरी जेब से एक्स्ट्रा पैसा चाहेगा तो मुझे कम से कम कितना बिजनेस करना होगा अगर मुझे बिजनेस चलाना है तो कम से कम उतना बिजनेस करना होगा जितने भी मैं इतना कमा लू यही क्वेश्चन ने बोला है कि वो मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बताओ वो मिनिमम लेवल ऑफ सेल बताओ कि जहां पर आप बिजनेस को कंटिन्यू करते रहोगे आपको बिजनेस को बंद नहीं करना पड़ेगा मतलब वो लेवल जहां पर मैं इतना अमाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर लूंगा वहां पर मुझे बिजनेस बंद नहीं करना पड़ेगा क्या कहा मैंने लिख देता हूं आपके लिए वो लेवल जहां पर तीन लाख तीस हजार रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न हो जाएगा वहां मुझे बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है बट अगर मैं तीन लाख तीस हजार भी नहीं कमा पाता तो मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए करने की जरूरत नहीं है मैंने कहा मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो बीस रुपए पर यूनिट है मैंने कहा अच्छी बात है एक यूनिट पे मैं बीस रुपए कमाता हूं मैंने कहा कितनी यूनिट बेचूंगा कि मैं तीन लाख तीस हजार रुपए कमा लूंगा मान लो एक्स यूनिट बेचूंगा तो मल्टीप्लाई कर दिया एक्स की वैल्यू आ जाएगी तीन लाख तीस हजार डिवाइडेड बाई कितनी आएगी भाई सोलह हजार पांच सौ यूनिट अगर आप सोलह हजार पांच सौ यूनिट बेचोगे तो कितना कमा लोगे तीन लाख तीस हजार रुपए कमा लोगे ताकि आपका धंधा चलता रहे अगर आप सोलह हजार यूनिट नहीं बेच कमा पा रहे हो सोलह हजार पाँच सौ यूनिट भी नहीं बेच पा रहे हो मान लो आप दस हजार यूनिट दो लाख ही कमाओगे बट आपकी जेब से कितना जाएगा तीन लाख हजार रुपए नुकसान हो जाएगा मैंने क्या कहा अगर आप सपोज आप सिर्फ दस हजार यूनिट बेचते हो तो एक यूनिट पे आप बीस रुपए कमाओगे मतलब आप ज्यादा से ज्यादा दो लाख ,00 रुपये कमा सकते हो ज्यादा से ज्यादा आप दो लाख रुपए कमा सकते हो करेक्ट आपकी जेब से कितना जा रहा है तीन थी लाख तीस हजार तो आपको एक लाख तीस हजार का अननेसे नुकसान है तो कम से कम अगर आप इत, आपको इतना तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा अगर आप बिजनेसमैन रहना चाहते हो वरना आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा ठीक है अगले क्वेश्चन पे चले कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज मैं क्या करता हूं सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा आपके लिए तो मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले एक वर्किंग नोट बना रहा हूं एग्जाम में आएगा आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखो मेरे पास मैं आपको स्टेटमेंट के साथ भी दिखाता हूं बिना स्टेटमेंट के भी दिखाता हूं आपको जो कंफर्टेबल हो बना लेना मैंने कहा मेरे पास सेल्स वेरिएबल कॉस्ट इससे मेरे पे आ जाएगा जी कंट्रीब्यूशन मैंने कहा ठीक है ये आता है मेरे पास कंट्रीब्यूशन इसमें से मैं घटाता हूं फिक्स कॉस्ट तो मेरे पे आ जाएगा जी क्या आएगा मेरे पास प्रॉफिट ठीक है अब क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है सोलह रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्टली इससे करना तो मुश्किल हो जाएगा वैसे बट ठीक है चलो सोलह रुपए की मेरे पास क्या है वेरिएबल कॉस्ट है चार रुपए की मेरे पे फिक्स कॉस्ट है तो ये सोलह रुपए के हिसाब से है तो ये बत्तीस लाख रुपए हो गया चार रुपए के हिसाब से हो गया मेरे पास आठ लाख रुपया ठीक है तो अगर मैं आपको बोलू मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी हो गई फोर्टी लाख रुपीज क्या आप मेरी बात से एग्री करोगे थर्टी टू ,00 लाख रुपीज और आठ लाख रुपए चालीस लाख की टोटल कॉस्ट होगी कंपनी फिक्सेस सेलिंग प्राइस टू फेच अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑन टोटल कॉस्ट मेरा प्रॉफिट कितना है भाई टोटल कॉस्ट का ट्वेंटी परसेंट तो क्या मेरा यह कहना ठीक होगा चालीस लाख का बीस तक का मैं आपको इसको एक दो तरीके से और करके दिखाऊंगा आपको जो कंफर्टेबल हो कर लेना ये सोलह लाख रुपया आ जाएगा ये फोर्टी एट लाख रुपीज आ जाएगा फोर्टी एट लाख रुपीज डायरेक्ट भी आ सकता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स अब दो लाख यूनिट है तो इन टू में कितने रुपए आएगा चौबीस ये आठ रुपए आ गया ठीक है एक तरीका ये है करने का दूसरा तरीका क्या है मैं वो बता देता हूं दूसरा तरीका होता आप क्या बोलते आप बोलते कि सर ये ले लो क्या कहते हैं हम हम बोलते कि सर दूसरा मेथड क्या है सर हमने कहा टोटल कॉस्ट क्या है हमने कहा सर टोटल कॉस्ट है सोलह इंटू में दो लाख प्लस चार इंटू में दो लाख सेल्स कितनी आ जाएगी ये टोटल कॉस्ट जो मेरी आ रही है चालीस लाख है सेल्स आ जाएगी चालीस लाख प्लस बीस परसेंट फोर्टी एट लैख सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरे पास फोर्टी एट लैख डिवाइडेड बाय दो लाख यूनिट चौबीस रुपए पर यूनिट ठीक है दोनों से आंसर सिमिलर ही आने वाला है आप जैसे प्रेजेंट करना चाहते हो कर लो अगर मैं बेटर प्रेजेंटेशन की बात करूं जो आईसीआई चाहता है आपसे वो कुछ इस तरीके की है तो आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो बाकी इसको आप वर्किंग नोट में बना रहे हो तो दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इतनी बात समझ आ गई अब क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है मेरे दोस्त प्रेजेंट ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सर क्वांटिटी में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा फिक्स कॉस्ट है आठ लाख रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है जी आठ रुपया जो हमने यहाँ निकाला एक लाख रुपया आ गई ये तो आ गई यूनिट्स में बीपी यूनिट्स अब रुपीज में भी अगर निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा सर एक लाख यूनिट बेचनी है एक यूनिट कितने की है सर ये निकाला हुआ हमने चौबीस रुपया चौबीस लाख आ गई ठीक है जी काम खत्म हो गया एक तरीका यह है नहीं तो आप वो भी कर सकते हो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो करके आपकी मर्जी है दूसरे में उससे पीवी रेशो मांगी है तो पीवी रेशो तो दोस्त बहुत सिंपल है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सोलह लाख रुपए अड़तालीस लाख की आपकी सेल्स आ गई इन टू हंड्रेड थर्टी थ्री परसेंट ये भी हो गया अब पहले दो पार्ट समझ आ गए सब लोगों को दो पार्ट में किसी को कोई डाउट पहले दोनों पार्ट क्लियर है सब लोगों को किसी को इसमें कोई समस्या मूविंग टू थर्ड पार्ट एवरी वन इज क्लियर विद दिस वेरी गुड चलो पॉइंट नंबर थर्ड रिवाइज ब्रेक इवन सेल इन रुपीज एंड रिवाइज पीवी रेशियो इफ इट रिड्यूसेज इट्स सेलिंग प्राइस बाय टेन परसेंट वो कह रहे हैं भैया सेलिंग प्राइस दस तक कम कर दो मैंने कहा कर लो यार क्या टेंशन है कर देता हूं लो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं साइड में आपके लिए मैंने कर लो क्वेश्चन की तीसरी रिक्वायरमेंट मैंने कहा सेलिंग प्राइस अभी कितना रुपया है चौबीस रुपया कितना रुपए कम करना है टेन परसेंट कितना आ जाएगा इक्कीस साठ पैसे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट सोलह रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आएगा भाई पांच रुपए साठ पैसे पर यूनिट क्वेश्चन ने बोला पीवी रेशो बताओ पीवी रेशो क्या होती है सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन टू हंड्रेड क्वेश्चन ने बोला ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में बताओ मैंने कहा ठीक है क्या होती है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो फिक्स कॉस्ट तो आठ लाख थी आठ लाख ही रहेगी आठ लाख अपॉन पीवी रेशो यहाँ से भाई कोई बताएगा कितनी आ रही है कोई मेरा दोस्त बताएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन थ्री ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन थ्री परसेंट निकाल लो आपके पास बीपी रुपीस रुपीज पे आ जाएगा इतना क्लियर है इसमें कोई समस्या किसी को अभी समझ आ गया ना सब लोगों को अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं लास्ट वाला पार्ट बहुत ध्यान से देखना बहुत प्यारा पार्ट है वट वुड बी रिवाइज सेल्स इन क्वान्टिटी एंड द अमाउंट क्वेश्चन ने बोला सेल्स क्वान्टिटी बताओ और सेल्स अमाउंट बताओ मतलब सेलिंग प्राइस पे कुछ ना कुछ छेड़खानी कराएगा या सेम रखवाएगा इफ द कंपनी डिजायर इंक्रीज ऑफ ट्वेंटी परसेंट मोर देन दजटेड प्रॉफिट कंपनी चाहती है बीस परसेंट ज्यादा कमाना कंपनी चाहती है बीस परसेंट ज्यादा प्रॉफिट कमाना और सेलिंग प्राइस को दस परसेंट से कम करना चाहती है तो मैंने कहा कर ले क्या दिक्कत है ये तो बहुत आसान हो गया सेलिंग प्राइस अभी कितने रुपए है चौबीस रुपए कंपनी कह रही है दस परसेंट कम कर दो कितने रुपए हो जाएगा इक्कीस रुपए साठ पैसे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट अभी कितने रुपए है सोलह रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आएगा पांच रुपए साठ पैसे पर यूनिट कैसे आएगा दोनों का डिफरेंस इक्कीस रुपए साठ पैसे माइनस सोलह रुपए इक्वल टू पांच रुपए साठ पैसे पर यूनिट आपको प्रॉफिट कितना चाहिए क्वेश्चन ने बोला जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है उसमें बीस परसेंट ज्यादा अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आठ लाख रुपया है आप उसमें बीस परसेंट ज्यादा कमाना चाहते हो तो आप नौ लाख साठ हजार रुपए कमाना चाहते हो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है जो पहले थी वही रहेगी आठ लाख रुपया आपको बोला है सेल्स बताओ क्वांटिटी में और अमाउंट में मैंने कहा निकाल लेता हूं सेल्स कैसे निकलेगी दोस्त अगर मैं यूनिट की बात करूं तो बहुत सिंपल है सर डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिजायर प्रॉफिट है नौ लाख साठ हजार रुपया फिक्स कॉस्ट है आठ लाख रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है दोस्त अभी आपने निकाला ऊपर पांच रुपए साठ पैसे ये आ जाएगी यूनिट्स कितनी आ रही है ये थ्री वन फोर टू एट सिक्स थ्री वन फोर टू एट सिक्स और मुझे अगर रुपीज में निकालनी है तो बहुत प्यारी सी चीज है सर थ्री वन फोर टू एट सिक्स यूनिट बेचता हूँ एक यूनिट कितने की बेचता हूँ इक्कीस रुपए साठ पैसे की बेचता हूँ तो थ्री वन फोर टू एट सिक्स इंटू इक्कीस रुपए साठ पैसे सिक्सटी सेवन पॉइंट एट नाइन लैख क्वेश्चन खत्म खलास बताओ जी अब कहा अटका है कौन अटका है ये क्वेश्चन हम वैसे पिछली क्लास में ना सिमिलर तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं जितना मुझे याद है क्वेश्चन नंबर टू आप लोग एक बार ट्राई करना बस मुझे एक छोटा सा पॉइंट बताना है मैं आपको बता दू पहले सब लोगों को फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा एक मिनट सब लोग मेरे साथ ध्यान देंगे एक मिनट सब लोग मेरे साथ ध्यान देंगे चलो ठीक है देखो बच्चे जब आप बात करते हो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट ये जो आता है ना ये होता है प्रॉफिट दिस इज बिफोर टैक्स इसमें मैंने टैक्स माइनस नहीं किया इसमें से जब मैं टैक्स माइनस कर देता हूं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक है सब लोग प्लीज एक चीज ध्यान दे दीजिए जो क्वेश्चन का लास्ट वाला पॉइंट है ना वहां पे उसने आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है मतलब ढाई लाख रुपए दिया है और टैक्स का रेट चालीस परसेंट है हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो जो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है डिजायर्ड प्रॉफिट का है सब जगह आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हो तो अगर मैं आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रहा हूं आपको फॉर्मले लगाने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिएगा जैसे यहां पे उसने बोला सेल्स निकालनी है तो आप करोगे डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन जैसे पीवी रेश्यो रेशो करोगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे ये जो डिजायर्ड प्रॉफिट है दिस इज बिफोर टैक्स तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसको बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा वो कैसे बनाओगे वो देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्सेशन इज टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये ढाई लाख है मैंने कहा ठीक है अब ध्यान से सुनना सब लोग दो तरीके से बताऊंगा जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना टैक्स का रेट कितना है भैया चालीस परसेंट एक तरीका तो ये है मैं बोलता हूं सर अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स सौ रुपया होगा तो टैक्स कितना रुपया होगा चालीस रुपया कितना होगा साठ रुपया तो क्या कहा मैंने कहा अज्यूम अज्यूम एंड अज्यूम प्रॉफिट बिफोर टैक्स सौ रुपया है तो ये चालीस रुपया होगा ये साठ रुपया होगा साठ पे ढाई लाख है सौ पे कितना होगा चालीस पे कितना होगा निकाल लो ढाई लाख जो है साठ पर है सौ पे कितना होगा फोर वन सिक्स सिक्स सेवन एक सिक्स और आएगा चालीस परसेंट कर लो इसका ये आ जाएगा फोर वन सिक्स 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 सेवन ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स टेक्स कितना आएगा फोर वन सिक्स 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 सेवन एक ज्यादा हो गया इन टू में फोर्टी परसेंट स्कोल टू वन सिक्स 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 सेवन अब जब आप फॉर्मले यूज करोगे ना तो आपको ये प्रॉफिट यूज करना है जब आप जितने भी फॉर्मलेट यूज करोगे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज नहीं करना क्वेश्चन ने सिर्फ आपसे मजे थे, थे लिए थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया नहीं तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था दो मिनट और लगा लो मैं इसे सॉल्व करना शुरू करता हूं सिर्फ आप एक शायद हो सकता है कैश ब्रेक इवन पे अटकोगे इसके अलावा बाकी चीजें आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए तो मैं बाकी चीजें नहीं कराऊंगा मैं सिर्फ कैश ब्रेक इवन ही कराऊंगा चलो एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को देखिए जरा

आपको 20 लाख की फिक्स कॉस्ट लेनी पड़ेगी ब्रेक इवन निकालने के लिए कैश ब्रेक इवन में कैश फिक्स आती है। कैश फिक्स, मतलब टोटल फिक्स में से कैश हटा दो जो बचेगा आपको वो लेना होता है ठीक है जी इतनी बात समझ आती है सब लोगों को इसमें किसी को कोई डाउट है अपनी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर सब लोग क्वेश्चन नंबर पांच निकाल लो इस क्वेश्चन को हम अब बना रहे हैं आपको मैंने दिए पांच से दस सात मिनट क्वेश्चन को बनाओ यह क्वेश्चन ऐसा है जो हमने कल किया था इसमें जो आपको मेन चीज अटकेगी मैं वो बता देता हूं वो अटकेगा भैया ये पॉइंट दैट्स इट और कुछ नहीं अटकना चाहिए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं कराऊंगा ये भी ना इतना बड़ा चीज नहीं है अगर आप थोड़ा लॉजिक यूज करोगे तो हो जाएगा ये है टाइप फोर जो हम लोगों ने कल किया था कॉस्ट वेरिएशन वाला जहां पे हमने बोला था कि भैया खर्चा दे रखा है कुछ खर्चा फिक्स है कुछ खर्चा वेरिएबल है आपको क्या करना पड़ेगा फिक्स खर्चे अलग करने पड़ेंगे वेरिएबल खर्चे अलग करने पड़ेंगे तब काम करना पड़ेगा करेक्ट करो जल्दी से फिर आगे बताता हूं आप लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो कि सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी है बस मुझे ये दो नंबर्स निकाल के दे दो आप सब आगे मैं करा देता हूं वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है भाई और फिक्स कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है वो बताओ जरा वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ रहा है थ्री नाइन नाइन टू डबल जीरो फिक्स कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है नाइन्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है पहले सब लोग यहां तक आ जाओ फिर मैं आगे बताता हूं मुझे बस एक मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में एक मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है डन चलो जी आ जाएगा दो लाख दस हजार एक लाख बीस हजार ये चौदह हजार ये आ जाएगा पचपन दो सौ बाकी आपका बैलेंसिंग यहां निकाल लो काम खत्म करो देखिए अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना सब लोग यहां से यहां तक के क्वेश्चन का क्लक्स क्या है पहले वो बता देता हूं किसी का अगर अभी भी अटके तो देख लेना प्लीज मैं क्या करूंगा स्टेप वन पे कॉस्ट को बाइफरकेट करूंगा इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट ठीक है स्टेप टू पे मैंने क्या किया मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी थ्री नाइन नाइन टू डबल जीरो इसमें अभी कमीशन नहीं है तो यहां लिख दिया मैंने एक्सक्लूडिंग कमीशन फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा नाइनटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है अब इस लाइन को पढ़ो द भूटानीज प्रोडक्शन विल बी सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव who will receive a commission of 8% on the selling price. No portion of the Indian office expense is to be allocated to the Botanist subsidy. हमने कहा ठीक है। वो कह रहा है आपको एक commission देना है। Question कह रहा है कि आपको एक commission देना है। जो भी आपका sales price है उसका 8% या जो भी आपकी sales है उसका 8% आप सेल्स ही ले लो आपके लिए इजी रहेगा समझना क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको कमीशन देना है कितना परसेंट देना है भाई कमीशन मैंने कहा ठीक है कमीशन निकाल लो आठ परसेंट देना है तो मैंने कहा सेल्स का आठ परसेंट चलो ठीक है आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कंप्यूटर द सेल प्राइस पर बोतल टू इनेबल द मैनेजमेंट टू रियलाइज एन एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ टेन ऑन सेल प्रोसीड इन भूटान वो कह रहा है मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए सेल्स का टेन परसेंट वो कह रहा है कमीशन दोगे आठ परसेंट और ये कितना दोगे भाई प्रॉफिट कितना दोगे टेन परसेंट ऑन सेल्स हमने कहा ठीक है इतनी बात मुझे समझ आती है क्या आप लोग को भी इतनी बात समझ आती है हमने कहा ठीक है सर अच्छी बात है चलो आपको सेल्स प्राइस निकालना है अब मैं आपको क्लास सिक्स में लेके चलता हूं बहुत सिंपल सी बात है लेट सेल्स प्राइस इज इक्वल टू एक्स तो सेल्स कितनी हो जाएगी दो तरीके हैं काम करने के मैं आपको दोनों तरीके अभी दिखाने लग रहा हूं आपको जो अच्छा लगे वो देख लेना जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना ठीक है मुझे ये पता है बचपन में हमने पढ़ा था सर सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या हम लोगों ने क्लास सिक्स में शायद ये चीज पढ़ी होगी कि सेल्स इज टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मानते हो बात सेल्स कितनी है दोस्त चालीस हजार एक्स कॉस्ट कितना है भैया कॉस्ट में देखो एक वेरिएबल कॉस्ट ये है एक फिक्स कॉस्ट ये है तो थ्री नाइन नाइन टू डबल जीरो प्लस नाइन टू एट डबल जीरो प्लस सर एक कमीशन भी तो खर्चा है हमारा कमीशन लगेगा सेल्स का आठ परसेंट सेल्स कितनी है चालीस हजार एक्स का आठ परसेंट प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है जी सेल्स का दस परसेंट तो सर चालीस हजार एक्स का दस परसेंट एक्स को सॉल्व कर लो सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं लगानी थी इसमें सिंपल मैथ्स लगानी थी क्वेश्चन ने क्या कहा मैंने फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अब अलग क्यों कराई क्योंकि अगले, के लिए मुझे जरूरी है। अगले में जब मांगेगा ना तो मुझे आठ परसेंट है प्रॉफिट जो है सेल्स का दस परसेंट है, है, है मैंने कहा ठीक है अगर सेलिंग प्राइस एक्स है तो सेल्स क्या हो जाएगी चालीस हजार एक्स क्योंकि चालीस हजार यूनिट बेची है क्वेश्चन में लिखा है सेल्स क्या होती है आजकल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स ये आ गई कॉस्ट में क्या आएगा सर ये आएगा ये आएगा ये कमीशन आएगा तो मैंने कहा ये ले लो ये ले लो कमीशन आठ परसेंट है ले लो प्रॉफिट कितना परसेंट है सेल्स का दस टका ये ले लो आप एक्स को सॉल्व कर लो आपके पास क्या आ जाएगा सेल्स प्राइस आ जाएगा कितना आएगा भाई पंद्रह रुपये अब अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक तरीका और दिखा सकता हूं वो और शॉर्टकट है अगर आप बोलोगे तो बता देता हूँ नहीं तो अगर आप इसमें भी खुश हो तो चलेगा मुझे भी एक शॉर्टकट और बताऊं चलो ध्यान से सुनना सब लोग देखो जरा अगर सेल्स सौ रुपया है कमीशन आठ रुपया गया दस रुपया प्रॉफिट गया तो कितना बचेगा एटी टू परसेंट बचेगा एटी टू परसेंट किसके इक्वल है इन दोनों को जोड़ने के इक्वल है क्या कहा मैंने ध्यान से सुनो मैंने कहा अगर सेल्स हंड्रेड रुपया है कमीशन कितना होगा आठ रुपया प्रॉफिट कितना होगा दस रुपया कितना बच गया जी एटी टू रुपया ठीक है ये क्या है मेरे पास कॉस्ट ये किसके इक्वल होगी इन दोनों को जोड़ दो तो इसके इक्वल आ जाएगा मतलब जोड़ू कितना आ रहा है तीन लाख बानवे हजार दो सौ प्लस नाइन्टी टू एट हंड्रेड फोर लैख नाइन्टी टू थाउजेंड अगर एटी टू पे इतना है तो सौ पे कितना होगा सेल्स कितनी आएगी फोर लैख नाइन्टी टू थाउजेंड अपॉन एटी टू इंटू में हंड्रेड ठीक है, सेल्स आ गए इतनी यूनिट्स कितनी है आपके पास चालीस हजार पर यूनिट कितना होगा इस तरीके से ना आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो कि पंद्रह रुपए आ रहा है नहीं आ रहा सॉल्व आपने ऐसे कर दिया मान लो ये जो पूरा तरीका लगाकर चेक यहां से कर लिया कि भैया मेरा आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा तो दिस इज ऑल्टरनेटिव वे आउट जो आप चेकिंग के लिए यूज कर सकते हो इतना याद रहेगा सब लोगों को ठीक है एक चीज और बताना यार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही थी आप लोगों ने निकाली थी नौ रुपए कितने पैसे थे यार नौ रुपए नहीं ये कितना आ रहा था थ्री नाइन नाइन टू डबल जीरो नौ रुपए अंठानवे पैसा ठीक है पहला पार्ट खत्म चलो तीसरा पार्ट सॉल्व दूसरा पार्ट सॉल्व कर लें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस सेल्स एंड ऑल्सो इन द नंबर ऑफ बोटल्स ऑन सेल्स प्राइस इज चौदह रुपए पर बोतल मैंने कहा ओके okay. क्या क्वेश्चन मेरे से यह चाहता है कि सर मैं क्या निकालू मैं निकालू ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स फॉर्मूला क्या होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी है 92,800 टू थाउजेंड एट हंड्रेड क्या अभी तक सब लोग मेरे साथ हैं इस टॉपिक पे क्या सब लोग मेरे साथ हैं अभी तक इस टॉपिक पे चलो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा दोस्त कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना दिया है चौदह रुपए वेरिएबल कॉस्ट 9.98 अब मेरा आपसे सवाल ये है क्या कमीशन वेरिएबल कॉस्ट होगा या नहीं होगा अगर होगा तो वो भी माइनस कर देना नहीं होगा तो माइनस मत करना बस ये एक सवाल है क्या कमीशन वेरिएबल कॉस्ट होगा मैं बोलूंगा बट भाई वो तो सेल्स के ऊपर है फिर वेरिएबल कॉस्ट क्यों होगा वो तो सेल्स के ऊपर है ना वेरिएबल कॉस्ट क्यों होगा मैन्युफैक्चरिंग वाला खर्चा ही तो वेरिएबल कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर तो तो होता है वेरिएबल कॉस्ट ये सेल्स तो के ऊपर है फिर क्यों होगा सिंपल लॉजिक है मैंने आपको जब मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू कराया था पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था देखो मुझे टट्टू फर्क पड़ता है चाहे मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है चाहे सेलिंग का खर्चा है किस चीज का खर्चा है मुझे तो बस ये बताओ पर यूनिट में सेम रहेगा सेल्स बढ़ेगी तो बढ़ेगा अब चौदह रुपए पे आठ परसेंट मतलब एक रुपए बारह पैसे एक रुपए बारह पैसे आएगा ना एक रुपए बारह पैसे फिक्स है पर यूनिट इतना ही रहेगा जैसे जैसे सेल्स बढ़ाते जाओगे ये भी बढ़ता जाएगा तो दिस इज एक रुपए बारह पैसे ये कैसे आया यहां पे सॉल्व कर दिया चौदह का आठ परसेंट ये कितना आ जाएगा दो रुपए नब्बे पैसे दो रुपए नब्बे पैसे से डिवाइड कर लो यूनिट आ जाएगी वैल्यू निकालने के लिए चौदह रुपए से मल्टीप्लाई कर देना काम खत्म क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा पहले फिफ्टी करेंगे ए कंपनी अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ कैपेसिटी ऑफ डेढ़ लाख यूनिट पर हमने है नामने कहा ठीक है समराइज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ईयर इज एस अंडर कंपनी ने क्या किया है एक लाख बनाई है और बेची है कितने रुपए में बेची है पंद्रह लाख रुपए में देखो कंपनी की बट कितनी डायरेक्ट मटीरियल ये है डायरेक्ट लेवल ये है प्रोडक्शन ओवरहेड इतना वेरियबल है इतना फिक्स है इतना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है इतना सेलिंग ओवरहेड है इतना ये हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है क्या एक चीज बताओ अभी तक क्वेश्चन के डेटा में कोई दम है अभी तक कैन आई से क्वेश्चन का डेटा बहुत सिंपल है अगर मैं बात करूं सेल्स की तो सेल्स इतनी है ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है सारी वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होगी बच्चे ये वेरिएबल कॉस्ट होगी ये वेरिएबल कॉस्ट होगी ये वेरिएबल कॉस्ट होगी ये वेरिएबल कॉस्ट होगी ठीक है और ये मेरी फिक्स कॉस्ट है ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट है ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट है क्या आप लोग मुझे वेरिएबल कॉस्ट का टोटल बता सकते हो कितना है और फिक्स कॉस्ट का टोटल बता सकते हो कितना है फिक्स कॉस्ट तो आएगी जी डेढ़ लाख तीन लाख छह लाख रुपए फिक्स कॉस्ट आ जाएगी तो साढ़े छह लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में देखते हो टोटल पे देखते हो पर यूनिट में तो साथ, साथ क्या लिख दो और सिक्स पॉइंट फाइव जीरो पर यूनिट ठीक है अभी तक मैंने कोई नई चीज नहीं करी है मैंने कहा भैया इतना पढ़ के मुझे सिर्फ इतना समझ आता है और कुछ नहीं समझ आया और मुझे समझ आया कि मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना है पंद्रह रुपया क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं देखो वट विल बी द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स आपको सेल्स पे 25 परसेंट चाहिए इफ पैकिंग इज एट अ कॉस्ट ऑफ पर यूनिट वो कह रहा है कि पैकिंग आपने इंप्रूव करी है और आपका खर्चा कितना आ रहा है भाई एक रुपया पर यूनिट आपका खर्चा आ रहा है मैंने कहा ठीक है अब ध्यान से देखो हाँ बेटा बोल तो आप सही रहे हो बढ़ाना तो मुझे आइडली फिक्स कॉस्ट में ही चाहिए बट फिर भी एक बार देख लेते हैं मैं देखो एक बार सॉल्यूशन क्या कह रहा है सॉल्यूशन भी यही कह रहा है वैसा चलो एक चीज बताओ मुझे क्या निकालना है सबसे पहले ये बताओ सेल्स क्या आप दोनों तीनों मेरी इस बात से एग्री करते हो ठीक है सेल्स, प्रॉफिट कितना दिया है बच्चे पच्चीस परसेंट ऑन सेल्स बाकी लोग चाहो तो बना लो मैं जरा दो तीन लोगों से बात करता चलूंगा यहां पर प्रॉफिट दिया है मेरे पास 25% परसेंट ऑफ सेल्स मैंने कहा ठीक है आ, तो क्या मैं चलो ठीक है बाद में देखेंगे इफ पैकिंग कॉस्ट कॉस्ट इज एट अ ऑफ पर यूनिट हमने कहा ठीक है पैकिंग कॉस्ट क्या कर रहे हो एक रुपए से बढ़ा रहे हो एक चीज बताओ क्या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाओगे फिक्स कॉस्ट बढ़ाओगे क्या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाओगे या फिक्स कॉस्ट बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ानी है बढ़ा दो चलो ठीक है इतना डन है मस्त है इतनी भली चंगी बात है कोई दिक्कत नहीं है चलो इतना है आपके पास और कुछ नहीं है आप बताओ सेल्स कितनी होगी अब हमें सोचना है कि सेल्स कैसे निकाले बताओ क्या क्या सोच सकता हूं मैं यहाँ पे वट आर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल विद मी अब आप थोड़ा फॉर्मुले पे मत जाना सिंपल क्लास सिक्स क्लास सेवन के बारे में सोचना कि आप किस तरीके से निकाल सकते हो समझ हैं यही कहना चाहते हो ना सब लोग और तो कुछ नहीं कहना चाहते चलो एक छोटी सी चीज और चेंज कर देता हूं मरने दो सेलिंग प्राइस कितना है बताओगे कि जरा छोड़ो सब कुछ मुझे नहीं पता मान लो एक्स यूनिट है ठीक है क्या मैं कहूं सेल्स कितनी होगी क्या मेरा इतना कहना ठीक होगा जो आप बोले थे ना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वही करूंगा क्या मेरा इतना कहना ठीक है कॉस्ट की बात करो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है साढ़े सात रुपए एक्स फिक्स कॉस्ट कितनी है छ लाख प्रॉफिट कितना है भाई सेल्स का 25 परसेंट तो सेल्स अगर आपकी पंद्रह एक्स है इतना डन है मेरे को तो सेल्स चाहिए थी ना मैंने क्वांटिटी ले ली मैंने सेल्स निकाल लिया प्रॉफिट निकाल लिया कॉस्ट निकाल लिया क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं एक्स कितना आ रहा है बताओगे कितना आएगा एक लाख साठ हजार आंसर चेक कर ले? ये लो. सेल्स कितनी आ जाएगी प्रॉफिट कितना आ जाएगा पच्चीस परसेंट अब नाउ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू देखो मुझे पता है कॉस्टिंग में ना हर क्वेश्चन में बम फूटेगा मैं जानता हूं आपको झूठ बोलूंगा झूठ बोल के भी क्या करूंगा पेपर तो आपके आगे ही होता है बट क्या मैं इतना तो सोच ही सकता हूं ना बट मैं क्या इतना तो सोच ही सकता हूं आगे देखो दे इज एन ऑफर फ्रॉम अ लार्ज रिटेलर फॉर परचेजिंग थर्टी थाउजेंड यूनिट पर एन एम

एक एडिशनल ऑर्डर आया है तीस हजार यूनिट का याद करो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था एडिशनल ऑर्डर से रिलेटेड जहां पे मैंने आपको बोला था प्राइसिंग डिसीजन में जब बताया था कि बेटा आ, वो खर्चा जो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है मुझे उसे इंक्लूड नहीं करना तो बेसिकली अगर मेरी फिक्स कॉस्ट अफेक्ट नहीं हो रही है तो मैं उसको तो इंक्लूड नहीं करूंगा ठीक है अब ये क्या कह रहा है कि सर तीस हजार रुपए पर यूनिट सॉरी तीस हजार यूनिट बनानी है मैंने कब बनाऊंगा भाई फिर उसने बोला इसको बनाने के लिए आपको एक दो रुपए की पैकिंग का खर्चा करना पड़ेगा तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं इस तीस हजार यूनिट को बनाने में एक पैकिंग का खर्चा आएगा दो रुपए पर यूनिट एडिशनल खर्चा है मैंने कहा ठीक है आगे वो कह रहा है इन दिस केस देर विल बी नो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वो कह रहे आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा मतलब ये खर्च नहीं होगा ना तो वेरिएबल खर्च होगा ना फिक्स खर्च होगा मैंने कहा मतलब जो कंपनी बेच रही थी वो तो बेचेगी ही मतलब कंपनी की फिक्स कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा तो यह भी नहीं लगता क्या इतना समझ पाए आप लोग पहले बताओ इतना समझ आता है सब लोगों को क्वेश्चन ने बोला कि मेरे पास एक ऑर्डर आया है तीस हजार यूनिट को बनाने का मैंने कहा भैया मैं बना दूंगा उसने कहा बना देना बनाने में जो भी खर्चा लगता है क्या खर्चा लगेगा मटेरियल लगेगा लेबर लगेगा ओवरहेड लगेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला फिक्स कॉस्ट तो लगेगी नहीं और सेलिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी तो इनमें से तो कोई लगेगा नहीं तो ये तो सारे मेरे लिए बेकार है लगेगा क्या मेटीरियल लेबर ओवरहेड मैंने कहा ठीक है मेटीरियल कितने रुपए लगता है वेरिएबल कॉस्ट है तो आपको किस में बात करनी पड़ेगी पर यूनिट पे बात करनी पड़ेगी तो एक लाख यूनिट बनाने में कितना लगता है तीन लाख रुपया तो तीन रुपए पर यूनिट दो रुपए पर यूनिट साठ पैसा पर यूनिट तो मुझे सामान बनाने में कितने पैसे लगेंगे पांच रुपए साठ पैसे पर यूनिट लगेंगे मैन्युफैक्चर करने में अब कंपनी क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो क्वेश्चन ने बोला मुझे बताओ व्हाट विल बी द ब्रेक इवन प्राइस मतलब क्वेश्चन कह रहा है मुझे तीस हजार यूनिट का प्राइस बताओ जब मैं प्रॉफिट कितना, कितना लेना चाहता हूं जीरो अगर प्रॉफिट जीरो है तो सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी कॉस्ट मानते हो बात कॉस्ट क्या है सर पैकिंग के दो रुपए लगते हैं बनाने के पांच रुपए साठ पैसे लगते हैं टोटल खर्चा लग गया सात रुपए साठ पैसे इंटू तो कॉस्ट आ जाएगी दो लाख अट्ठाईस हजार रुपये ये मेरी सेल्स आ गई और अगर मुझे सेलिंग प्राइस बताना है पर यूनिट क्योंकि क्वेश्चन ने प्राइस बोला है तो वो कैसे निकल जाएगा सर दिस अपॉन में यूनिट्स सात रुपये साठ पैसे

तो मैं आपको बोलूंगा बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला आपको क्वेश्चन ने बोला इनमें से कुछ भी नहीं लगेगा तो जब नहीं लगेगा तो हटा दो ना यार लगेगा क्या तीन ही चीजें लगेंगी कितना खर्चा आ रहा है ये लो काम खत्म कोई डाउट कोई शंका कोई शक क्वेश्चन नंबर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सेल्स मिक्स के ऊपर क्वेश्चन बड़ा मस्त है तो एक काम करेंगे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फिर आप लोग बनाना फिर मैं बताऊंगा इसमें अगर जो जो आपको प्रॉब्लम आएगी पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ठीक है बात समझ आती है पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कैसे करना है फिर आप लोग एक बार ट्राई करना फिर मैं बताता हूं जहां पर भी आप अटकोगे आ जाओ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखे पहले चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट आ जाओ जरा सब लोग को मिल गया क्वेश्चन नंबर थर्ड कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन नंबर थर्ड ना मिला हो मिल गया सब लोगों को बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया सुनिए जरा प्रिशा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट हम मैंने कहा ठीक है बना ले भाई एंड फॉलोइंग हैज बिन कलेक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट वो तीन प्रोडक्ट बनाती है प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी सेल्स मिक्स दे रखा है सेल्स मिक्स के केस में कैसे होता है काम हमें पता है हमने पढ़े थे दो मेथड मेथड वन मेथड टू मेथड वन में हम क्या करते हैं पीवी वी रेशो का पीवी uh, वी रेशो को सेल्स मिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं मेथड टू में हम क्या करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेल्स मिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं करेक्ट अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है तो हम मेथड नंबर वन लगाएंगे एग्री करते हैं सब लोग मेरी बात हम यहाँ पे क्या मेथड यूज करेंगे मेथड क्योंकि मुझे नहीं पता वैल्यू की रेशो है क्वांटिटी की रेशो है किसकी रेशो है तो मैं मानता हूं वैल्यू की रेशो है ठीक है आगे बात करते हैं सेल्स uh, मिक्स दे दिया मैंने कहा अच्छी बात है सेलिंग प्राइस दे दिया मैंने कहा बहुत अच्छी बात है वेरिएबल कॉस्ट दे दिया बहुत अच्छी बात है तो क्या मैं यहां से कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं और पीवी वी रेशो निकाल सकता हूं ठीक है तो यहां से मैं पीवी वी रेशो निकाल सकता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं मेरे को देखो क्वेश्चन में नहीं पता क्या पूछा है बट मैं देख रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं तो मुझे जब पता है मेथड वन में मुझे क्या चाहिए होता है पीवी वी रेशो चाहिए होती है तो मैं हर एक का पीवी वी रेशो तो निकाल ही सकता हूं ये तो मुझे समझ आ गया और फिर मैं पीवी वी रेशो को सेल्स मिक्स की रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा तो कंपनी लेवल पे मेरे पे पीवी वी रेशो आ जाएगी ये मेरे को फिक्स कॉस्ट दे दी ये मेरे को सेल्स दे दिया अभी तक का क्वेश्चन आई गेस क्लियर है एंड वी आर ऑल्सो क्लियर अभी तक कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है हमें पीवी वी रेशो निकालनी है और पीवी रेशो को सेल्स मिक्स की रेशो से मल्टीप्लाई करना है आप सबको इतनी बात समझ आती है इज एवरी वन विद मी ऑन दिस राइट नाउ द कंपनी हैज करेंटली अंडर डिस्कशन अ प्रपोजल टू डिसकंटिन्यू द मेन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट सी कंपनी कह रही है कि ये जो सी है ना ये सी है ये अच्छा नहीं है हटा दो इसे एंड रिप्लेस इट विद प्रोडक्ट ई वो कह रहा है सी की जगह ई e लेकर आ जाओ हमने कहा ठीक है तो ये ई e का डेटा दिया हुआ है आपको सी नहीं दिया हुआ उसे कहा सी को हटाएंगे ई e लेकर आएंगे जब ई e लेकर आएंगे तो क्या होगा ये प्रपोज है ऐसा होगा हुआ नहीं है होगा ये सेल्स मिक्स हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस है वेरिएबल कॉस्ट है सेलिंग प्राइस है वेरिएबल कॉस्ट है मैंने कहा ठीक है फिर दिया है आपको फिक्स कॉस्ट और ये सेल्स मैंने कहा ठीक है तो मैं इसका भी चाहूंगा अगर क्वेश्चन बोलेगा तो इसका भी मैं पीवी वी रेशो निकाल सकता हूं हर एक का कंपनी लेवल का पीवी वी रेशो भी निकाल सकता हूं सब कुछ कर सकता हूं इतनी बात समझ आती है तो देखो कहना से अभी तक क्वेश्चन का डेटा सेट आपको और मेरे को क्लियर हो गया कि क्वेश्चन हमसे चाहता क्या था मतलब क्वेश्चन ने डेटा क्या दिया है करेक्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कैलकुलेट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो क्या होता है पीवी रेशो और टोटल का मतलब हो गया कंपनी लेवल पे देखो अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल पर प्रोडक्ट की बोलता है तो अलग बात है उसने बोला टोटल 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 मतलब कंपनी लेवल पे पीवी रेशो बताओ और ब्रेक सेल्स बताओ एट एग्जिस्टिंग सेल्स मिक्स ये जो सेल्स मिक्स है ना इसके लेवल पे आपको एक तो पीवी रेशो बतानी है कंपनी की और दूसरा ब्रेक इवन सेल्स बतानी है तो क्या मेरा यह कहना ठीक होगा कि अगर मुझे कंपनी की पीवी रेशो चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा इंडिविजुअल की पीवी 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 निकालनी पड़ेगी ऑफ़ ऑफ़ ए बी टू में चालीस टका पैंतीस टका पच्चीस टका जब मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो कंपनी की पीवी रेशो आ जाएगी और स्टेप टू पे मुझे क्या निकालना है भाई ब्रेक इवन सेल्स ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो एक चीज तो ये करनी है ये मुझे समझ आ गई आई गेस क्लियर हो गया दूसरे पॉइंट में बोला सेम ही चीज निकालो रिवाइज के लिए पहले इसके लिए मांगा फिर प्रपोज के लिए मांगा आई गेस निकाल सकते हैं सब कुछ सेम है कोई फर्क तो पड़ता नहीं है अपने को फिर पहले दो चीजें बोली फिर तीसरा आप बताओ क्या प्रपोज सेल्स मिक्स मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए भाई देखो छोटी सी बात है एक धंधे का उसूल है अगर मुझे ज्यादा फायदा हो रहा होगा तो मुझे करना चाहिए नहीं तो मुझे नहीं करना चाहिए अगर मेरी पीवी रेशो बढ़ रही होगी मतलब मुझे ज्यादा फायदा हो रहा होगा तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं तो नहीं करना चाहिए क्या आप सब मेरी इस बात से एग्री करते हैं आर यू गाइज एग्री विद मी ऑन दिस और नॉट अगर मेरी पीवी रेशो बढ़ रही होगी मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है मेरे को फायदा ज्यादा हो रहा है जब फायदा ज्यादा हो रहा है तो भाई किसी ने रोका एक्सेप्ट करने से कर लेना एक्सेप्ट क्या मैं ये कहूं कि मुझे ये क्वेश्चन समझ आता है कि कैसे बनेगा क्या आप लोग बना पाओगे क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट आ जाओ जरा याद करो मैंने कल आपको जब वैरायटी बताई थी तो सबसे लास्ट वैरायटी बताई थी मिसलेनियस कंसेप्ट ये का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए सब लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे अगर हमें ये समझ आ गया ना कि ये क्वेश्चन कैसे बनाना है फिर तो बनी जाएगा यार फिर क्या चिंता है इस क्वेश्चन की एक ही नब्स है नब्स क्या है मैं आपको बता दूंगा दो मिनट में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है कि अगर वो हमें पता हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक मिनट पर निपटा सकते हैं जैसे अपने को टू पीरियड वाले क्वेश्चन का पता था ना कि सर उसमें तो एक ही चीज पकड़नी है पीवी रेशो अगर पीवी रेशो पकड़ ली हम लोगों ने तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इस क्वेश्चन की नब्स को पकड़ेंगे थोड़ी देर में आओ टू कंपनीज ए एंड बी आर प्लानिंग टू मर्ज दो कंपनीज है जो सोचती है कि हम मर्ज कर लेते हैं ए और बी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 90 परसेंट और 60 परसेंट मतलब ये 90 परसेंट के लेवल पे काम कर रही है या 60 परसेंट के लेवल पे काम कर रही है हमने कहा ठीक है सेल्स है 90 परसेंट पर इतनी 60 परसेंट पर इतनी वेरिएबल कॉस्ट है 90 परसेंट पर इतनी इसकी 60 परसेंट पर है ये फिक्स कॉस्ट इतनी इतनी एक बात बताओ चाहे ये नब्बे परसेंट पे काम करे एट्टी परसेंट पे काम करे सत्तर परसेंट पे काम करे अस्सी परसेंट पर काम करे क्या मेरी फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या मेरी फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा यस और नो बस इतना बताओ मुझे मैंने कहा ठीक है सब लोग एग्री करते हो ना ठीक है मान ली बात अज्यूम करो कि प्रपोजल को इम्प्लीमेंट कर दिया हमने कहा ठीक है कर दो भाई कैलकुलेट करो ब्रेक इवन सेल्स ऑफ द मर्स प्लांट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट दैट स्टेज क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है आप ब्रेक इवन सेल्स बताओ मर्ज प्लांट की दोनों को मिला के जो बनेगा उसकी आ, बताओ बताओ और capacity utilization बताओ उस पे पे मतलब break -even sales कितने परसेंट capacity पे आ रही है का है है ठीक अब 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 छोड़ दो सब कुछ, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ऐसे question को करने का शॉर्टकट मतलब एक बताता हूं, ताकि आपको ना क्वेश्चन पे ग्रिप आ जाए एक ही बार में देखो तकलीफ क्या है तकलीफ यह है कि सर हमारे पास दो का डेटा है अगर मेरे पे एक ही डेटा होता फिर चाहे वो मेरे से ब्रेक सेल्स पूछे चाहे मेरे से प्रॉफिटेबिलिटी पूछे चाहे टर्न ओवर पूछे या कुछ भी पूछ ले मैं निकाल लेता मानते हो मेरी बात को अगर मान लो यहाँ पे बी नहीं होता सिर्फ ए ही होता तो तो देखो सेल्स भी है वेरिएबल कॉस्ट भी है पीवी वी रेशो निकाल लूंगा फिक्स कॉस्ट है ब्रेकेबल सेल्स वगैरह सब निकाल लूंगा करेक्ट तो एक काम करते हैं पहले इन्हें मर्ज करते हैं बस यही है शॉर्टकट इस क्वेश्चन को करने का मर्ज द प्लांट्स यहां पर एक चीज छोटी सी जो सोचने वाली है सर जब मैं प्लांट को मर्ज करता हूं तो क्या मैं पूरे प्लांट को मर्ज करता हूं या सिर्फ ए की नाइंटी परसेंट कैपेसिटी और बी की साठ परसेंट कैपेसिटी को मर्ज करता हूं सोच के बताना जब मैं मर्ज करूंगा दो प्लांट एक साथ जुड़ेंगे दोनों को एक साथ काम करने पे लगाएंगे तो क्या सिर्फ नाइन्टी परसेंट साठ परसेंट की कैपेसिटी मर्ज होगी या उनकी पूरी कैपेसिटी ही मर्ज हो जाएगी लेट मी टेक एन अनदर एग्जाम्पल फॉर यू आपको इससे और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा शादी के टाइम पे सुनना ध्यान से जरा शादी के टाइम पे मान लो आ, मतलब शादी के टाइम पे क्या होता है लड़का और लड़की एक फैमिली में आ जाते हैं मान लो लड़के की पॉकेट के अंदर तो पांच हजार रुपये पड़े हैं बट उसके बैंक बैलेंस में दस लाख रुपए पड़े हैं क्या शादी के बाद लड़की का अधिकार सिर्फ उसकी पॉकेट में जो पांच हजार या दस हजार पड़े हैं, उस पर होगा या जो बैंक बैलेंस है पूरे उस पे भी होगा सोच लो जरा पूरे पे होगा लड़कियों का अधिकार वैसे भी पूरे पे ही हो जाता है वो नहीं भी बोले तो भी हो जाता है मानते हो बात सेम वे में शादी भी तो क्या है एक मर्जर ही तो है अमल कमिशन ही तो है भाई दो लोग साथ में चलने का डिसीजन लेते हैं सेम वे में जब आप प्लांट को मर्ज करोगे तो आप पार्शियल कैपेसिटी मर्ज नहीं करोगे आप हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी मर्च करोगे तो मर्च द प्लांट एट हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी दिस इज द रामबाण अब इसको करने के लिए सर अगर हमें हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी मर्च करनी है तो हमें ए की भी हंड्रेड परसेंट चाहिए बी की भी हंड्रेड परसेंट चाहिए मानते हो बात बस यही निकालना है तो कैलकुलेट एज हंड्रेड परसेंट एंड बीज हंड्रेड परसेंट और मिलाकर एक ए प्लस बी बना दो ए बी एट हंड्रेड परसेंट मैं करके दिखा रहा हूं ध्यान से देखना ए बी सेल्स नाइन्टी परसेंट पे सेल्स है सिक्सटी थ्री लैख हंड्रेड परसेंट पे कितनी होगी भाई सत्तर लाख सबको क्लियर होती है बात नाइनटी परसेंट पर है सिक्सटी थ्री लैख हंड्रेड परसेंट पे कितनी होगी सत्तर लाख एवरी वन इज क्लियर विद वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी बता दो यार थर्टी नाइन लैख सिक्सटी थाउजेंड एंड नाइनटी परसेंट पर 100 पे कितनी होगी फोर्टी फोर लैख मैंने कहा बहुत अच्छी बात देखो मैंने सॉल्व नहीं किया जो बच्चों ने बताया वही लिया ठीक है नाइनटी परसेंट पे तेरह लाख है हंड्रेड परसेंट पे कितनी होगी तेरह लाख डिवाइडेड बाय नाइनटी इन टू हंड्रेड ऐसा होगा नहीं जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इसी तरीके से करना है जो मैं कर रहा हूं आपके लिए भी नया क्वेश्चन है क्योंकि क्योंकि अदर कैटेगरी में था मैंने पहले करा दिया अब अब मैं आपको बाकी की कैटेगरी चलना शुरू कर रहा हूं ठीक है नहीं तो बच जाएंगी सेम वे में बी का निकालो साठ परसेंट पे अड़तालीस लाख है तो हंड्रेड परसेंट पे क्या हो जाएगा अस्सी लाख ये कितना आएगा बाईस लाख पचास हजार है साठ परसेंट पर सैतीस लाख पचास हजार ये आ गया बयालीस लाख पचास हजार ये आ गया पंद्रह लाख का पंद्रह लाख ही रहेगा मानते हो मेरी बात को और ये आ जाएगा सताईस लाख पचास हजार ठीक है एवरी एवरी वन विद मी ऑन दिस अब अगर मुझे मर्ज करना है तो ए बी को जोड़ दो पति ने सारा कब्जा लिया पति का रोकड़ा वोकड़ा सब कुछ तो ये हो जाएगा डेढ़ करोड़ सॉरी पति ने कब्जा लिया पति कहा कब्जा है यार पति तो बेचारा सीधा साधा होता है ये लो कितना आ जाएगा एटी एट लैख फिफ्टी थाउजेंड ट्वेंटी एट लैख इतने में किसको समस्या है पहले मेरे से पूछियो दिस इज स्टेप स्टेप अगर आपने ये कर लिया इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि आपको बोलेगा कि प्लांट को मर्ज करना है मर्च करना है मर्ज 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 करना कर दो बट हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी पर यह जनवरी इक्कीस का क्वेश्चन है बिल्कुल नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अचानक से फ्रेम कर दिया आधे बच्चों को नाइनटी परसेंट बच्चे क्या किया जाए सिर्फ एक ही स्टेप का क्वेश्चन करने के लिए क्या मर्ज कर दो बट मर्ज करना हंड्रेड परसेंट पर ए की कैपेसिटी निकाल ली बी की कैपेसिटी निकाल ली मर्ज करो काम खत्म ठीक है इतनी बात कैर अब इतना सबको डन है अब मैं आगे सॉल्व नहीं करने वाला मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको देखो चलो ब्रेक इवन सेल्स ऑफ द मर्ज प्लांट एंड द कैपेसिटी एट डेथ स्टेज ब्रेक इवन सेल्स बतानी है मर्ज प्लांट की आपसे मैंने इसकी ब्रेक इवन सेल्स पूछी है से सेल्स कैसे निकलती है भाई फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो फिक्स ये हो गई पीवी रेशो कैसे निकालोगे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करके हो जाएगा क्या मैं कॉन्ट्रीब्यूशन वो करके निकाल लूंगा कितनी आ रही है ब्रेक इवन सेल्स यस और नो तो मान लो ब्रेक इवन सेल्स आ रही है मेरे पास फोर सेवन फोर फाइव सेवन सिक्स टू कैसे निकलेगा अट्ठाइस लाख अपॉन पीवी वी रेशो पी -वी रेशो आप खुद निकाल लेना मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये कितना परसेंटेज कैपेसिटी है टोटल डेढ़ करोड़ है ये कितना परसेंटेज कैपेसिटी होगी तो कैसे निकालोगे फोर सेवन फोर फाइव सेवन सिक्स टू अपॉन डेढ़ करोड़ देख लो एक बार फिर से सुन लो सब लोग प्यार से देखो क्वेश्चन ने ब्रेक इवन सेल्स बोली थी ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलती है सर फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी वी रेशो ये गलत है क्या ब्रेक इवन सेल्स इज द ब्रेक इवन सेल्स गलत गलत है भाई ये Uh, ये ब्रेकिवन सेल्स गलत है वैसा अच्छा मैंने वेरिएबल कॉस्ट गलत ले ली क्या आप लोगों ने बताई थी यार मैंने तो कुछ नहीं लिया ठीक तो है कंट्रीब्यूशन गलत ले लिया मैंने ओके सॉरी आई एम सॉरी दिस इज सिक्स एट तो ये भी चेंज हो जाएगा फिर तो भैया कैलकुलेशन अपनी ठीक करना पेपर में गड़बड़ मत करके आना तो आपकी ये चेंज हो जाएगी सॉरी ये हो जाएगी सिक्स वन थ्री वन थ्री एट सिक्स तो ये आप निकाल लेना इसको चेंज कर लो ठीक है हो जाएगा ये पार्ट

कंट्रीब्यूशन आ जाएगा फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना आपके पास जो भी प्रॉफिट होगा आ जाएगा ये हंड्रेड परसेंट पर ना दोस्त एटी परसेंट पर कितना होगा निकाल लेना फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी माइनस करना प्रॉफिट आ जाएगा ठीक है इतना समझ आता है क्या हम बना सकेंगे इसे क्या हम बना पाएंगे इसे अब जो चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ना मैं पहले उसके ऊपर एक डिस्क्लेमर डाल दू भैया बहुत सब्जेक्टिव चीज है क्वेश्चन कहीं भी कैसे भी कहीं भी घुमा देगा मैं आपको मल्टीपल तरीके के इस पे क्वेश्चन दिखा सकता हूं और हर क्वेश्चन खुद में अलग दिखेगा तो इसमें कोई भी आपका फॉर्मेट नहीं चलने वाला इसमें थोड़े से लॉजिक्स चलेंगे लॉजिक्स क्या होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ वो आपको बिल्ड करने की कोशिश करता हूं मैं ठीक है आओजरा हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंट बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर देखो लिमिटिंग फैक्टर का जो बेसिक फंडा है बहुत सिंपल है हमारे पास लिमिटेड होते हैं मानते हो बात ऐसा तो है नहीं कि रिसोर्सेज बहुत अनलिमिटेड है जो चाहे जितना चाहे जैसे चाहे ले ले इतना तो कर नहीं सकते जो मनी है जो पैसा है जो टाइम है जो रिसोर्सेज है बहुत लिमिटेड है फॉर एग्जाम्पल आपके पास चौबीस घंटे है आप सोचो कि सर मैं बारह घंटे सी पढ़ लेता हूँ छः घंटे मैं सी पढ़ लेता हूँ ठीक है थोड़ा टाइम मैं जिम में भी चले जाता हूँ दो तीन घंटे दोस्तों के साथ भी चले जाता हूँ क्या पॉसिबल है आपके लिए करना आपके पास दिन में चौबीस घंटे हैं मैंने क्या कहा आपको पढ़ना भी है दोस्त से भी मिलके आना है शादी में भी घूम के आना है सोना भी है खाना भी है नहाना भी है रहना भी है सब कुछ करना है क्या कर पाओगे बट ऑन द अदर साइड मैं आपको बोलूं आपका दिन 80 घंटे का है क्या अब कर पाओगे सर अब तो कर लेंगे 12 घंटे पढ़ लेंगे तीन घंटे की मूवी देख लेंगे दो घंटे दोस्त से मिलाएंगे बारह तीन पंद्रह दो सत्रह चार घंटे इधर उधर के काम कर लेंगे इक्कीस साठ घंटे सो जाएंगे कुंभकर्ण तो हम है ही साठ घंटे हम सो जाएंगे कुंभकर्ण हम है ही कुंभकर्ण को भी हमने पीछे छोड़ रखा है सोने में तो प्रॉब्लम समझ पा रहे हो क्या प्रॉब्लम इज डर आप जितना काम करना चाहते हो उतना नहीं हो सकता हमें दो दिन मिले चार दिन मिले जैसे एग्जाम होता है अब आप खुद सोच लो पेपर के लिए लास्ट में आते आते हमारे दिल में यही आता है सर बस दस दिन और मिल जाते ना पेपर बहुत अच्छा तैयार हो जाता सर बस पांच दिन और मिल जाते हैं ना तो पेपर बहुत अच्छा तैयार हो जाता अगर मैं आपको छह महीने और दे दूंगा ना तो छह महीने के बाद जब छह महीना खत्म हो रहा होगा तब भी आप यही बोलोगे सर बस पांच दिन और मिल जाते ना तो काम बन जाता तो दिस हैपेंस तो बिजनेस में भी ऐसे ही होता है बिजनेस में भी क्या है बिजनेस में भी कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं आपको देखना पड़ेगा कि आप उन रिसोर्सेज का कैसे यूज करोगे अभी मैंने आपको कोई कॉस्टिंग का कंसेप्ट नहीं समझाया आप किस तरीके से अपने समय का यूज करना चाहोगे अगर मैं मान लो आपको 12 घंटे देता हूं 24 घंटे देता हूं क्या आप समय को ऐसे यूज करोगे जो आपको सबसे ज्यादा फायदा दे या आप समय को ऐसे यूज करोगे ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं नुकसान भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता चलने दे आपके पास चौबीस घंटे है क्या आप अपने टाइम को ऐसे यूज करना चाहोगे कि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सबसे ज्यादा एफिशंसी मिले सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो या आप टाइम को ऐसे यूज करोगे चल यार टाइम ही तो है कट जाएगा यू ही कट जाएगा सफर साथे चलते चलते करेक्ट कैसे करोगे बेस्ट एडवांटेज में करोगे बिजनेस भी यही कहता है बिजनेस कहता है कि भैया मान ली बात समय लिमिटेड है बट समय लिमिटेड है तो क्या हुआ मुझे जो चीज सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है वो यूज करनी पड़ेगी दिस इज कॉल्ड ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जहां पे आपको क्वेश्चन क्या करेगा बताएगा कि ये लिमिटेशन है चाहे मेटीरियल लिमिटेशन है चाहे लेबर लिमिटेशन है चाहे टाइम लिमिटेशन है चाहे सेल्स वैल्यू लिमिटेशन है लिमिटेशन किसी की भी हो सकती है क्वेश्चन की मर्जी है जो बोलेगा देगा आपकी कोशिश है आप उस तरीके से अपने रिसोर्सेस को यूज करो आपको सबसे ज्यादा फायदा हो जाए मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको देखो जरा ध्यान से मैंने कहा सुनना मेरी बात मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं ए एक प्रोडक्ट बनाता हूं बी ठीक है इसका जो कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूशन क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे पंद्रह रुपए देता है ये मुझे दस रुपए देता है ठीक है मैंने कहा मेरे पास मशीन आवर्स है पांच हजार एक एक करके कंसेप्ट बिल्ड करूंगा अभी बस आराम से सुनते जाना लॉजिक देखते जाना मैंने कहा एक यूनिट बनाने में मुझे पांच घंटे लगते हैं यहां पे भी पांच घंटे लगते हैं आपसे सवाल आता है कि भैया इस पांच हजार यूनिट में मुझे क्या बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए अभी मैंने कोई कंसेप्ट नहीं समझाया मैं कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए और एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे देखो, मैंने आपको बोला मैंने कहा भाई देखो सुनना सब लोग ध्यान से मेरी अप्रोच सुनना मैंने कहा आवर पर यूनिट मैंने क्या कहा सुना मैंने कहा भाई ए मुझे पंद्रह रुपए देता है बी मुझे दस रुपए देता है तो क्या मैं ए बनाऊ मैंने कहा अच्छी बात है ए बनाओ पंद्रह रुपए दे रहा है डेटा को थोड़ा सा मैं आपके लिए चेंज कर देता हूं अब मुझे बताओ क्या बनाना चाहिए फिर मैं बताता हूं क्या होना चाहिए अब मुझे बताओ क्या बनाना चाहिए मैंने अभी आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझाया अभी मैं सिर्फ आपका कॉमन सेंस टेस्ट करना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए आप सबने बोला बी बनाना चाहिए मैंने कहा अच्छी बात है क्यों बोला आपने ऐसा सोच के बताओगे जरा जो आप सोच के बताओगे ना वही मेरा कंसेप्ट बनेगा आप ठट्टी करते ऐसा आप बताओ क्या बनाओगे अब देखो मैं क्या करना चाहता हूं वो ध्यान से देखना मैंने कहा भाई अब मेरे तरीका सुनना मैंने कहा स्टेप नंबर वन आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर मैंने कहा पहले ढूंढो कमी कमी क्या है कंस्टेंट क्या है तो आपने कहा आवर्स पे कंस्टेंट है तो मैंने कहा ठीक है तो मुझे वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा जो मुझे इस कंस्टेंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर मैंने कहा देखो मैं तीस रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन एन करता हूं बीस रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड करता हूं अर्न करने के लिए पांच घंटे लगाता हूं इसके लिए छह घंटे लगाता हूं तो क्या मैं ये कहता हूं कि मैं एक घंटे में कितने रुपए अर्न करता हूं यहां पे मैं एंड करता हूं छे रुपए यहां पर मैं एंड करता हूं पांच रुपए सिंस मुझे पता है मेरे जो आवर्स है वो बहुत कीमती है तो मुझे उसमें पैसा लगाना चाहिए जो मुझे सबसे ज्यादा कीमत निकाल के दे तो मैंने कहा ए का एक घंटा ए अगर मैं बनाता हूं तो एक घंटे के छह रुपए मिलेंगे बी बनाऊंगा तो एक घंटे के पांच रुपए मिलेंगे तो आइडली मुझे क्या बनाना चाहिए ए बनाना चाहिए इतनी बात समझ आती है तो फिर मैंने कहा स्टेप नंबर थ्री आप क्या कर दो आप रैंकिंग कर दो रैंक प्रोडक्ट्स तो आपने कहा पहले आपने स्टेप टू पे ये छह रुपये निकाला ये पांच रुपये निकाला फिर आपने रैंकिंग करी कि जी मुझे ए को पहले बनाना चाहिए फिर मैं बी को बनाऊंगा इतनी बात समझ आ गई अब चलो आगे बात करता हूं इसी में थोड़ा सा और वेरिएशन कर रहा हूं आप लोगों के लिए इसी एग्जाम्पल में सुनते जाना बस अभी आपको ये जितना आसान लग रहा है ना जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो मजा आएगा फिर देखना कि अच्छा सही तो बनके राजी नहीं हो रहा हमसे मैंने कहा मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ए कैन बी ए का मैं ज्यादा से ज्यादा 500 यूनिट बना सकता हूं क्यों बना भी लूंगा तो मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं इसीलिए मैंने कहा ए का मैं ज्यादा से ज्यादा कितना यूनिट बनाऊंगा 500 यूनिट बनाऊंगा अब क्या करूंगा वो देखो ध्यान से अब सुनना ध्यान से तो आपने कहा सर स्टेप वन पे मुझे क्या करना है लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना है मैंने कहा सर मशीन आवर्स सर स्टेप टू पे मुझे क्या करना है मैंने कहा आपको पर लिमिटिंग फैक्टर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो आपने ए का बोला तीस बटे छे बी का बोला बीस बटे चार्टो पांच स्टेप नंबर थ्री पे बोला मैंने आपको रैंकिंग करनी है तो आपने कहा पहले मैं ए बनाऊंगा फिर मैं बी बनाऊंगा स्टेप टू पे मैं बाद में मैं बी बनाऊंगा अब जब मैं ए को बनाने गया तो मैंने कहा ए कितनी बना सकता हूं ज्यादा से ज्यादा पांच सौ यूनिट अब इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखेगा बस यही स्टेप है जो काम का है बाकी कुछ भी काम का नहीं था मैंने कहा चलो ए की यूनिट्स बनाते हैं एक ही यूनिट कितने घंटे अवेलेबल है पांच हजार घंटे अवेलेबल है एक बनाने में कितने घंटे लगते हैं छह लगते हैं तो मैं कितनी मैक्सिमम यूनिट बना सकता हूं मेरे पास आई जी आठ हजार तीन सौ तेतीस इतनी मैं बना सकता हूं बट क्वेश्चन ने एक और लिमिटेशन दे दी क्वेश्चन ने कहा भैया पांच सौ से ज्यादा मत बनाना तो मैं मैक्सिमम कितनी बनाऊंगा मैक्सिमम मैं बनाऊंगा मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ए पांच सौ यूनिट मैं बनाना तो चाहता हूं आठ सौ तेतीस क्योंकि इसको बनाने से मुझे सबसे ज्यादा फायदा है बट क्वेश्चन ने बोला नहीं मैं अलाउ नहीं करता पांच सौ से ज्यादा बनाने की तो आप बोलोगे चलो ठीक है यार पाँच सौ बना लेते हैं अब जब आपने पांच सौ बनाई तो आपके कितने आवर्स यूज हो गए आपने कहा पांच सौ यूनिट बनाई एक यूनिट बनाने में छह घंटे लगे तो तीन हजार घंटे मेरे यूज हो गए कितने घंटे बचे हैं अभी भी, भी? अनयूज आवर्स कितने हैं आपने कहा पांच हजार में से भाई तीन हजार घंटे मैं लगा चुका हूं दो हजार घंटे मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं क्या इन दो हजार घंटों को मैं खराब कर दूं या इसमें मैं बी बना लूं क्या इन दो हजार घंटों को मैं खराब करूं या इसमें मैं बी बनाऊं बी बनाऊं तो दो हजार घंटे हैं एक बी की यूनिट बनाने में चार घंटे लगते हैं तो आप बी की कितनी यूनिट बनाओगे पांच सौ यूनिट बनाओगे तो आप बोलोगे आप ए की पांच सौ यूनिट बना रहे हो बी की भी आप 500 यूनिट बना रहे हो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम आउटपुट इसी आउटपुट पे आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो स्टेप फोर की जब आप बात करोगे स्टेप फोर फर्स्ट प्रोड्यूस रैंक वन स्टेप फाइव check or maximum output. step 5. then produce rank 2 product with remaining resources. step 6. Then produce rank 3 product with remaining resources. अगर तीन प्रोडक्ट है चार प्रोडक्ट है तो ऐसे बनाते हुए चले जाना दिस इज दिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन अब लिमिटेशन आपसे अलग अलग जगह पे कहीं पे भी किसी भी चीज में दे सकता है क्वेश्चन क्वेश्चन की इच्छा है आवर्स में लिमिटेशन दे सकता है मेटीरियल में लिमिटेशन दे सकता है जिसमें क्वेश्चन बोलेगा उसमें लिमिटेशन दे देगा आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या आपको इतनी बात समझ आती है क्या आपको ये छह चीजें समझ आई जो मैंने अभी यहां पर लिखी इज एवरी क्लियर विद पक्का सब लोग क्लियर है आपको एक एग्जाम्पल और बिल्ड करूंगा आपके लिए क्वेश्चन ध्यान से देखना आप लोग इसे सॉल्व करोगे मैंने कहा कोई प्रोडक्ट है ए कोई प्रोडक्ट है बी मैंने कहा ठीक है मैंने कहा इसमें जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो लगता है जी उसकी कॉस्ट है जी दस रुपये पर यूनिट इसमें लगा जी पचास रुपये का इसमें लगा जी साठ रुपये का क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखना आराम से ध्यान से तसल्ली से मैंने कहा जब मैं डायरेक्ट लेबर की बात करता हूं तो वो भी मान लो दस के हिसाब से लगता है चालीस और तीस वेरिएबल ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं तो पच्चीस रुपये लगता है और तीस रुपये लगता है दिस इज माय पर यूनिट डेटा ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट दी है नब्बे और एक सौ पंद्रह एक सौ बीस ठीक है अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो इसका सेलिंग प्राइस है एक सौ चालीस इसका है जी एक सौ डेढ़ सौ अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करूँ पच्चीस हजार और ठीक है मैंने कहा आ, मेरे पास जो मटेरियल है मटेरियल मैक्सिमम जो अवेलेबल है वो है मेरे पास एक लाख इक्कीस हजार यूनिट्स मैंने कहा अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है पे मैक्सिमम इतना अवेलेबल है मैंने कहा अच्छी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक मिनट एक लाख ले लो चलो लेबर आर सेपरेट फॉर ए एंड बी मैक्सिमम लेबर आर ए के लिए इतनी है बी के लिए इतनी है

को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे 120 कर देता हूं सर ठीक है आपको बोला गया है आप प्रोडक्ट फिक्स बताओ विच विल गिव मैक्सिमम प्रॉफिट बस इतना सा सवाल है आपसे और कोई सवाल नहीं मैंने कहा क्वेश्चन पहले क्या है मैं समझाता हूं यहां पे पिछले वाले में मैंने एक लिमिटिंग फैक्टर लिया था यहां पे मैं दो लिमिटिंग फैक्टर ले रहा हूं आपको समझाने के लिए देखो, मैंने कहा एक प्रोडक्ट है ए जिसको मटेरियल इतना लगता है मतलब मटेरियल की कॉस्ट इतनी है लेबर की इतनी है वेरिएबल ओवर रेट इतना है वेरिएबल कॉस्ट इतनी लगती है ये सेलिंग प्राइस है ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया सेम तरीके से मैंने बी का आपको निकाल के दे दिया फिर मैंने कहा मटेरियल जो मैक्सिमम अवेलेबल है वो एक लाख बीस हजार यूनिट अवेलेबल है मतलब एक हजार एक लाख बीस हजार किलो अवेलेबल है यूनिट्स अवेलेबल है इससे ज्यादा मेरे पे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है मैंने कहा ठीक है दिस इज माय लिमिटिंग फैक्टर आप इसको बोल सकते हो कि आ, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है आप बोल सकते हो ये हमारे पास स्केरसिटी है आप बोल सकते हो कि ये मेरे पास, पास शॉर्टेज है आप बोल सकते हो कि ये मेरा लिमिटिंग फैक्टर है

इतनी बात समझ आती है हमने कहा ठीक है ये बात तो हमें क्लियर हो गई अब आपको बोला गया कि प्रोडक्ट मिक्स बताओ जो आपको देगा। मैंने देखना मत करो, मेरे साथ बस देखो इस क्वेश्चन को।, को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर लिया यहां पे लिख दिया अब इसको मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं मैं अपने उन्हीं स्टेप्स पे आऊंगा वापस स्टेप नंबर वन मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ कहा, कहा, मुझे नहीं पता क्या मेरा लिमिटिंग है या लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है कौन सा मेरा लिमिटिंग फैक्टर है? है क्योंकि ये भी तो मैक्सिमम है ना इससे ज्यादा तो मैं यूज नहीं कर सकता तो मेरे पे दोनों ही लिमिटिंग फैक्टर है तो मेरे को थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा तो मैंने कहा ठीक है चलो मैंने कहा देखो ध्यान से मैंने कहा मैं मटेरियल की बात करता हूं फॉर एग्जांपल पहले आप मटेरियल ले लो कि मान लो मटेरियल आपका लिमिटिंग फैक्टर है अगर मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो समझाता हूं लेबर है तो फिर कैसे करूंगा वो समझाता हूं ध्यान से देखना मैंने कहा जी मटेरियल मेरा लिमिटिंग फैक्टर है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा पॉइंट फिर मुझे क्या निकालना होता है स्टेप टू पे कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना होता है पर लिमिटिंग फैक्टर तो मैंने कहा कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो पर लिमिटिंग फैक्टर पर लिमिटिंग फैक्टर मतलब देखो मटेरियल की यूनिट्स आपकी लिमिटिंग फैक्टर है जैसे पिछले वाले में लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर थे यहाँ पे मटेरियल की यूनिट्स लिमिटिंग फैक्टर है पिछले वाले में आपने निकाला था कंट्रीब्यूशन पर आवर यहाँ पे आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिर बता रहा पिछले क्वेश्चन के अंदर जब हम कर रहे थे तो आपने क्या बोला था आपने बोला था कहा गया आपने कहा था कि सर हमारा मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है तो जब वो लिमिटिंग फैक्टर था तो मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाला मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर निकाला क्योंकि मेरे आवर्स लिमिटिंग है मेरा है आवर्स आवर्स मेरा में प्रॉब्लम है तो मैंने पर आवर कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला अभी मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा मेटीरियल है ना वो लिमिटिंग है मान लो तो मैंने पर मेटीरियल निकाला कि भैया पर यूनिट में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करता हूं तो मैंने कहा अगर मैं एक ही बात करूं तो ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है वो देखो अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है पच्चीस रुपए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है तीस रुपए ओके इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ और है हमारे पास मालूम है क्या इन दोनों का पर आवर सेम आएगा ओहो इसको चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा आपके लिए इसको कर देते हैं हम सत्तर रुपया इसको कर देते हैं हम तीस रुपया और इसको कर देते हैं बीस रुपया ठीक है अब मैंने कहा चलो ठीक है ये तो मुझे समझ आ गया अब मुझको चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स और यू कैन से आर एम पर यूनिट एक यूनिट बनाने के लिए मेरा कितना रॉ मटेरियल लगता है आपको वो चाहिए तो आप कैसे निकालोगे उस चीज को वो ध्यान से देखो आपने कहा भैया पचास रुपए की कॉस्ट आती है एक रॉ मटेरियल की यूनिट दस रुपए की है तो मैंने कितनी यूनिट लगाई होगी पांच यूनिट लगाई होगी यहाँ पे कितनी यूनिट लगाई होगी दस यूनिट लगाई होगी मानते हो, हो बात मुझे पिछले वाले में क्या चाहिए था मैंने पर आवर निकाला था यहाँ पे मैं निकालूंगा पर मेटीरियल की यूनिट तो मुझे उसके लिए चाहिए कि एक यूनिट बनाने के लिए मैं कितना मेटीरियल लगाता हूँ पिछले वाले में मेरे पे लेबर आवर था पर उसका तो यहां पर मैं क्या निकालूंगा कि एक यूनिट बनाने के लिए मैं कितने कितने क्या लगाता हूं कितना मटेरियल लगाता हूं तो मैंने कहा लो जी एक यूनिट बनाने के लिए यहां पे मैं पांच यूनिट लगाता हूं यहां पे मैं सात यूनिट लगाता हूं मान लो पांच किलो लगाता हूं यहां पे मैं सात किलो लगाता हूं तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर यूनिट पर आर एम मान लो चलो कितना आएगा पांच और चार रुपये तीस पैसा ठीक है तो अब मैंने स्टेप टू कंप्लीट किया स्टेप टू के बाद मुझे क्या करना है रैंकिंग देनी है तो स्टेप थ्री पे मैंने रैंक किया मैंने कहा मैं 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 पहले पहले क्या पहले मैं ए फिर मैं क्या बनाऊंगा 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 ए फिर फिर जी बी मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बना लेते हैं चलो आगे देखते हैं अब आपने कहा कि सर सबसे पहले ए बनाओ मैंने कहा सारा ए बना देता हूं चलो अगर मैं सारा ही ए बना दू मेरे पे टोटल सामान कितना है एक लाख बीस हजार यूनिट अगर मैं सारा ही ए बना दू तो मैं कितना ए बनाऊंगा चौबीस हजार यूनिट बनाऊंगा बट अब यहां पर क्वेश्चन की आपको दूसरी रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी मैक्सिमम लेबर आवर्स की वो कहता है बट मैक्सिमम लेबर आवर फॉर ए इज इक्वल टू 60,000 थाउजेंड आवर आपके पास टोटल तो साठ हजार घंटे है एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगाते हो आप यहां से निकालो चार इंटू दस इंटू दस ये दस रुपए का रेट है ना तो यहां से आपने निकाला कि एक को बनाने में आपको चार घंटे लगते हैं बी को बनाने में आपको तीन घंटे लगते हैं मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है तो अगर मेरे को A को बनाने में घंटे लगते हैं तो मैं मैक्सिमम ए कितना बना सकता हूं अगर मेरे पे टोटल साठ हजार घंटे अवेलेबल हैं, मैं मैक्सिमम एक घंटे में चार यूनिट मतलब एक यूनिट बनाने के लिए मुझे चार घंटे लगते हैं तो मैं मैक्सिमम कितना बना सकता हूं पंद्रह हजार यूनिट मैं बना सकता हूँ इससे ज्यादा मैं बना ही नहीं सकता ऑल दो मैं बनाना कितनी चाहता हूँ चौबीस हजार बट मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी बना सकता हूं पंद्रह हजार तो मैं बोलूंगा कि मैं मैक्सिमम ए का कितना बनाऊंगा मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ए विल बी पंद्रह हजार यूनिट क्योंकि इससे ज्यादा मैं बना ही नहीं पाऊंगा मेरे पे लेबर आवर्स नहीं है तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर फोर अब स्टेप नंबर फाइव पे मैंने आपको बोला था आपको एक बार ए बन गया इसके बाद ए में कितना सामान यूज हो जाएगा आपने कहा टोटल मटेरियल मेरे पास कितना है भाई टोटल मटेरियल है एक लाख बीस हजार यूनिट ए में कितना कंज्यूम हो गया आपने कहा ए में कंज्यूम हो जाएगा जी पंद्रह हजार पंद्रह हजार बना रहे हो पंद्रह हजार इंटू पांच तो कितना बचेगा पैंतालीस हजार इससे आप क्या बनाओगे बी बनाओगे तो बी का प्रोडक्शन आप कितना करोगे मैक्सिमम आप बोलोगे मेरे पे पैंतालीस हजार यूनिट अवेलेबल है एक यूनिट बनाने में सात लगते हैं तो मैं कितना बना सकता पैंतालीस हजार हूँ याद रखना लोअर राउंड ऑफ होगा हायर राउंड ऑफ नहीं होगा हायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सामान कम पड़ जाएगा सामान ही नहीं होगा तो बनाओगे कैसे मैंने कहा ठीक है ये बात समझ आ गई बट सर क्या इतने लेबर आवर्स है अवेलेबल मेरे पास आपको साथ साथ एक चीज और चेक करनी पड़ेगी क्या मेरे पास इतने लेबर आवर्स हैं क्या मेरे पास इतने लेबर आवर्स हैं कि मैं इतना प्रोडक्शन कर सकूं कि इतना प्रोडक्शन हो सके तो आपने कहा चलो चेक कर लेते हैं आपने कहा बी के लेबर आवर्स है जी साठ हजार एक यूनिट बनाने में लगता है जी तीन यहां पे हमने निकाला साठ हजार टोटल लेबर आवर्स है ये दे रखा क्वेश्चन में और तीन घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने में तो आपने कहा मैं, मैं मैक्सिमम कितनी बना सकता हूं मैं बीस हजार बना सकता हूं दिस इज माय मैक्सिमम आउटपुट बट सिंस मेरे पे सामान कम है तो मैं कितनी बना रहा हूं इतनी तो मैं कह रहा हूं कि मैं सिक्स बनाना चाहता हूं तो क्या मैं बना सकता हूं आप बोलोगे बना सकते हो आपकी कैपेसिटी इतनी है बट आप इतना बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो कोई दिक्कत थोड़ी ना तो आप बोलोगे बी का प्रोडक्शन कितना होगा 6428 यूनिट्स ये हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म ये मांगा था क्वेश्चन ने मेरे से ओवरऑल मैं एक बार क्विकली आपको पूरा क्वेश्चन रिवाइज कराता हूं ध्यान से सुनना थोड़ा सा टिपिकल है अनडाउटली जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको हो सकता है और भी लगे तो इसीलिए बड़े प्यार से सुनना ध्यान से तसल्ली से मैंने कहा एक प्रोडक्ट है ए एक प्रोडक्ट है बी ये इसमें मेटीरियल लगता है ये इसमें लेबर लगता है उससे मुझे बोला दस रुपए पर यूनिट का रेट है तो मेरे को यहां से समझ आया कि अगर पचास रुपए लगा है तो मटेरियल की एक यूनिट कितने की लगी होगी तो यहां से मुझे समझ आता है कि दस रुपए की यूनिट है तो मैंने पांच यूनिट लगाई होगी यहाँ पे दस रुपए की यूनिट है तो मैंने सात यूनिट लगाई होगी डायरेक्ट लेबर की बात करूं तो एक घंटे के मैं दस रुपए देता हूं तो चालीस रुपए दिया है तो चार घंटे लगाए होंगे यहाँ पे तीन घंटे लगाए होंगे मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है ये मुझे समझ आ गया फिर मैंने कहा मटेरियल मेरे पास मैक्सिमम कितना है एक लाख बीस हजार क्वेश्चन बता देगा कि क्या आपका लिमिटिंग फैक्टर है आपको चिंता की जरूरत नहीं है फिर उससे बोला ये तो ठीक है बट मेरे पास लेबर आवर्स जो मैक्सिमम अवेलेबल है ना वो इतना इतना है ठीक है प्रोडक्ट मिक्स आपको बताना है कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओगे तो आपने क्या किया चलो जी ठीक है तो अब आप आए अपने वही स्टेप्स पे जो हम बात कर रहे थे उन्हीं स्टेप से चलना शुरू करते हैं

तो जब मुझे पता है कि मेरे जो किलो है जो वेट है वो लिमिटेड है तो मुझे कौन सा बनाना चाहिए आप बोलोगे मुझे ए बनाना चाहिए पहले फिर मुझे बी बनाना चाहिए क्योंकि ए मुझे ज्यादा कमा के दे रहा है बी मुझे कम कमा के दे रहा है मैंने कहा ठीक है मैंने कहा चलो ए बनाते हैं तो मैंने कहा देखो मेरे पे इतना सामान है एक बनाने में पांच किलो लगता है तो टोटल मैं चौबीस हजार यूनिट बना सकता हूं बट आपने कहा क्वेश्चन ने एक चीज और बोली थी क्वेश्चन ने बोला मैक्सिमम घंटे इतने अवेलेबल है ए के लिए तो मैंने कहा चलो यार देख लेता हूँ कितना मैक्सिमम बना सकता हूँ तो आपको पता लगा ज्यादा से ज्यादा पंद्रह हजार यूनिट बना सकते हो ऑल दो आप चाहते हजार यूनिट बनाना था बट आपकी कैपेसिटी से हजार की है तो आप सिर्फ पंद्रह हजार यूनिट ही बनाओगे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ए विल हजार यूनिट फिर आपने कहा चलो यार चलो एक तो बना देता हूँ पंद्रह हजार बी कितना बनाऊंगा तो आपने कहा पहले टोटल मटेरियल लिखा इसमें से आपने लिखा ए में कितना कंज्यूम हो जाएगा पंद्रह यूनिट बनानी है एक को बनाने में पांच किलो लगेगा कितना बचेगा मेरे पे सामान इसमें मैं क्या बनाता हूँ बी बनाता हूँ तो मेरे पे इतनी यूनिट आ गई मैंने कहा चलो यार लगे हाथ एक बार ये भी चेक कर लू क्या मेरी इतनी क्षमता भी है कैपेसिटी भी है लेबर आवर्स है या नहीं तो मैंने कहा बी को बनाने के लिए साठ हजार लेबर आवर्स अवेलेबल है एक यूनिट बनाने के लिए तीन घंटे लगते हैं तो आप मैक्सिमम बीस हजार यूनिट बना सकते हो और आप कितना बनाना चाहते हो सिक्स तो आपने कहा आपकी कैपेसिटी तो इतनी है आप बट इतना बनाना चाहते हो तो आप बोलोगे ओके मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं इतनी यूनिट्स बना के क्लोज करूंगा तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है आपको प्रोडक्ट मिक्स बताना है तो आप बोलोगे ए का आप इतना बनाओगे बी का आप इतना बनाओगे इसके बाद क्वेश्चन आपसे प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह निकलवा सकता है तो आप क्या बोलोगे इतना मेरा इसका आउटपुट है इन टू कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे प्रॉफिट आ जाएगा यहां तक का क्वेश्चन होता है जो कष्टदायी होता है उसके बाद में तो कुछ नहीं होता एक बच्चे का सवाल आया कि सर कभी ऐसा हो कि इनका रेट इक्वल आ रहा हो तो बेटा वहां पे क्वेश्चन एक और लिमिटिंग फैक्टर आपको जरूर देगा क्योंकि अगर इनका रेट इक्वल आ जाएगा जैसे अगर यहां पे मैं बात करूं यहां पे तो इतना इतना आ गया बट अगर ऐसा हो कि रेट ही इक्वल आ रहा है अगर रेट इक्वल आ रहा है इसका मतलब मालूम है क्या है इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आपसे कुछ और भी करवाना चाहता है क्वेश्चन बोलेगा यहां तो तुम कुछ भी करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन एक और लिमिटिंग फैक्टर देगा चाहे तो लेबर का लिमिटिंग फैक्टर देगा चाहे मशीन आवर्स का लिमिटिंग फैक्टर देगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन और देगा अदरवाइज कभी भी इक्वल नहीं होगा ठीक है जी इतनी बात समझ आती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन एक बार ट्राई करना चाहोगे सब लोग मैंने जो पहला पार्ट कराया था ना जिसमें एक लिमिटिंग फैक्टर था ये वो वाला क्वेश्चन है मतलब उसी तरीके का क्वेश्चन है एक बार क्वेश्चन रीड करोगे सब लोग देखिए एबीसी लिमिटेड सेल्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई दो प्रोडक्ट बेचता है एक्स और वाई प्रोडक्ट इज हाइली डिमांडेड इन द मार्केट और ये आपको डेटा दिया है मटेरियल दिया वेजेस दिया ओवरहेड्स दिया सेलिंग प्राइस दिया क्या मैं यहां से कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं कंट्रीब्यूशन कितना कितना आ जाएगा दोस्त कंट्रीब्यूशन कितना दो सौ दो सौ बीस अस्सी रुपया और यहां पे कितना आ जाएगा दो सौ अस्सी तीन सौ बीस एक सौ तीस रुपया क्या इतना क्लियर है सब लोगों को इसमें कोई दिक्कत क्या मैं यहां से एक चीज और निकाल सकता हूं देखो मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा बट यहाँ पे ना उसने बोला पांच पर मशीन आवर एक घंटे के पांच रुपए लगते हैं और आपने कितने रुपए लिए हैं बीस रुपए तो कहना से आपने फोर आवर्स लगाए होंगे इंटू फाइव और एट आवर्स लगाए होंगे इंटू फाइव क्या आप इतनी बात समझ पाते हो मेरी अभी तक यहाँ पे चार घंटे लगाए होंगे यहाँ पे आठ घंटे लगाए होंगे अभी तक क्वेश्चन में मैंने पढ़ा नहीं है बट क्वेश्चन के डेटा से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा सा कराना चाह रहा होगा कहा ठीक है चलो आगे देखते हैं द कंपनी इज फेलिंग मशीन आवर्स लो जी बोल दिया स्टेप वन में लिमिटिंग फैक्टर निकालना होता है तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है जी मशीन आवर्स मैं आपके लिए हाँ पे लिखना शुरू करता हूं साथ में मैंने कहा था स्टेप वन पे आपको क्या निकालना होता है लिमिटिंग फैक्टर तो आप बोलोगे आपका जो स्केयर है किसकी है मशीन आवर्स की है स्टेप टू पे तो फिर मैं क्या निकालूंगा मैं निकालूंगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर या दूसरे शब्दों में कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आवर तो अगर मैं एक्स की बात करूं मैं वाई की बात करूं कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है मेरे दोस्त अस्सी रुपया एक सौ तीस रुपया कितने लग रहे हैं भाई चार घंटा और आठ घंटा पर आवर कितना आ जाएगा भाई बीस रुपया और सोलह रुपया पच्चीस पैसा ठीक है इतना समझ आता है आगे देखते हैं अगर मैं यहां से रैंकिंग देना चाहूं स्टेप थ्री वाली तो रैंकिंग क्या आएगी पहले मैं बनाऊंगा रैंक वन पे एक्स फिर बनाऊंगा रैंक टू पे वाई ठीक है अब आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए अभी तक इतना क्लियर है स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री सबको क्लियर है कोई ऐसा है जिसको अभी तक डाउट हो इस चीज में चलो एट प्रेजेंट वो कह रहा है कि कितने मशीन आवर्स अवेलेबल है साठ हजार मशीन आवर्स अवेलेबल है तो ये टोटल कैपेसिटी हो गई मैंने कहा ठीक है एट प्रेजेंट मंथली जो डिमांड है वो इतनी और इतनी है मतलब इससे ज्यादा लोग खरीदते नहीं है तो इससे ज्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्या कह रहा हूं मैं इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि भैया लोग ही डिमांड इतनी करते हैं क्या आप डिमांड से ज्यादा बनाना चाहोगे नहीं बनाना चाहोगे करेक्ट तो मैंने कहा चलो ठीक है स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फोर में कहा मैंने कहा चलो यार एक्स बनाना है चलो एक्स बनाते हैं कितना बनाएंगे मैंने कहा साठ हजार घंटे अवेलेबल है एक यूनिट बनाने में चार घंटे लगते हैं तो मेरे पे मैक्सिमम मैं कितना बना सकता पंद्रह हजार यूनिट बना सकता हूं बट डिमांड कितने की है आठ हजार की तो मुझे कितनी यूनिट बनानी चाहिए सो एबीसी शुड मेक उजेंड यूनिट बोलो ऐसा क्यों क्योंकि भाई अगर आपने पंद्रह हजार यूनिट बना दी लोग आठ हजार लॉजिक समझ आता है आपको ये। अब तो मैं बोलूंगा एक्स मैक्सिमम कितना बनेगा एक्स बनेगा जी आठ हजार यूनिट अब स्टेप फाइव पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा मैंने कहा टोटल साठ हजार कितने अनयूज आवर बचे हैं टोटल साठ हजार घंटे थे जिसमें से एक्स को बनाने में कितने यूज हो गए एक बनाने में आठ चार घंटे लगते हैं आपने आठ हजार बनाए तो थर्टी टू थाउजेंड आवर्स लग जाएंगे आपके तो कितने बच गए दोस्त अट्ठाईस हजार आवर्स बच गए तो आप बी वाई कितना बनाओगे ज्यादा से ज्यादा आप बोलोगे अट्ठाईस हजार घंटे अवेलेबल है एक यूनिट बनाने में आठ घंटे लगते हैं तो कहना ही से पैतीस सौ यूनिट मैं बना सकता हूं मानते हो बात और मेरी डिमांड कितनी है छह हजार की तो मेरे आप पैंतीस सौ यूनिट बिक जाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बात समझ आती है चलो एक लास्ट स्टेप और करके दिखा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ने प्रॉफिटेबिलिटी मांगी है प्रॉफिट मांगा है कितना होगा तो मैंने कहा प्रॉफिट निकाल देता हूं मैंने कहा एक्स की मैं आठ हजार यूनिट बनाता हूं वाई की मैं 3500 सौ यूनिट बनाता हूं प्रॉफिट क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है कितना है भाई अस्सी रुपया और एक सौ तीस रुपया अस्सी रुपया और एक सौ तीस रुपया अगर ये दोनों मिला दूंगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा अस्सी रुपया और एक सौ तीस रुपया नहीं था कॉन्ट्रीब्यूशन तो अस्सी रुपया और एक सौ तीस रुपये ही है ना भाई एक यूनिट पे तो अस्सी रुपये कमाते हो ना और पैंतीस सौ यूनिट पे एक सौ तीस रुपया वन जीरो नाइन फाइव ट्रिपल जीरो तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया वन जीरो नाइन फाइव ट्रिपल जीरो फिक्स कॉस्ट कितनी दी है क्वेश्चन ने प्रॉफिट मांगा था ना दो लाख पच्चीस हजार की फिक्स कॉस्ट है आठ लाख सत्तर हजार का प्रॉफिट आ गया ठीक है इतनी बात समझ आ गई ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा आप जब एग्जाम में करोगे ना तो आप प्लीज स्टेप मत लिखना आप जैसे पॉइंट फोर पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स करके लिखना ठीक है अगर आपको ये बात समझ आती है तो हम एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे सब लोग एक और चीज मुझे बताओ पढ़ने से पहले एक और चीज मुझे बताओ सब लोग हाँ, आप लोगों ने सही पकड़ा है लेबर आवर मेरा लिमिटिंग फैक्टर है तो आपको पर लेबर आवर कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा ठीक है मानते हो बात तो डिपार्टमेंट ए में जितने भी लेबर आवर है उस पर निकालोगे और आपको वो है, दे नहीं रखा तो आपको वो भी निकालना पड़ेगा वो कैसे निकलेगा वो बता देता हूं देखो ध्यान से देखना आप सबने मुझे बोला कि सर मेरा लिमिटिंग फैक्टर है लेबर आवर ऑफ ए मैंने कहा ठीक है ए मतलब ये मैंने कहा अच्छी बात है अब क्या मुझे इसके आवर्स दिए हैं क्या मेरे पे टोटल आवर्स हैं सोचो जरा और नहीं है तो क्या मैं किसी तरीके से निकाल सकता हूं क्या मेरे पास टोटल आवर्स है आई विल से सर नहीं है तो क्या मैं टोटल आवर्स निकाल सकता हूं देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने वहां पे आपके पास होता था कि कितना मटीरियल है या कितना लेबर है यहां पर नहीं है मानते हो बात क्या मैं निकाल सकता हूं सोच सकते हो कि कैसे निकालू मैं कहता हूं एक्स को बनाने में छह घंटे लगते हैं वाई को बनाने में दस घंटे लगते हैं जेड को बनाने में पांच घंटे लगते हैं मैंने इतने इतनी यूनिट्स बनाई है क्या मैं बना सकता हूं फिर सोचो मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं क्योंकि सोचना ही पड़ेगा तभी निवारण है डायरेक्टली बता के कोई फायदा नहीं है मुझे एक एक घंटे निकालने हैं क्योंकि मेरे पे एक घंटे नहीं थे मेरे पे आवर्स नहीं थे तो मैंने कहा क्या दिया है मुझे मेरे को दिया है ए एक्स को बनाने में छे घंटा लगाता है वाई को बनाने में दस घंटा लगाता है जेट को बनाने में पांच घंटा लगाता है मैंने इतना इतना बनाया है तो क्या मैं आवर्स निकाल सकता हूँ क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मेरे आवर्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे दस हजार घंटे लगे हैं एक्स में एक सॉरी दस हजार यूनिट बनाई है इसकी एक यूनिट बनाने के छह घंटे प्लस बारह हजार यूनिट बनाई है इसकी एक यूनिट बनाने के दस घंटे बीस हजार यूनिट बनाई है इसकी एक यूनिट बनाने के पांच घंटे टोटल कितना आ जाएगा आ, दो लाख अस्सी हजार आवर्स ये आपका स्टेप वन पूरा हो गया स्टेप टू आपको पता है क्या करना है स्टेप थ्री आपको पता है क्या करना है स्टेप फोर आपको पता है क्या करना है स्टेप फाइव आपको पता है क्या करना है बस सिर्फ एक छोटी सी चीज मुझे बताओ लास्ट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई कर लेना सब लोग मेरी बात का जवाब देंगे बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को क्या कह रहा हूं पता मैं इतना बनाता हूं बट मेरी इतनी डिमांड है सुनना मेरी बात को ध्यान से मैं इतना बनाता हूं बट ये मेरी डिमांड है मैं इतना बेच सकता हूं तो मुझे मैक्सिमम कितना बनाना चाहिए क्या दस हजार बनाना चाहिए या बारह हजार बनाना चाहिए मान लो मैं बोलता हूं सिर्फ एक्सी बनाना है मैं इतना सामान बनाता हूं बट इतना मैं बेच सकता हूं इतना मैं बेच सकता हूं जब मैं इतना बेच सकता हूं तो इतना सामान बनाऊंगा ना कोई दिक्कत थोड़ी ना जब मैं बेच सकता हूं तो मैं बनाऊंगा मानते हो बात तो दिस इज द मैक्सिमम विच आई कैन प्रोड्यूस ठीक है चलो फटाफट क्वेश्चन को ट्राई करो आई बिलीव कि आप लोगों से बन जाएगा आई बिलीव कि आप लोगों से बन जाएगा स्टेप वन मैंने करके दिखाया है फटाफट स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइव स्टेप सिक्स तक करो जल्दी से कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के दिखा दू आप लोगों को एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन देख लो कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है आपको थोड़ा कष्ट दे दे ऑल दो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन देख लो जरा मैंने कहा एक्स की बात करता हूँ वाई की बात करता हूं जेट की बात करता हूँ सेलिंग uh, प्राइस कुछ दिया है क्वेश्चन में ये रहा सेलिंग प्राइस दिया है तीन सौ बारह रुपये चार सौ रुपये दो सौ चालीस रुपये वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे क्या है डायरेक्ट मटेरियल है वेरिएबल ओवर है एक सौ साठ रुपया ये है आठ रुपया ये है एक सौ बीस रुपया ये है बीस रुपया ये है अस्सी रुपया ये है बारह रुपये ये है प्लस डायरेक्ट लेबर है डायरेक्ट लेबर में भी दो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी छह घंटे लगते हैं एक घंटे एक की कीमत है चार रुपए तो चौबीस रुपए लगेंगे दस घंटे लगते हैं एक की कीमत चार रुपए तो चालीस रुपए लगेंगे यहां बीस रुपए लगेंगे एक्स में छह घंटे लगते हैं एक है, की कीमत आठ रुपए तो अड़तालीस रुपया लगेगा यहाँ पे एक सौ बीस रुपया लगेगा यहाँ पे एटी एट लगेगा ये आ जाएगा आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन अब आगे आप कर लो सेवनटी टू हंड्रेड और फोर्टी मैंने आपके लिए सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल दिया क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं था उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा था आपको डायरेक्ट देखो सेलिंग प्राइस दिया था डायरेक्ट मटेरियल दिया था वेरिएबल ओवर दिया था डायरेक्ट लेबर नहीं दिया था तो बट निकाल सकते हो छह घंटे लगते हैं एक घंटे की कीमत चार दस घंटे लगते हैं एक की कीमत चार रुपए पांच घंटे लगते हैं एक ही की कीमत चार रुपए तो मैंने ही निकाल दिया अब आगे आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो आई बिलीव स्टेप फोर में तो मुझे उसकी वैल्यू निकालनी होगी ना एक्स की तो मैंने x के आ, x का मान लो आप बोलते हो 12000 मतलब 12000 यूनिट बनाते हो तो आपको सिर्फ डिपार्टमेंट ए को यूज करना पड़ेगा क्योंकि डिपार्टमेंट ए में कॉन्सटेंट है डिपार्टमेंट बी में कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो आपको डिपार्टमेंट बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप सिर्फ डिपार्टमेंट ए यूज करोगे बेटा स्टेप फोर में बोथ डिपार्टमेंट से डिवाइड होगा बोथ से नहीं होगा सिर्फ डिपार्टमेंट ए की बात करो यहां पे भी जब आप पर आवर निकालोगे तो आप पर आवर निकालोगे छ दस पांच बारह दस आठ रैंकिंग वन टू थ्री तो आप सबसे पहले एक्स बना दोगे बारह हजार यूनिट एक में छ लगता है तो बहत्तर हजार हो जाएगा तो आपके पास टोटल था कितना टोटल था आपके पास दो लाख अस्सी हजार जिसमें से आपने एक्स बना दिया बहत्तर हजार आपके पास कितना बच गया दो लाख आठ हजार अब आप वाई बना दोगे वाई कितनी बनेगी जी सोलह हजार यूनिट बनेगी एक को बनाने में दस लगेगा तो एक लाख साठ हजार वाई बना दो तो एक लाख साठ हजार भी यूज हो गया बच गया कितना फोर्टी एट थाउजेंड जेड की अगर बात करोगे तो आप बोलोगे फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाय एक को बनाने में जेड में कितना लगता है पांच नाइनटी सिक्स हंड्रेड बी के आवर्स क्यों नहीं लिए बी के आवर्स का क्या करेगा बेटा बी तो अनलिमिटेड है ना कितने भी घंटे लगाओ कोई फर्क थोड़ा पड़ता है मैंने आपको लिमिटिंग फैक्टर पे सारी चीजें कराई है लिमिटिंग फैक्टर क्या है दोस्त ए तो सब एक की बात करो बी की जरूरत ही नहीं बी में तो जितने घंटे लगाने लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन ने सिर्फ एक ही तो लिमिटिंग फैक्टर बोला है बाकी को तो बोला ही नहीं है क्वेश्चन तो वैसे खत्म कर दिया मैंने आपका बस इतना सही बचा था क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन भी बता देता हूं मैं आपको कंट्रीब्यूशन की बात करोगे 12000 यूनिट आपने बनाई है एक यूनिट पे सेवेंटी है सोलह यूनिट आपने बनाई है एक यूनिट पे सौ है और बाकी आपने कितनी बनाई है नाइन्टी सिक्स हंड्रेड यूनिट बनाई है उस पर कितने रुपए है फोर्टी रुपीज आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है इतने घंटे बचे हैं एक यूनिट बनाने में पांच घंटे लगते हैं तो कितनी यूनिट बना लोगे 9600? सिक्स हंड्रेड ये नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है एग्जाम का क्वेश्चन बहुत सिंपल है बहुत आसान है ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो बट थोड़ा सा जब तक एक बार हाथ से नहीं निकला होगा तो आपको चैलेंज आएगा ये स्टेप थ्री हो गया ये स्टेप फोर हो गया बेटा ये स्टेप फाइव हो गया ये स्टेप सिक्स हो गया मैं आपके लिए ना इसको अलग से बना देता हूं देखिए जरा ध्यान से कोई दिक्कत नहीं है एक बार आराम से देख लो देखो स्टेप तीन तक मैंने कर लिया मैं स्टेप फोर पे आ गया जब मैं स्टेप फोर पे आया तो मैंने देखा मुझे एक्स को प्रोड्यूस करना है मैंने कहा मैं एक्स को कितना प्रोड्यूस कर सकता हूं मैंने कहा मैं बारह हजार यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूं तो मैंने कहा बारह हजार यूनिट प्रोड्यूस कर लो ठीक है फिर मैं स्टेप फाइव पे गया स्टेप फाइव पे मुझे चाहिए अनयूज लेबर पहले तो, तो मैंने कहा दो लाख अस्सी हजार क्या था मेरे पास घंटे थे जिसमें से बारह हजार इंटू छे तो मैंने यूज कर लिए कितने बचे हैं दो लाख आठ हजार अब मुझे वाई बनाना है वाई कितना बनेगा सोलह हजार सोलह हजार को बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए घंटे एक लाख साठ हजार उतने घंटे अवेलेबल है मैंने कहा वाई बना दो फिर मैंने कहा स्टेप सिक्स पे आओ मैंने क्या कहा सुन लो मेरी बात मैंने कहा अगर मैं वाई बनाता हूं तो वाई बनाने के लिए एक लाख साठ हजार घंटे चाहिए मेरे पास कितने हैं दो लाख आठ हजार तो मैं बोलूंगा बन जाएगा बना दो अब स्टेप सिक्स पे आओ आप बोलो Z कितना बना सकते हो आपने कहा पहले निकालो अनयूज आवर्स आपने कहा मेरे पास अनयूज आवर है जी दो लाख आठ हजार में से एक लाख साठ हजार चले गए तो सिर्फ फोर्टी एट थाउजेंड आवर्स बच गए अब मैं Z कितना बना सकता हूं मेरे पास चौबीस हजार बनाने की क्षमता है मैं बना सकता हूं और एक को बनाने में मुझे कितने घंटे लगते, तो तो है। लगते हैं तो मुझे टोटल कितने घंटे चाहिए एक लाख बीस हजार घंटे चाहिए बट घंटे तो अड़तालीस हजार ही है तो मैंने कहा भैया कम बनाना पड़ेगा कम बनाना है तो कितना बनाना पड़ेगा तो जेड की यूनिट कैसे निकालोगे आप बोलोगे मैं अड़तालीस हजार घंटे अवेलेबल है एक यूनिट बनाने में पांच लगता है तो मैक्सिमम मैं नाइनटी सिक्स हंड्रेड यूनिट बना सकता हूं बात समझ आती है अब वो मैंने डायरेक्ट कर दिया इसलिए मैं भी आपको ऐसा लग रहा होगा अदरवाइज तो स्टेप फोर स्टेप फाइव स्टेप सिक्स ऐसे ले लो कोई दिक्कत नहीं है जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लो कुल मिला के चीज यही होनी है और कुछ नहीं होना हाँ जी चलिए आज का सेशन यही खत्म करता हूं थैंक यू वेरी मच एवरी वन जय श्री श्याम